हाय सो so आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स पूरे चैप्टर के बारे में पूरा का पूरा ये वन शॉट है और काफी ज्यादा डिटेल्ड वन शॉट है सो so इसमें हम सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन सब कवर करेंगे सो एवरेज स्टूडेंट के बेसिक्स क्लियर होंगे जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसको फिजिक्स समझ में आएगी और टॉपर स्टूडेंट का सारा फिजिक्स रिवाइज हो जाएगा सो so बिना देरी के करते हैं आज के इस वन शॉट लेक्चर को हम स्टार्ट सो रोटेशनल डायनामिक्स सो रोटेशनल डायनामिक्स का सबसे पहला पहला भाग हमारा हो जाता है यहाँ पर सर्कुलर मोशन अब सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो हम बचपन से सर्कुलर मोशन देखते आए हैं चाहे वो सैटेलाइट का मोशन हो सकता है अर्थ के अक्रॉस चाहे वो मून का मोशन हो सकता है अर्थ के अक्रॉस चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो सकता है एटम के अक्रॉस मेरी आपके फैन के जो टिप uh, है ब्लेड की टिप है आपके की, चाहे वो उसका रास्ता अलोंग द फरेंस है क्या है कभी कभी तो डेफिनेशन ही पूछते हैं सो डेफिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि जो भी मोशन में जो सर्कम ऑफ द सर्कल पाथ है ओके द मोशन इन विच द

ओके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सो कोई भी कह सकता है यू वर्ड का मतलब है यूनिफॉर्म तो एक जगह पे हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, है. दूसरे जगह पे लिखा हुआ है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है सो so, आखिर में ये है क्या तो ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर काइनामेटिक्स को समझना पड़ेगा किसको समझना पड़ेगा लीनियर काइनोमेटिक्स को थोड़ा हमें यहां पर समझना पड़ेगा सो so, यहाँ पर मैंने बॉल लिया है जैसे हम बचपन में लेते थे यहाँ पर मैंने रस्सी ली है जैसे हम बॉल को रस्सी बांध के बचपन में ऐसा पत्थर वत्थर गोल घुमाते थे तो सेम मोशन यहाँ पर मैंने करने का प्रयास किया है ठीक है सो अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ इसको यहां पर मैं घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ सर्कल में घुमाते रह रहा हूं कंसिडर करते हैं यहां पर जब मेरा बॉल पहुंचा है मैं यहाँ से रस्सी को छोड़ देता हूँ ओके जैसे ही मेरा बॉल यहां पर पहुंचा है मैं क्या कर देता हूँ रस्सी को छोड़ देता हूं बोलो क्या होगा कम ऑन सबको पता है अगर ऐसे 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 घुमा के मैंने छोड़ दिया तो बॉल मेरा यहां से सीधा निकल जाएगा सो so, सीधा निकल जाने का मतलब होता है हर पॉइंट पे हर पॉइंट पे मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंशियल है क्या है हर पॉइंट पे मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंशियल है अगर मैंने बॉल को यहां पर छोड़ा तो इनर्शिया के वजह से ऐसे ऐसे घूम रहा था इस तरफ निकल जाएगा अगर बॉल को यहां छोड़ा तो इस दिशा में निकल जाएगा अगर मैंने यहां पर छोड़ा तो so बेसिकली ऐसे निकल जाएगा यानी हर पॉइंट पे मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है टेंजेंशियल वेलोसिटी है क्या है यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी है क्लास इलेवेंथ में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स राइट हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स वेक्टर्स वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड so, का मतलब होता है कोई ना कोई नंबर होता है जैसे मैग्नीट्यूड so, भी, भी, so, भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है उनको हम कहते हैं वेक्टर्स और वेलोसिटी हमारी यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी है सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब तो फिक्स है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है अगर मैं पांच मीटर पर सेकंड से यहां पर घुमा रहा हूं इस बॉल को सो पांच मीटर पर सेकंड हर जगह पे मेरा कांस्टेंट रहेगा पर ध्यान से इस डायग्राम को देखिए डायरेक्शन तो बदल रहा है ना ध्यान से देखो डायरेक्शन हर जगह बदल रहा है यहाँ पर नीचे है यहाँ पर राइट साइड है यहाँ पर लेफ्ट के तरफ है यहाँ पर वापस नीचे है यहाँ पे ऊपर है सो so बिकॉज एक कंपोनेंट यहां पे बदल रहा है सो so मैं कहूंगा मेरा वेक्टर बदल रहा है वेक्टर बदल रहा है यानी मेरी वेलोसिटी बदल रही है अब वेलोसिटी बदलती है आप गाड़ी पे चल रहे हो मैंने वेलोसिटी बढ़ाई तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी कब बढ़ेगी जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करोगे इस वजह से हम कहते हैं यूनिफॉर्म यु, सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन कंपोनेंट बार बार बदल रहा बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है सो so, इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये है चलिए So, बढ़ते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा काइनामेटिक्स का शुरुआत किया ही है सो so, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं सो so, कोई भी चीज समझने से पहले कंपैरिजन बहुत जरूरी होता है एग्जांपल तौर पे अगर आप एग्जाम देके घर आए हो आपकी रिजल्ट आई है कंसीडर करते हैं और सौ में से आपका सत्तर आया है ओके okay, तो आप घर जाके बोलोगे सौ में से सत्तर है तो घर वाले बोलेंगे सेवेंटी क्यों आया है नाइनटी क्यों नहीं आया है पर अगर आप बोलोगे कि जो टॉपर है उसका सेवेंटी वन आया है तो फिर लगेगा कि हाँ चलो चलो ठीक है सो इसी प्रकार से कोई भी चीज को पढ़ने का तरीका होता है फिजिक्स में कंपेयर कर करके सो एंगुलर मोशन हमारे लिए नया मोशन है राइट है ना एंगुलर मोशन हमारे लिए यहाँ पर कंप्लीटली नया मोशन है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन से कंपेयर करके स्टैंडर्ड so, में हमने पढ़ी थी काइनामेटिक इक्वेशन तीन काइनामेटिक थी जिसमें पांच टर्म्स होते थे so, पांच टर्म्स कौन से थे so, पहला पहला टर्म होता था हमारा डिस्प्लेसमेंट उसके बाद होता था इनिशियल वेलोसिटी उसके बाद होती थी हमारी फाइनल वेलोसिटी देन होता था एक्सलरेशन एंड फाइनली होता था यहां पर हमारा समय वही टर्म्स सब थोड़े से बड़े हो चुके हैं और अभी हम उसको पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एंगल में बिकॉज सर्कुलर मोशन में क्या होता है सर्कुलर मोशन में हम एंगल भी ट्रेस करते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर्कुलर मोशन में एंगल ट्रेस कैसे होता है तो आप सिंपली इस डायग्राम से यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूं यहां पर बना देता हूं मैं एक एक्स एक्सिस ठीक है चलिए एक्स एक्सिस से मेरा पार्टिकल 90 डिग्री ट्रेवल किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा X axis से object मेरा 90 डिग्री ट्रेवल किया है एंटी क्लॉक में तो आप सीधा बता दोगे कि सर पार्टिकल मेरा यहाँ पर होगा है ना so आपने क्या किया आपने एंगल बताया राइट right? आपने क्या किया आपने यहाँ से एंगल बताया है ना और एंगल से आपको क्या पता चला एंगल से आपको पता चला कि मेरे पार्टिकल की पोजीशन क्या है अगर मैं कहूं एक्सिस से 180 डिग्री आप सीधा बोलोगे पार्टिकल वहां होगा So, मैं एंगल बता रहा हूं बट एंगल से क्या पता चल रहा है एंगल से पता चल रहा है कि कितना यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है सो so, ये एक्स जो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था वो अब बड़ा हो गया है और हो गया है टीटा जिसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती थी U बन गया है यहां पर हमारा ओमेगा जो कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गई है v हमारी यहां पर फाइनल वेलोसिटी होती थी तो ये भी यहां पर हो गया है ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बट ये इनिशियल है तो इसके वजह से यहां पर हम इसके आगे छोटा सा जीरो लिखते हैं ताकि इनिशियल समझ में आए और ये है लीनियर एक्सेरेशन बन गया है एंगुलर एक्सेलरेशन वक्त बादशाह है समय को कोई नहीं बदल सकता है समय तो समय रहेगा सो टाइम आपका यहां पर टाइम ही बन के रह गया है ओके सो ये हो जाती है हमारी एनोलॉजी फ्रॉम लीनियर मोशन टू एंगुलर मोशन ओके सो so, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक में आ जाता है हमारा स्विच ओके बिकॉज यहाँ पर थोड़ी सी रिलेशन पढ़ते हैं उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एंगुलर काइनोमेटिक्स के तरफ चलते जाता है तो आइए पहले थोड़ी सी इक्वेश देखते हैं नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी होता है डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट बस वेलोसिटी के जगह एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के जगह लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन होता है derivative of velocity, class 11th में पढ़ा था अभी इसको ज़्यादा मत लेना जो लोग बोले हमने 11th किया ही नहीं है नीड नॉट वरी सिर्फ फर्स्ट पेज पे है इसका इतना ज्यादा यूज वैसे भी नहीं है फॉर बोर्ड लीनियर एक्सेलरेशन बन गया है यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इस प्रकार से ये हो जाती है फॉर्मुला अब इलेवेंथ स्टैंडर्ड में थोड़े से प्रूफ थे तो ये स्टैंडर्ड से आती हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं नहीं तो क्या होता है स्टूडेंट्स बोलते हैं सर लेवंथ किया नहीं था बेसिक्स कवर्ड नहीं है तो कुछ भी कहीं से भी आ जाता है तो ये स्टैंडर्ड के रिलेशन है।, पूरा पूरा है आपका यहाँ पर लीनियर पार्ट राइट है ना पूरा का पूरा पार्ट क्या है पूरा का पूरा पार्ट है आपका यहाँ पर ये लीनियर पार्ट ओके सो लीनियर है डिस्प्लेसमेंट लीनियर है एक्सेलरेशन लीनियर है वेलोसिटी लीनियर है ये पूरा का पूरा पार्ट अगर आप देखोगे सो ये पूरा जा का पूरा पार्ट हो जाता है आपका यहाँ से एंगुलर पार्ट राइट सो तो पूरा पार्ट क्या हो जाता है यहाँ से हो जाता है आपका एंगुलर पार्ट सो तो एंगुलर पार्ट यहाँ पर हो जाता है आपका टीटा ओमेगा और अल्फा एंड बीच में क्या है बीच में है रेडियस बिकॉज लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में फर्क क्या होता है सो लीनियर और सर्कुलर मोशन में फर्क होता है रेडियस का हर जगह अगर आप देखोगे कुछ ना कुछ रेडियस यहां पर मैं ड्रॉ कर सकता हूं इस वजह से यहां पर हर जगह पे देखो आर 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 का टर्म आ ही जाता है फर्दर मोर ये फर्स्ट फॉर्मूला आपने ए, सेक्टर में पढ़ी होगी बिकॉज सेक्टर क्या होता है सेक्टर भी आपका एक सर्कल का ही हिस्सा होता है ओके सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स पार्ट पर हमारा अच्छा खासा बेसिक समाप्त होता है अब थोड़ा सा जाते हैं हम और गहराई में और समझते हैं कि एंगुलर काइनामेटिक्स एक्चुअल में क्या होता है सो so लीनियर काइनामेटिक्स में क्या होता था हम लोग सब कुछ चीजों को ड्रॉ करके समझ सकते थे अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट एक्सएक्सिस पे जा रहा है तो बस एक्स एक्सिस पे जा रहा है उसमें कुछ सोचना या कोई हैंड वाला रूल लगाने की जरूरत नहीं होती थी मैं कह रहा हूं मेरा ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे जा रहा है तो विश्वास हो जाता था, था कि वाई पे जा रहा है दिख रहा है बट एंगुलर काइनामेटिक्स ऐसा नहीं है यहाँ पर चीजें एंगल में रिवॉल्व हो रही हैं सो बिकॉज एंगल में रिवॉल्व हो रही हैं सो हमें यहां पर राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है अब एंगुलर काइनामेटिक्स में यूजुअली स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है एक्सेस क्या लें ये इधर क्यों जा रहा है वो उधर क्यों जा रहा है तो हम सब कुछ एक ही बेसिक एग्जांपल जो हमारा बचपन बीता था जैसे ये फिरकियाँ घुमाते घुमाते उसी के एग्जांपल से हम काफी सारी चीजें समझ सकते हैं कि एंगुलर काइनामेटिक्स को कैसे डील किया जाता है पहले पहले एंगुलर काइनामेटिक्स की जो सबसे जरूरी बात होती है वो होती है एक एक्सिस कोई ना कोई होगी ही होगी ओके एक्सिस का यहाँ पर वर्णन होता ही है एक्सिस के अक्रॉस ही सारी चीजें यहाँ पर होंगी ही होंगी अब एक्सिस के अक्रॉस हो रही हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ तो चीजें क्लॉकवाइज होंगी या तो एंटी क्लॉक वाइज होंगे ओके सो दैट्स इट यही बेसिक सा फंडा है तो आइए थोड़ा सा फिरकी का हम एग्जांपल यहां से देख के देखते हैं ओके okay? सो so मेरा ये डोरेमोन पॉकेट है यहाँ से मैनिफेस्ट हो जाती हैं चीजें सो so बेसिकली यहाँ पर ये यह कंसीडर करते हैं हम ये बेसिक सा एग्जाम्पल जो हम बचपन से देखते आए हैं अब इसको मुझे घुमाना है इससे पूरा एंगुलर काइनामेटिक्स इस फिरकी से हम आसानी से समझ सकते हैं ये मुझे चाहिए ऊपर जाए ओके okay, ये मुझे क्या चाहिए ये मुझे चाहिए ऊपर जाए तो बताओ क्लॉक वाइज घुमाऊ के एंटी क्लॉक वाइज सो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल कहता है आप कर्ल्ड फिंगर्स को घुमाओ जैसे भी आपको घुमाना है थंब का डायरेक्शन देखो कौन सा है उससे आप मोशन कर पाओगे सो so बेसिकली अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है सो राइट एंड थंब रूल कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में इस फिरकी को घुमा कैसे घुमाऊं इस फिरकी को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाऊं तब जाके मेरा यहां पर थंब ऊपर की तरफ जाएगा सो so देखो जब हम ऐसा घुमाते थे बचपन में तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा हूँ देखो On, अभी आपको वो कैमरा की वजह से लेटरल इन्वर्टेड दिख सकता है बट विश्वास करो मैं उसको एंटीक्लॉकवाइज ऐसा घुमाता हूँ फिर से उड़ भी गई ऊपर के डायरेक्शन में ओके टेंशन मत लो मेरे पास एक और चलिए तो बेसिकली यहाँ पर लॉजिक हमारा कैसा लगता है लॉजिक यहाँ पर हमारा बहुत सिंपल सा लगता है कि मोशन को हम कैसे जज कर सकते हैं सो मोशन को हम इसी प्रकार से जज कर सकते हैं क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है तो हमारी चीजें नीचे जाएंगी अगे क्लॉकवाइज हो रहा है तो स्टफ हमारा नीचे जाएगा राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाओ नीचे के तरफ थंब है तो मोशन नीचे के तरफ होगा एंटी क्लॉकवाइज है सो एंटी क्लॉकवाइज में थंब मेरा ऊपर की तरफ होगा सो बेसिकली ये तीनों चीजें गवन की कैसे कैसे गवन की जाती हैं, गवन की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइट हैंड थंब रूल ओके अगर इनका डायरेक्शन मुझे गवन करना है क्योंकि वेक्टर है सब वेक्टर है सो so वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जैसा भी होगा होगा वह डायरेक्शन में यहां पर राइट हैंड थंब रूल हमें करने के काम आता है। एक चीज हमेशा याद रखना जो भी डायरेक्शन आपके डिस्प्लेसमेंट का होता है वही डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी का भी होता है मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि समझो कोई स्टूडेंट है सुशील सुशील की एक्टिवा सीधा जा रही थी पर सुशील राइट साइड जा रहा था नहीं जहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जहां पर मैं आगे आ रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी भी आगे आ रही है मैं पीछे जा रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी भी पीछे जा रही है उसी प्रकार से जो एंगल मेरे टीटा का होता है वही एंगल मेरे वही डायरेक्शन मेरे ओमेगा का भी होता है दोनों का डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा ये चीज पे गांठ बांध के रख दो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा यहां पर सेम होता है एंगुलर काइनामेटिक्स के जो भी डायरेक्शन है होते हैं हमेशा अक्रॉस द एक्सिस चलिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जहां पर पंखा ऑन हो रहा है और एक एग्जाम्पल कंसिडर करके देखते हैं जहां पर पंखा ऑफ हो रहा है सारी चीजें खुद ब खुद यहाँ पर कवर हो जाएंगी चलो सो so, पंखा यहाँ पर कंसीडर करते हैं ऑन हो रहा है सो so ऑन होने का भी मैं आर्बिटरीली डायरेक्शन एज्यूम करता हूँ कि ये पंखा मेरा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है ओके okay. पंखा मेरा यहाँ से कुछ इस प्रकार से चल रहा है सो so ये डायरेक्शन कौन सा हो गया ये डायरेक्शन मेरा यहाँ से हो गया क्लॉक डायरेक्शन डायरेक्शन कैसा हो गया डायरेक्शन हो गया यहां से मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलिए सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ से मैं अपने हाथों से करके देखता हूँ सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मैं अपने हाथों से करके देखूंगा सो so मुझे नीचे के तरफ डायरेक्शन मिल रहा है मेरे टीटा का है ना डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ मिल रहा है नीचे के तरफ मिल रहा है सो so यहाँ पर मैं टीटा बना दूंगा मेरे ओमेगा का डायरेक्शन भी कहा मिल रहा है ओमेगा का डायरेक्शन भी मुझे मिल रहा है नीचे की तरफ सो ओमेगा का डायरेक्शन भी मैं बना दूंगा यहाँ पे नीचे की तरफ ये आर्बिटरी है ओके टेक्स्ट बुक में क्लॉक एंटी -क्लौक लिया है तो उसमें ऊपर आएगा सो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ चलिए अब पंखे को ऑन किया है फैन को ऑन किया है इसका मतलब क्या होता है जब पंखा ऑन होता है एक्सेलरेशन होता है तो बिकॉज एक्सेलरेशन होता है तो क्या होगा आपका एक्सिलरेशन का डायरेक्शन भी सेम वही रहेगा जो आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन है अभी मैं गाड़ी चला रहा हूं मेरी गाड़ी चल रही है सीधी चल रही है गाड़ी मैंने गाड़ी एक्सेलरेट की तो मैं ऑब्बियसली डायरेक्शन मेरा वही रहेगा सो दोनों का डायरेक्शन यहां पर सेम ही रहता है सो जब पंखा ऑन होता है सबका डायरेक्शन यहां पर सेम होता है टीटा हो ओमेगा हो या अल्फा हो अभी एंटी क्लॉक करता है तो सबका डायरेक्शन ऊपर आता तो एग्जाम में आपकी पर्सनल चॉइस है आप क्लॉक भी एज्यूम कर सकते हो आप एंटी क्लॉक भी एज्यूम कर सकते हो इट इज कंप्लीटली फाइन अब बात करते हैं यहाँ पे ऑफ होने की चलिए अब मुझे बताइए पंखा ऑन हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पंखा ऑफ कौन से डायरेक्शन में होगा एंटी क्लॉकवाइज राइट नहीं सो ऑब्वियसली बात है पंखे का डायरेक्शन कभी नहीं बदलता है अगर वो क्लॉकवाइज में चल रहा है सो क्लॉक में ही चलता रहेगा कभी ऐसा नहीं होता है कि पंखा ऐसा घूम रहा था तुमने बंद किया भी ऐसा घूमना स्टार्ट हो जाएगा ये सब चीजें नहीं होती हैं सो यहां पर क्या होगा वापस से अगर क्लॉकवाइज एज्यूम किया है सो टीटा का डायरेक्शन वही रहेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन भी वही रहेगा पर एक्सलरेशन इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या बनता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पर हमारा ऑपोजिट बनता है बिकॉज़ उसी को हम कहते हैं डी एक्सिलरेशन डी को फिजिक्स में कहा जाता है ब्रेक लगाना सो so जब हम गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं तो फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं पीछे के डायरेक्शन में मैं जा रहा था आगे के डायरेक्शन में फोर्सेस एग्जेट हुए पीछे के डायरेक्शन में इस वजह से हमारी ब्रेक लगती है तो ये टॉपिक का सारांश क्या है ये टॉपिक का सारांश वही है कि जब ऑन हो रहा है पंखा तीनों का डायरेक्शन सेम है जब पंखा ऑफ हो रहा है एक्सेलरेशन आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी देट सिट टेक्सट बुक में पंखा नहीं दिखाया टेक्सट बुक में ऐसे ही सर्कल्स दिखाए तो ये वेक्टर सिर्फ ऊपर की तरफ आ रहे हैं और कुछ भी फर्क यहां पर नहीं है चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक चलिए सो बात करते हैं फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन सेंट्रिपिटल फोर्स अब लोग बोलेंगे इसमें क्या है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बट सेंट्रिपिटल फोर्स इंपॉर्टेंट क्या है इसमें तो टाइम पास ही है एक दो चीजें पढ़नी है दैट्स इट बट मैं आपको बता दूं यही रीजन है आप लोगों के सम्स वीक होते हैं सम्स अगर स्ट्रॉन्ग चाहिए आपको तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी है बिकॉज इसमें जो फील एक बार आना है वो आ गया तभी सम्स कर पाओगे नहीं तो फिर रट्टा मारना पड़ता है आइए समझने का यहां पर हम प्रयास करते हैं सो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता क्या है सेंट्रिपिटल फोर्स इसका ओरिजिन क्या है इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है पहले हम समझने का यहां पर प्रयास करते हैं कंसिडर करते हैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ठीक है और ये ऑब्जेक्ट यहां से सीधा 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 जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट कौन है ये ऑब्जेक्ट वही है जिसने अभी अभी कमेंट में मुझसे कुछ पूछा है सवाल सो अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने कमेंट रीड की वो पूछ रहा था सर बोर्ड से साल देने का मन नहीं हो रहा है अगले साल दे दूं क्या तैयारी भी नहीं हुई है तो ये कंसिडर करते हैं वही स्टूडेंट है ठीक है तो ये स्टूडेंट यहाँ से जा रहा है जा रहा है यहां तक वो आया है स्टूडेंट और मुझे मन हो रहा है इसको मैं लात मारू ठीक है <laughs> क्योंकि इतना जल्दी गिवअप कर रहा है इतना सब कुछ होने के बाद भी गिवअप कर रहा है तो मैं क्या करता हूं उसको यहाँ से ऐसा धक्का मारता हूं कि. So बात है जब एक जना सीधा जा रहा है एक ऑब्जेक्ट यहाँ से सीधा जा रहा है और मैंने क्या किया है मैंने उसको यहाँ से धक्का मारा है सो so अब मैं धक्का मारूंगा तो क्या होगा वो उसका ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो वो थोड़ा सा सीधा जाने की जगह अब यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ठीक है अब मुझे गुस्सा आया अब आपको भी गुस्सा आया आपने बोला मैं भी मारूंगा सो <laughs> बेसिकली so आपने भी क्या किया आपने भी उसको से थोड़ा मारा ऐसा पुश किया धक्का दिया आपने सो so आपने पुश किया तो क्या हो गया उसका ट्रेजिक्ट्री फर्दर चेंज हो गया अब आपको देखा किसी ने मारते हो आपके दोस्त ने बोला सब मार रहे हैं तो मैं भी मारूं तो क्या हुआ किसी और ने भी उसको यहां से धक्का दिया सो so ये इनिशियली जाना सीधा चाहता था

हम फिजिक्स में अज्यूम क्या करते हैं न्यूटन क्या कह के गया था कह के गया था कि कोई भी चीज का फर्स्ट uh, लॉ क्या कहता है न्यूटन का फोर्स लगेगा तभी कुछ डायरेक्शन में चेंज आएगा राइट बिना फोर्स के नहीं आएगा तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो कोई ना कोई तो फोर्स होगा बट अगर आप ध्यान से देखो हमने इस बंदे को धक्का कहां से मारा हमने इस बंदे को धक्का मारा सा बाहर के तरफ से बरोबर हम लोग ऐसे सर्कल बना के खड़े थे और उसको हम धक्का मारते गए थे ध्यान से देखो फिजिक्स वालों ने इसी फोर्स का नाम सेंट्रिपिटल फोर्स तो नहीं दे दिया है ओ ऐसा <laughs> अभी काफी लोगों को समझा होगा कि सेंट्रिपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है आया कहां से लाइन सबको पता है कि सेंट्रिपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है अरे कहां से आया क्यों सेंटर के तरफ सो so ये थॉट प्रोसेस था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है हम अज्यूम करते हैं कि बाहर से उसको कोई धक्का देते रह रहा है और धक्का कॉन्स्टेंटली दे रहा है बिकॉज कॉन्स्टेंटली धक्का दे रहा है तो उसका ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाएगा और वो एक सर्कल के तरह घूमेगा एंड यही था थॉट प्रोसेस बिहाइंड द सेंट्रिपिटल फोर्स अब ये समझ लिया तो आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन आ जाएगा कि अच्छा तभी हम कहते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ये सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन कहां है सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन यहां पर अगर मैं यहां पर सेंटर बना दू देखो हमेशा फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ही आपको मिलेगा ओके okay? चलिए so, इस वजह से जब जब सर्कुलर मोशन होगा ये लाइन लिख लो आप अपने नोट्स में जब जब सर्कुलर मोशन होगा कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा क्या है लाइन जब जब सर्कुलर मोशन होगा कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ध्यान रखना सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है ओके सेंट्रिपिटल फोर्स क्या किया जाता है प्रोवाइड किया जाता है सो so, जब जब सर्कुलर मोशन होगा कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा आइए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं अगर मैं बात करूं मोशन ऑफ सन और earth, right? अर्थ राइट सन के आसपास अर्थ घूम रहा है बोलो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन दे रहा है सो so, हम कहते हैं ग्रेविटी प्रोवाइड्स द सेंट्रिपिटल फोर्स अगर मैं बात करूं एक रोड की जिसमें कार टर्न ले रही है तो हम कहते हैं फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रिपिटल फोर्स अगर मैं बात करूं हमारे पुराने वाले एग्जाम्पल की जिसमें मैंने रस्सी पे बॉल बांधा था और उसको गोल गोल घुमा रहा हूं तो हम कहते हैं टेंशन प्रोवाइड्स द सेंट्रिपिटल फोर्स अगर मैं कहूं मेरे पास एक टेबल है टेबल के ऊपर एक सिक्का पड़ा है और वो टेबल गोल गोल घूम रही है तो मुझे पता है सिक्का टेबल के ऊपर पड़ा है सो बेसिकली फ्रिक्शन है तभी वो पड़ा है नहीं तो स्लिप हो जाता तो हम कहते हैं फ्रिक्शन प्रोवाइड दिपिटल फोर्स ओके सो दिस इज द बेसिक एनोलॉजी बिहाइंड ऑल द सम्स इन सर्कुलर मोशन के कौन सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है

कुछ देर पहले हमने रिलेशन देखे थे रिलेशन में मैंने आपको दिखाया था वी इज इक्वरी होता है आर ओमेगा के बराबर तो अगर वो वाली फॉर्मूला डाल देंगे तो यहां से फोर्स मिल जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के यहाँ से बराबर ये हो जाता है हमारा सेंटरपिटल फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्शन दोनों का होगा टुवर्ड्स द सेंटर बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है सो so, जहां फोर्स का डायरेक्शन होगा वहां एक्सलरेशन का डायरेक्शन होगा क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है सो वेक्टर वाइज दोनों का डायरेक्शन यहां पर होता है हमारा टुवर्ड्स द सेंटर अब टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है टेक्स्ट बुक में माइनस प्लस दिया है मैं आपको बता दूं माइनस प्लस आर्बिटरी होता है आप अलग किताब उठाओगे कि उसमें माइनस प्लस अलग दिखेगा तो बेहतर है आप इंग्लिश में लिखो कि कौन टुवर्ड्स द सेंटर है एंड कौन अवे फ्रॉम द सेंटर है वो थोड़ा सा ज्यादा सही रहता है ठीक है टेक्निकली अब जैसे ही ये लिखूंगा स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमको समझता नहीं है कौन सा फॉर्मूला कहा यूज होता है तो सिंपल सा लॉजिक है सर्कुलर मोशन के सम्स में अगर आपको रोटेशन दिया है कि मेरी टेबल रोटेट हो रही है 40 RPS से टेबल रोटेट हो रही है छ रेडियन पर सेकेंड से ओमेगा के टर्म्स में डेटा दिया है अगर आपको तो ऐसे सिचुएशन में फॉर्मूला ये वाला यूज होगा फोर्स फोर सी कॉस एम आर ओमेगा स्क्वायर अगर नहीं तो फिर आपका यूज़ होगा हो फोर्स।, तो फोर्स के बाद यहाँ पर सेंट्री फ्यूगल फोर्स आ जाता है पहले तो समझो ये क्यों आया है नाइन टेंथ में थोड़ा सा जूठ पढ़ाते थे हमको नाइन टेंथ में क्या बोला जाता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो उसके तरफ अंदर की तरफ एक्ट होगा यहाँ पर वैसे ये मेरा आज पहला लेक्चर है डिजिटल बोर्ड पे सो थोड़ा सा अगर परेशानी हो मतलब टूल्स यूज करने में तो सह लेना मैं फर्स्ट टाइम डिजिटल बोर्ड पे कुछ कर रहा हूँ तो मुझे भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बाकी सेटअप मेरे थोड़े से अलग होते थे वो आपने देखे होंगे चलिए सो नाइन टेंथ में क्या सिखाया जाता था कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स है एक्शन रिएक्शन के बराबर होता है तो बाहर की तरफ सेंट्री फ्यूगर लगता है तो एक्शन रिएक्शन करके बैलेंस करते हैं बट ये गलत थियरी थी जो कि सबको पता है बात ओके नाइन स्टैंडर्ड में इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं सिखा सकते हैं तभी ऐसा बोलते हैं एग्जाम्पल तौर पर नाइन टेंथ में बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है इलेवेंथ की के केमिस्ट्री में आपको पता चलता है ऑर्बिटल होता है जो कि डंबल शेप का होता है जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो तब पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रॉन सिर्फ है क्वांटम फिजिक्स ये कहती है इलेक्ट्रॉन है और घूम रहा है कैसे घूम रहा है कुछ भी नहीं बोल सकते हैं तो तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा कुछ आपको अगर पता है तो उसको दूर करो कंफ्यूजन को तो समझते हैं एक्चुअल में सेंट्री फोर्स कहाँ से आया और कब यूज करना है क्योंकि सम्स में अगेन फंस जाते हैं स्टूडेंट्स तो देखो कैसा होता है दो प्रकार के फ्रेम होते हैं इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम सेंट्री फ्यूगल फोर्स सिर्फ और सिर्फ तब यूज करना है जब नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात हो किसकी बात हो नॉन इनर्शियल फ्रेम की यहां पर बात हो सेंट्री फ्यूगल फोर्स सिर्फ और सिर्फ हमें यहां पर तब यूज करना है उसके सिवा यूज नहीं करना है अब कोई बोलेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम कहां से आया अवेंथ स्टैंडर्ड हमने नहीं किया है तो सिंपल सा लॉजिक है अगर एक बस आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है है ना तो मुझे बताओ पेंडुलम कौन से दिशा में आएगा अगर मेरी बस आगे की तरफ अचानक से एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो तो सबको पता है पेंडुलम यहाँ पर पीछे की तरफ आ जाएगा उसी प्रकार से अगर ट्रेन है लोकल ट्रेन में हम ऐसे खड़े हैं ट्रेन अचानक से आगे जाती है तो हम पीछे की तरफ आते हैं तो मुझे बताइए पीछे की तरफ क्यों आए क्या ट्रेन के ड्राइवर ने तुमको धक्का दिया नहीं क्या आगे वाले ने तुमको ऐसा धक्का दिया पीछे जा नहीं ट्रेन खाली हो तभी भी हम पीछे की तरफ आते हैं सो जो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं जहां पर एक्सेलरेशन है वहां पे न्यूटन के लॉ फेल हो जाते हैं बेचारे की वैल्यू ऐसे स्माइलिंग फेस फेस से में कन्वर्ट हो जाती है इस वजह से न्यूटन की रिस्पेक्ट रखने के लिए और उसके लॉस को जिंदा रखने के लिए हम एक फोर्स बना देते हैं जिसको हम कहते हैं सूडो फोर्स ओके क्या बना देते हैं एक फोर्स बना देते हैं जिसको हम कहते हैं सूडो फोर्स सूडो वर्ड का मतलब होता है फेक फोर्स सूडो वर्ड का क्या मतलब होता है फेक फोर्स गलत फोर्स तो so, गलत फोर्स का प्रॉपर्टी क्या है सूडो फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट होता है सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो एम ए ही रहेगा पर डायरेक्शन इसका हमेशा रहता है ऑपोजिट इस वजह से यहाँ पर माइनस की साइन आती है यानी एक्सेलरेशन आगे के तरफ सूडो फोर्स का डायरेक्शन आ जाता है हमारे पीछे के तरफ तो ये जो सेंट्री फोर्स है ये एक सूडो फोर्स है ये एक फेक फोर्स है फेक फोर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ कब जिंदा होगा जब आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें नॉन इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन क्या है नॉन इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन होता है ऐसे फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं है ओके okay? सो so, जितना मैंने बताया हैवी लग सकता है कुछ स्टूडेंट्स को पर दो बार सुनोगे ना आपको सब आसान लगने लगेगा सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाकी सब कुछ सेम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कुछ भी फर्क यहाँ पर नहीं है सेम फॉर्मुला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपका वही होता है एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्री फोर्स भी आपका वही होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर पर अभी अभी मैंने क्या बताया डायरेक्शन क्या होता है डायरेक्शन होता है ऑपोजिट सो so ये फोर्सेस आते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर इसमें एक्सिलेशन भी अवे फ्रॉम द सेंटर होता है इसमें फोर्स भी एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर होता है सो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल साथ में कभी यूज नहीं करते हैं वो हम नाइन्थ टेंथ तक करते थे इस चीज़ को ध्यान रखना एज वेल एज महाराष्ट्र बोर्ड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर कोई भाव नहीं देता है न स्टूडेंट्स भाव देते हैं न एग्जामिनर भाव देते हैं तो कंफ्यूजन हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हो ये मैंने आपको एक कर्तव्य के नाते यहाँ पर बता दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेस्ट एग्जाम्पल होता है जब हम बस में बैठे हैं अभी बस में बैठे हैं तो बस वाला तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बोले चालीस वेलोसिटी से ही चलाऊंगा एक्सेलरेटर नहीं था बस में तो बिंदास चीजें हम लेफ्ट राइट टर्न होता रहता है सो आप कभी भी नोटिस करके देखो जब आप खास करके ऐसी बस में बैठते हो ओके जो घाट से पास हो रही है <laughs> सो आपको पता होगा अगर बस लेफ्ट में जाती है हम राइट right में जाते हैं अगर बस राइट में जाती है हम लेफ्ट में जाते हैं सो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्री फ्यूगल फोर्स अगर बस राइट में जाएगी तो हम सब ऐसे लेफ्ट में होते जाएंगे ओके सो बेसिकली ये सब चीजें हमने एक्सपीरियंस की हैं सो so देखो बस अगर लेफ्ट में जा रही है हम राइट में जा रहे हैं हम अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहे हैं हमारे ऊपर सेंट्री फ्यूगल फोर्स लग रहा है बिकॉज हम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में हैं हम बस के फ्रेम में हैं जो ड्राइवर बिंदास ऐसा ऐसा करते करते यहां पर घुमा रहा है ओके okay? चलिए फाइनली आ जाते हैं यहाँ पर मेजर टॉपिक्स जिसमें सीरियसनेस लाना पड़ेगा डेरिवेशन वाला पार्ट जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सो यहां पर हमें तीन प्रकार के रोड पढ़ने हैं पहला पहला हमें पढ़ना है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक

है हाँ ना मतलब यहाँ पर पहाड़ वहाड़ की बात नहीं हो रही यहाँ पर एकदम सीधे रोड अभी जैसे ये रोड है आपके नॉर्मल ही रोड्स होते हैं सिर्फ एक्स एक्सिस पे आपके लाइक करते हैं बट सर्कुलर होते हैं जैसे गार्डन हो गया गार्डन ऐसा नहीं होता है ऊपर नीचे पहाड़ों की तरह राइट सो सिंपल से रोड की यहाँ पर बात हो रही है चलिए और फर्दर मोर आपको पता होना चाहिए कि सर्कल इज अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना अगर हॉरिजॉन्टल वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है उसका एक रीजन ये भी होता है कि सर्कल का अगर आप एक छोटा सा हिस्सा लोगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगी ओके okay? सो so ये चीज का भी हम कई बार यूज करते हैं देखो सर्कल का अगर मैंने छोटा सा सेगमेंट लिया है और इसी सेगमेंट को अगर मैं देखूं तो ये तो एक सीधी लाइन के तरह मुझे दिखेगी चलिए सो so कंसीडर करते हैं यहां पर मेरे पास एक कार है ऐसे कार भी कंसीडर कर सकते हो नहीं तो आप फ्री बॉडी डायग्राम भी यहां से बना सकते हो सो so कंसिडर करते हैं मेरे पास यहां से कार है कार के ऊपर नीचे के डायरेक्शन में कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एक्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से अब धरती कार को नीचे खींच रही है अपने तरफ बट क्या कार धरती को चीर के अंदर जा रही है क्या नहीं जा रही है, because road के तरफ दे रहा है सो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा यहां से N के बराबर तो मेरे y एक्सिस के फोर्सेस तो यहां पे शॉर्ट हैं, ऊपर नॉर्मल है नीचे की तरफ मेरा यहाँ पर एम है बट मुझे ये तो पता है कार तो मेरी चल रही है

तो अब ये क्या है ये देखो एक सर्कल का ही हिस्सा है बरोबर आर्क क्या होता है आर्क हमारे एक सर्कल का ही हिस्सा होता है तो इसका मतलब मेरा कार यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है बिकॉज आर्क इज आल्सो इन पार्ट ऑफ अ सर्कल अब सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म कर रही है वापस वही सवाल क्या बोला था जब जब सर्कुलर मोशन होगा कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स देगा तो ऐसे सिचुएशन में हम कंसीडर करते हैं ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ द टायर्स ओके थोड़ा सा सुनने में वियर्ड लगता है बट ये सब किसके वजह से हो रहा है हो रहा है बिकॉज ऑफ टायर्स टायर्स कैसा क्या कैसा क्या, क्या काम कर रहे हैं सो टायर्स और रोड के बीच में होता है फ्रिक्शन ओके okay, so सो हम, हम क्या कहते हैं फ्रिक्शन okay, so अब ना फ्रिक्शन हजम नहीं होता है स्टूडेंट्स को रट्टा मारते हैं मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूं मेजोरिटी स्टूडेंट्स फ्रिक्शन जब नाम सुनते हैं ना रट्टा मारते हैं तो थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं बिकॉज फ्रिक्शन किसी का भी नहीं है ओके okay. फ्रिक्शन को मैं मेरे कॉलेज डेज में मैंने एक नाम दिया था मैं वो यूजुअली नाम नहीं यूज करता हूं पर आजकल की जनरेशन में वही सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है फ्रिक्शन फ्रिक्शन का Friction ये बंदा है ओके okay. सो so ये कौन है बंदा सो दिस इज आपके गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड ओके ये एक जोड़ा है यहां पर ये एक जोड़ा है हमेशा ग्रुप में एक लड़का ऐसा होता है जो सबका बेस्ट फ्रेंड होता है ओके okay. तो बात अच्छी भी है के होना चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा उससे खतरा भी होता है सो so, फ्रिक्शन वही है ओके okay, कौन है गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड कैसे थोड़ा समझने का प्रयास करो ओके okay, फ्रिक्शन सच में वैसा है नहीं तो मैं ऐसे एग्जांपल्स नहीं यूज करता हूं आपको सब सबको पता होगा आपको ये बात फ्रिक्शन है तभी हमें पैदल चल पा रहा हूं या तभी आप पैदल चल पा रहे हो फ्रिक्शन है हमारे पाओ जमीन के बीच में तभी हम पैदल चल पा रहे हैं बट किसी ने केले का छिलका फेंक दिया या कीचड़ है तो फ्रिक्शन नहीं है तभी हम गिर जाते हैं तो चल भी पा रहे हैं फ्रिक्शन के वजह से गिर भी रहे हैं फ्रिक्शन के वजह से तो इसका ऐसा चेहरा भी होता है और ऐसा चेहरा भी होता है सो so, इस वजह से फ्रिक्शन का कुछ डायरेक्शन कभी भी फिक्स नहीं होता है फ्रिक्शन का अगर आपको बेसिक बेसिक पता करना है कि फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है सो फ्रिक्शन का डेफिनेशन होता है फ्रिक्शन ऑपोज द रिलेटिव मोशन ओके okay. जो हो रहा होगा बस उसको वो अपोज करेगा ओके okay. और ये क्वालिटी कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन से मिलती है कि अगर जिंदगी सही चल रही है उसको सहन नहीं होगा कुछ ना कुछ मसाला डालता रहेगा ओके सो फ्रिक्शन के बारे में मैं अभी इतना ही बताऊंगा बिकॉज फ्रिक्शन इलेवेंथ का पार्ट है सो so आप समझ गए राइट right? है तो भी दिक्कत है नहीं है तो भी दिक्कत है ओके <laughs> okay? और डायरेक्शन वेरेक्शन इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता है इस वजह से हमेशा हम आर्बिटरी लेते हैं मेरे कोर्स में या इस वीडियो में मैं हमेशा फ्रिक्शन को ऐसे गोल्डन कलर से दिखाऊंगा तो आपको समझ जाएगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम आर्बिटरीली चूज करते हैं तो मतलब आप ऐसा समझो यहाँ पर मेरा कोई रोड होगा यहाँ पर कार थी तो अभी सर्कल कहां बनेगा? सर्कल बेसिकली कुछ ऐसा बनेगा बेसिकली तो फटफट हो, तो फट -फट हो जाएंगे ज्यादा कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है सो सीधा मैं क्या बोलूंगा वाई एक्सिस में कुछ भी मोशन नहीं हो रहा है बिकॉज वाई एक्सिस में मोशन नहीं हो रहा है सो नॉर्मल फोर्स बराबर हो जाएगा मेरे एम जी के सीधी बात है

फ्रिक्शन की फॉर्मूला क्या होती है क्लास में फ्रिक्शन की एलेवें आती है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वरी होता है हमारा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल के बराबर नॉर्मल कितना है यहाँ से एम के बराबर सो फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ से म्यू टाइम्स ऑफ एम के बराबर यहाँ पर पुट कर दूंगा म्यू टाइम्स ऑफ एम जी यहाँ पर आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर क्या हो जाएगा यहाँ से मास मास कैंसिल एक चीज ध्यान देना सर्कुलर मोशन के किसी भी फॉर्मूला में मास नहीं कंसीडर होगा क्योंकि फिजिक्स में हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं कि तू पतला है तो तेरे लिए ये लॉ तू ऐसा है तो तेरे लिए वो लॉ सर्कुलर मोशन में मास कभी नहीं आता है सर्कल में घूमते वक्त मास की कभी भी कंसिडरेशन नहीं होती है फाइनली मुझे फॉर्मूला मिलेगा यहाँ से v टू इक्विटी रूट ऑफ यहाँ से म्यू आर जी के बराबर क्या मिलेगा फॉर्मूला मुझे v टू इक्विटी फॉर्मूला मिलेगा म्यू आर जी के बराबर सो ये मेरी वेलोसिटी हो जाएगी म्यू आर जी ओके कब जब हॉरिजॉन्टल रोड है पर अभी वापस स्टूडेंट का हम कब बनाते हैं? जब हमें हो। अगर तुम गाड़ी दस की स्पीड पे चला रहे हो मैं फॉर्मूला नहीं बना के दूंगा तुम चलाई दस के स्पीड रहे हो तो फॉर्म्यूला नहीं बनेगी फॉर्मूला कब बनती है जब मुझे जानना है कि यार साठ के स्पीड इस रोड पे गाड़ी चलाए तो एक्सीडेंट तो नहीं होगा फॉर्मूला बनती है सो ये फॉर्मूलाज है हमारी मैक्सिमम, यानी ये हो जाएगा यहां से वी मैक्सिमम की फॉर्मूला क्या हो जाएगी ये फॉर्मूला हो जाएगी यहां से वी मैक्सिमम की फॉर्मूला बदाई हो पहला पहला डेरिवेशन यहां पर होता है हमारा समा तो के बेसिक सा डेरिवेशन डिस्कस so, करते हैं यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन जिसका नाम है वेल ऑफ डेथ भी कहा जाता है वॉल ऑफ डेथ भी कहा जाता है सो so, बेसिकली हिंदी में इसको कहते हैं हम मौत का कुआं <laughs> राइट और सब लोगों ने ये देखा होगा राइट सब लोगों ने देखा होगा कि ऐसे मेले में हम जाते थे बचपन में सो so, ऐसा मम्मी पापा मस्त लेके जाते थे हमको मेले में सो so, मजा आता था मस्त सो बेसिकली इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते थे घुमा रहे हैं राइड्स बाइक्स कार्स ऐसे चीजों को यहाँ पर घुमाते थे ओके okay, जिन्होंने नहीं देखा है आप यहाँ पर फॉर शोर देख सकते हो ओके okay, और ये वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ इस वीडियो को सो so, यहाँ पर मेरा ये सिलेक्टेड है शायद तभी नहीं चल रहा है ये वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि india is not for beginners okay <laughs> india beginners के लिए नहीं है सो बंदा बुलेट को सीधा यहाँ पर अगर आप देखोगे बिंदास कॉन्फिडेंस के साथ हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस देखो रॉयल एनफील्ड को सीधा पूरा सर्कुलर मोशन घुमा के पूरा वेल ऑल ऑफ दैट सब घुमा के पूरा नीचे लेकर आएगा ओके इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स लिख के रखो ये कहीं पे ओके okay? <laughs> सो so, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं खुद राइडर हूँ अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड हो बट ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं है बिकॉज इलेवंथ स्टैंडर्ड में फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही मैं एरर्स पढ़ाता हूँ तो <laughs> इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में सो so, ये हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट वॉल ऑफ या वेल ऑफ डेथ का सो so, बेसिकली क्या था ये मतलब क्या फिजिक्स क्या थी इसके पीछे की तो आइए थोड़ा सा हम समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं सो so, यहाँ पर डायग्राम मैंने कोई कंसिडर किया है चलिए यही डायग्राम देखते हैं सो so सिचुएशन कैसी है अब मैं चलो नया अपना ही बनाता हूँ डायग्राम वही थोड़ा सा बेस्ट होगा सो so सिचुएशन यहाँ पर कैसे हो जाती है समझो ये है मेरी यहाँ पर ऐसे सिचुएशन ये है मौत का यहां पर कुआ यहां पर क्या है यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट लाए कर रहा है समझो मेरी बाइकर मेरा बाइकर दीवार पे ही एट प्रेजेंट लाए कर रहा है ध्यान से देखो इस बार एम नीचे ही होगा धरती हमेशा वही बोलती है कि तुम नीचे की तरफ आओ सो जो एम का फोर्स होगा एमजी का फोर्स क्या बोलेगा MG का फोर्स वही बोलेगा चल चल नीचे नीचे की की तरफ तरफ आ जा सो नीचे तरफ ही यहाँ पर पर का फोर्स मेरा यहाँ पर लगेगा बराबर है बर, ना एम नीचे की तरफ ही लगेगा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन होता है मेरा कॉन्टेक्ट फोर्स अगर मैं कुर्सी पे ऐसे बैठा हूं तो नॉर्मल नौर, रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा कुर्सी पे ऐसे बैठूंगा दीवार पे ऐसे टच हूं मैं दीवार पे टच हो जाऊ तो नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ आएगा तो उसी प्रकार से यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हमारा देखो ये ऐसे टच में है सो so, नॉर्मल रिएक्शन यहां से हमारा बाहर इस डायरेक्शन में आएगा ओके okay, ध्यान से देखो समझो बात को नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन का दूसरा नाम है कॉन्टेक्ट फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन का अपने को आदत होता है कि एम जी नीचे एनय ऊपर ऐसा नहीं है अब ऐसा कॉन्टेक्ट में है सो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन यहां से जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर क्या जाएगा नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से हमारा जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर ओके आप चाहो तो यहां से एक बार वापस देख सकते हो ओके okay? ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन ऐसे की तरफ यहां से बाहर आएगा बिकॉज कॉन्टेक्ट उसने खुद वैसे यहां पर बनाया है ठीक है चलिए सो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा हो जाएगा यहां से बाहर की तरफ अब मुझे एक बात बताइए फ्रिक्शन का क्या करूं क्या बताया था मैंने फ्रिक्शन का कोई धर्म है नहीं फ्रिक्शन का कोई ईमान है नहीं आर्बिटरीली हम चूज करते हैं सो so, मुझे पता है बाइकर मेरा गिरा नहीं बरोबर मैं देखा मैंने आपने भी देखा नहीं गिरा तो मैं बोलूंगा किसके वजह से नहीं गिरा फ्रिक्शन ने उसको बचाया क्योंकि एम अगर होता तो गिर जाता पर हमको तो दिखा कि वो नहीं गिरा तो हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे ऊपर के तरफ एक्ट हो रहा है क्या बोलेंगे हम फ्रिक्शनल फोर्स एफ -एफ मैं लिखता हूं एफ -एफ मेरी हैबिट है लिखने की बिकॉज मैंने फ्रिक्शन वॉल्टर लुविन सर से पढ़ा था तो वो एफ एफ लिखते हैं तो सहन कर लेना नहीं तो कमेंट आता है एफ दो बार क्यों लिखा है सो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन आर्बिटरीली हमने यहाँ पर चूज किया ऊपर के तरफ ओके है ना फ्रिक्शन so, थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट इस लेक्चर के बाद मुझे नहीं लगता है आपको ट्रिकी लगेगा अब क्या करना है अब बस फोर्सेस को यहाँ पे थोड़ा सा रिजोल्व करेंगे इक्वेशन लिखेंगे आंसर यहाँ से आ जाएगा ये फ्रिक्शन ये एम जी है यहाँ पर नॉर्मल फोर्स चलिए जितना फ्रिक्शन ऊपर होगा उतना एम नीचे होगा तभी तो मेरा ऑब्जेक्ट गिरा नहीं बरबर सर्कल में बंदा घुमा है जब जब सर्कुलर मोशन होगा कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स देगा किसने दिया सब लोग देख रहे हैं एक ही फोर्स है सेंटर के तरफ नॉर्मल सो नॉर्मल इज इक्वासरी हो जाएगा सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर इज इक्वासरी हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय यहाँ से आर के बराबर चलिए

हर फॉर्मूला में मेरा नाम शामिल है आर जी लेक्चर जहां से आप पढ़ रहे हो सो सोजॉसरी हो जाएगा यहां से रूट ऑफ आर जी डिडेड बाई यहां से म्यू के बराबर वापस से ऐसा लिखता हूँ लेक्चर में मैसेज आता है सर ये मिनिमम है है मैक्सिमम कैसे वो बताओ अब मुझे एक बात बताओ कोई बंदा मौत के कुएं में गया है राइट मौत के कुएं में गया है तो दस की स्पीड चलाएगा क्या कमाओ दस की स्पीड नहीं चला सकता है गिरेगा दस की स्पीड चलाएगा गिर जाएगा बीस की स्पीड चला सकता है बीस की स्पीड से भी मेरे हिसाब से तो गिरेगा पच्चीस की स्पीड चला सकते हैं livresain? मेरे हिसाब से तो पच्चीस में भी गिरेगा तो अब हमको क्या करना है सौ की स्पीड चला सकता है बिंदास चला सकता है अगर अकेला है सौ की स्पीड चलाए डेढ़ सौ की स्पीड चलाए जितनी एग्जिस्ट करती है एक सौ बीस की स्पीड चलाए मैक्सिमम में अभी हमको टेंशन नहीं है क्योंकि बंदा घर पे बोल के आया है कि मैं मौत के कुएं में जा रहा हूं है ना घर पे मम्मी को बोल के आए कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाने जा रहा हूं तो मैक्सिमम का टेंशन नहीं है इस बार इस बार हमको मिनिमम का टेंशन है कि ऐसा ना हो पच्चीस के स्पीड से गिराए और थप नीचे आके गिरे तो इस बार वेलोसिटी क्या है इस बार हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला से मिनिमम वेलोसिटी क्या कैलकुलेट करते हैं इस बार हम कैलकुलेट करते हैं फार्मूला से यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी बिकॉज मौत का कुआ है भाई लोग देखने आए हैं यहाँ पर तो गाड़ी तो भगाएगा इतना तो ऑब्वियस है So, आप नोटिस कर रहे हो मिनिमम मैक्सिमम जो मैं आपको बता रहा हूँ सब कॉमन सेंस के बेसिस पे बता रहा हूँ टेक्स्ट बुक में पता नहीं क्या क्या डायरेक्शन में लेके गए हैं बट कॉमन सेंस के बेसिस पे आप हमेशा मिनिमम मैक्सिमम को आ, याद कर सकते हैं मतलब हो जाता है याद मेरे हिसाब से इतना ज्यादा प्रॉब्लम ऐसा नहीं आता है चलिए सो so, यहाँ पर होता है हमारा सेकंड डेरिवेशन का फॉर्मूला समाप्त आ जाते हैं डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक रोड जो कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को तकलीफ देना यहाँ से स्टार्ट करता है बैंगड रोड हा सो बैंग रोड का मतलब क्यों आया बैंग रोड की जरूरत क्या पड़ गई हमारे शहर में तो नहीं होते हैं बैंग रोड मेरे शहर में तो नहीं है एटलीस्ट सो बैंग रोड की जरूरत क्या पड़ गई सो so, देखो यहां पर ध्यान से हर फॉर्मूला में म्यू आ रहा है यहां पर भी म्यू है पिछले फॉर्मूला में भी यहां पर म्यू आया हर जगह अगर आप देखो म्यू का टर्म आ रहा है म्यू का मतलब होता है फ्रिक्शन अब अगर किसी रोड पे स्पीड लिमिट गवर्नमेंट ने सेट की गवर्नमेंट ने बोला कि इस रोड पे दस इस रोड पे चालीस की स्पीड ही है तो ये इसी फॉर्मूला से बनेगी बरोबर रेडियस गवर्नमेंट को पता है कि उसने कितने रेडियस ऑफ करवेचर का रोड बनाया है ग्रेविटी सबके लिए सेम है पर म्यू का क्या वैल्यू गवर्नमेंट वाले अज्यूम करें कॉन्ट्रेक्टर म्यू की वैल्यू क्या अज्यूम करें अब कोई बोलेगा सर एवरेज ले लो समझो मैंने म्यू का वैल्यू ले लिया 0.5 के बराबर अब मुझे बताओ शहर के सड़कों में क्या रोड पे कुछ रूल्स होते हैं क्या नहीं किसी के पास साइकिल होगी जो कि नाइनटीन नाइनटीज में ली थी किसी के पास साइकिल होगी जो कल ली है सो दोनों के टायर्स का फ्रिक्शन अलग किसी के पास वैगन आर कार होगी किसी के पास स्विफ्ट डिजायर होगी किसी के पास मर्सिडीज होगी सबका फ्रिक्शन का वैल्यू अलग किसी की वैगन आर अभी की होगी 2000 हजार लेटेस्ट मॉडल किसी की वैगन आर पुरानी रहेगी तो सबका फ्रिक्शन का वैल्यू अलग सो म्यू का वैल्यू एवरेज तो हम नहीं ले सकते हैं ओके okay. तो म्यू के वजह से क्या होगा भले मैंने फिजिक्स लगाई भले मैंने फॉर्मुलाज पढ़े पर अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी यहां से रोड की निकाल के सेट भी करूंगा मैं ऐसा लगा दूंगा कि मैक्सिमम स्पीड लिमिटेड 60 किलोमीटर पर आवर फिर भी एक्सीडेंट्स होंगे ही होंगे एक्सीडेंट्स होंगे because यहाँ पर मिनिमम है।, तो तो हो है।, <laughs> तो हो uh, है टायर्स उसके पुराने हो चुके हैं सो दिस इज द बेसिक फंडा तो इस वजह से ना ये फॉर्मूला वैलिड है रोड्स के लिए ये तो चलो कस्टमाइज है सब लोग ऐसा नहीं करते हैं ऑब्वियसली तो इसके वजह से हमको एक जरूरत पड़ती है बैंकिंग ऑफ रोड्स की बैंकिंग और रोड्स की फॉर्मला में क्या होता है फ्रिक्शन यहां पर हट जाता है बट एक मिनट सर हमारे शहर में तो रोड्स बैंक है ही नहीं <laughs> तो उसका मतलब तुमको छोड़ दिया है कि राम भरोसे चलाओ गाड़ी <laughs> सीधी बात है क्योंकि हॉरिजॉन्टल रोड्स ही होते हैं हमारे शहरों में बैंगड वैंग कहा होते हैं राइट right, सो so छोड़ दिया है तुमको कि भगवान भरोसे चलाओ गाड़ी चलो सो बेसिकली बैंक रोड्स हम ऐसी सिचुएशंस में देखते हैं साइक्लिस्ट लोगों के साथ देखते हैं हम थोड़ी सी कार रेसिंग्स में देखते हैं बिकॉज वहां पर स्पीड बहुत ज्यादा होती है सो so, वो सिचुएशंस में भी हम बैंक रोड्स देखते हैं देख लेते हैं यहाँ पर भी सो so, देखो सब बैंक है प्रॉपरली टीटा एंगल पे पूरा रोड यहाँ पर उठा दिया गया है ओके okay. सो so यहाँ पर बर्नौलीस प्रिंसिपल भी लगे तो देख लेंगे हम ओके okay. <laughs> सो so, खुद ब खुद चलते जा रहा है सो बेसिकली बैंक रोड्स में क्या होता है बैंक रोड्स में आपका रोड एक एलिवेटेड एंगल पे आ जाता है ओके डू वी नीड बैंकिंग मैंने अभी अभी आपको बता दिया सो so, ऐसे रोड्स पे अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं और फ्रिक्शन की फॉर्मूला ही बन रही है हॉरिजॉन्टल पे तो हम क्या करते हैं रोड को ऐसे ना करके थोड़ा सा हम एंगल यहां पर दे देते हैं क्या कर देते हैं हम यहां पर एंगल दे देते हैं और एंगल देने से अभी आप देखोगे कि एग्जैक्टली exactly यहां पर होता क्या है चलिए सो so, मैंने क्या कर दिया रोड को यहाँ पर एंगल दे दिया रोड को थोड़ा सा यहाँ पर एलिवेट कर दिया आइए समझने का प्रयास करते हैं अब यहाँ पर क्या होगा नीचे के तरफ धरती आज भी बोलेगी एम जी फोर्स है चलो भाई नीचे के तरफ फोर्स हो जाएगा हमारा एम जी फोर्स जमीन सीधी है तो नॉर्मल ऐसा होगा 90 डिग्री नॉर्मल वर्ड का एक मतलब 90 डिग्री भी होता है जमीन ऐसी हो गई सो 90 डिग्री का एंगल भी चेंज होगा सो नॉर्मल फोर्स हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हो जाए So, अब मेरा फोर्स कैसा है फ्री बॉडी डायग्राम अगर बना रहा हूं सो so एम का फोर्स मेरा कुछ इस प्रकार से है नॉर्मल का फोर्स यहां से मेरा कुछ इस प्रकार से अब ऐसे वेक्टर्स की यूजुअली हम कदर नहीं करते ये बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है सो इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ बड़ा सो so, एम फोर्स नीचे की तरफ है यहाँ पर और नॉर्मल फोर्स उस तरफ है सो so, ये इंक्लीनेशन नहीं है थोड़ा सा भी राइट हम लोग क्या करते हैं वेक्टर्स को या तो सब एक्सिस में रखना पसंद करते हैं या तो वेक्टर्स को हम वाई एक्सिस में रखना पसंद करते हैं ऐसा तो नहीं चलेगा तो हम क्या करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स नहीं पता है यूट्यूब पे सर्च करो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आर जी लेक्चर्स वीडियो मिल जाएगी सो so रिजोल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा वाई एक्सिस में एक कंपोनेंट मेरा इस तरफ आ जाएगा यहां से एक्सिस में ठीक है चलिए सो so, एक कंपोनेंट यहां पर आ गया मेरा एक कंपोनेंट यहां पर आ गया थोड़ी देर के लिए मेरी बातों पर विश्वास करो थोड़ी देर बाद में आपको रीजन दे दूंगा कि अगर ये एंगल टीटा है सो ये एंगल भी टीटा हो जाएगा अभी नहीं दे रहा हूं अभी मुझे ट्रिग्नोमेट्री कराने का थोड़ा सा भी मूड नहीं है कराऊंगा आज के लेक्चर में थोड़ा सा बाद में अभी विश्वास रखो सिर्फ इतना लेक्चर देखा है तो विश्वास तो होगा आपको सो बेसिकली ये वाला एंगल है यहाँ पर टीटा के बराबर जहां टीटा होता है वो कंपोनेंट होता है कॉस्ट टीटा सो ये हो जाएगा एन कॉस्ट टीटा ये हो जाएगा यहां से मेरा एन साइन ऑफ टीटा के बराबर और ये हो जाएगा यहाँ पर मेरा बेसिक सा फ्री बॉडी डायग्राम इस डेरिवेशन का सो रोड का जो इनिशियल डेरिवेशन होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है अब देखो शुरू होते ही ऑलमोस्ट ये खत्म भी हो गया इसमें फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी हम और करना भी नहीं होता है फ्रिक्शन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बोला है कि फ्रिक्शन के साथ लो और ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा गया है तब फ्रिक्शन डालना पहले ही फ्रिक्शन नहीं डालते हैं ओके चलिए सो ये हो जाता है ना चलिए so, सो पर लिखते हैं सो so, क्या मेरी गाड़ी वाई एक्सिस में घूमती है कम ऑन कार आपकी हवा में उड़ती है नहीं उड़ती है नहीं उड़ती है का मतलब क्या होता है वाई एक्सिस में सारे फोर्सेस मेरे जीरो के बराबर है इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है कि जितना अपर कंपोनेंट है बरोबर जितना ऊपर का कंपोनेंट है उतना ही कंपोनेंट मेरा नीचे का है सो एन टीटा यहां पर हो जाता है मेरा एम जी के बराबर एक्सिस की बात करूं क्या सीखा था हमने बैंगड रोड है सो इसका मतलब क्या होगा बैंगड रोड है तो इसका मतलब ये रोड कुछ इस प्रकार से रहेगा राइट पर किसी एंगल पे रहेगा तो अगर ये इस प्रकार से रोड है तो ये होगा सेंटर ऑफ द सर्कल बरोबर ये हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल तो बोलो अगर आप का आपका कर्व हो रहा है कार आपकी ऐसे टर्न मार रही है टर्न क्या होता है टर्न होता है सर्कल का हिस्सा कुछ देर पहले ही मैंने बताया आपको सो तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर के तरफ कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए लेक्चर के शुरू से एक ही चीज चिल्ला रहा हूं जब जब सर्कुलर मोशन होगा सेंट्रिपिटल फोर्स को ही देने वाला होगा सो यहां पर क्या हो जाएगा दिख रहा है एन साइन टीटा यहां पर क्या प्रोवाइड कर रहा है एन साइन टीटा प्रोवाइड कर रहा है मुझे सेंट्रिपिटल फोर्स जो कि है एफ के बराबर सेंट्रिपिटल फोर्स खुद क्या होता है होता है एम बाय यहां से आर के बराबर ये है इक्वेशन नंबर वन क्योंकि साइन टीटा है साइन टीटा को हम पहले कंसीडर करते हैं ये इक्वेशन नंबर टू क्या कर देता हूं दोनों को यहां से डिवाइड कर देता हूं सो so, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर एन साइन टीटा इज इक्वल सु मिलेगा मुझे एम वी स्क्वायर बाय आर है ना डिवाइड में क्या है डिवाइड में हो जाएगा यहां से एन कॉस्टिटा इज मुझे मिलेगा यहाँ से एम जी के बराबर मास मास कैंसिल, देखो मैं वापस आ गया फॉर्मूलाज में <laughs> बोला मेरा चैप्टर ही है ये सो वीज इक्टी रूट ऑफ आर जी टेन टीटा हो जाती है मेरी फाइनल फॉर्मूला फॉर द बैंगड रोड सो ये बैंगड रोड की हमारी हो जाती है यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला अब ये फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं यहां पे मेरे रोड्स की लिमिट सेट करूंगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा क्यों नहीं होगा एक्सीडेंट आइए समझने का प्रयास करते हैं रेडियस किसका मेरा रोड मैंने बनाया है ग्रेविटी किसकी ना मेरी तो ना आपकी दोनों का नहीं है सबका कॉमन है सो ग्रेविटी भी ठीक है एंगल रोड को बैंक किसने करवाया है मैंने करवाया है तो मुझे पता है कितना एंगल है सो so, ध्यान से देखो कार का कुछ भी कंपोनेंट नहीं लगा कार न्यू रहे ओल्ड रहे एक्सीडेंट होगा ही नहीं बिकॉज यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर लगा ही नहीं है ओके सो दिस इज द बेसिक एनोलॉजी के क्यों हमने बैंक रोड्स को यहां पर प्रेफर किया है ओके सो दिस इज द बेसिक फंडा एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला अभी लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये फाइनल नहीं है अभी हम जो करेंगे वो फाइनल है जो बाद वाली डेरिवेशन से डरे हुए होते हैं वो भी यहीं पर एंड होती है कुछ देर में आपको वो भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा ओके हाँ। फाइनली यहां पर अभी हमें यही डेरिवेशन करनी है विथ फ्रिक्शन सब तो फ्रिक्शन में आपको तकलीफ नहीं होगी अब तक क्या हो रहा था आप लोग मिनिमम मैक्सिमम में अटक रहे थे मैंने बता दिया कॉमन सेंस लगाना है अभी तक आप लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन देने में अटक रहे थे मैंने बता दिया आर्बिटरीली चूज करना है जैसे जरूरत नमक अनुसार यूज करना है जितना जरूरत उतना यूज करना है सो अब फ्रिक्शन के डेरिवेशन में तकलीफ नहीं होगी चलिए करते हैं इसको हम स्टार्ट चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन यहां पर फ्रिक्शन के साथ सेम डेरिवेशन है जो पिछले स्लाइड थी आपकी इज सेम रहेगी धरती आज भी नीचे की तरफ ही रहेगी

बैंग रोड का मतलब है किसी ना किसी एंगल पे ये रोड है यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं ये वाला एंगल है हमारा टीटा एंगल पे हमारा यहाँ पर रोड है जैसे अभी अभी पीछे कंसीडर किया था अब जरूरी नहीं है रोड सीधा ही हो है ना आगे चल के हो सकता है ये आप बैक व्यू देख रहे हो कौन सा व्यू है ये बैक व्यू है कार का पिछवाड़ा नजर आ रहा है पीछे का सेक्शन अब वो कार का नजर आ रहा है हो सकता है आगे कार लेफ्ट के तरफ जा रही हो मतलब रोड लेफ्ट के तरफ जा रहा होता है ना ऐसा सीधा रोड होता है बरोबर फिर लेफ्ट के तरफ रोड जा सकता है हो सकता है रोड सीधा भी हो कैसे भी हो सकता है रोड राइट है ना ऐसे करके कैसे कार समझो यहाँ पर है राइट सो डिपेंड करता है मेरी कार कहा जाना चाहती है वो कार लेफ्ट के तरफ जा रही है कार राइट के तरफ जा रही है सीधा जा रही है उसके बेसिस पे हम फ्रिक्शन को डायरेक्शन देते हैं क्योंकि फ्रिक्शन का हमने डेफिनेशन क्या देखा था फ्रिक्शन का डेफिनेशन हमने देखा था फ्रिक्शन ऑपोज द रिलेटिव मोशन है ना फ्रिक्शन का एक्चुअल अगर आपको डायरेक्शन देखना है सो कैसे देखते हैं हम अपोजिट द रिलेटिव मोशन तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि मोशन कहां पर हो कहां पर रहा है सो पहले हम कंसीडर करते हैं मेरी कार जा रही है लेफ्ट साइड में कार कहाँ जा रही है कंसीडर करते हैं कार जा रही है मेरी यहां से लेफ्ट साइड मतलब अगर आप ऐसे देखना चाहोगे तो कार हमारी यहां से टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड यहां पर जाने की तैयारी कर रही है मतलब कार अभी मेरी टर्न लेने वाली है कार क्या लेने वाली है मेरी टर्न लेने वाली है कार लेफ्ट जा रही है फ्रिक्शन ऑपोज द रिलेटिव मोशन सो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा फ्रिक्शन हो जाएगा यहां से राइट right साइड में ओके okay. सो so, यहाँ पर हम डेफिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं दैट से डबी फ्री बॉडी डायग्राम मस्ती मजाक करते करते हो जाएगा ज्यादा कोई टेंशन का बात नहीं है धरती आज भी कहा खींच रही है धरती आज भी खींच रही है नीचे के तरफ सो so नीचे के तरफ फोर्स कितना है नीचे के तरफ फोर्स है एम जी. नॉर्मल फोर्स कैसा बनता है नॉर्मल फोर्स बनता है कुछ इस प्रकार से पर ये अजीब है ऐसा मुझे नहीं चाहिए या तो एक्सिस में बना के दो या तो वाई एक्सिस में बना के दो तो हम इसी को रिजोल्व करते हैं सो so, रिजोल्व करने के लिए क्या कर दूंगा इसको यहाँ से रेस कर दूंगा और दो कंपोनेंट अभी अभी हमने सीखे पीछे सो so, एक कंपोनेंट यहाँ पर आ जाता है जो कंपोनेंट होता है एन कॉस ऑफ टीटा एक कंपोनेंट कुछ इस प्रकार आ जाता है जो कंपोनेंट होता है एन साइन ऑफ टीटा के यहाँ पर बराबर तो इतना फिजिक्स हमारा एज इट इज वही लग रहा है। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है फ्रिक्शन होता है रोड पे बरोबर सो फ्रिक्शन का डायरेक्शन यहाँ पर अगर ये मेरे टायर्स हैं समझो है ना कंसीडर करते हैं ये मेरे टायर्स हैं सो फ्रिक्शन का डायरेक्शन उस तरफ है है ना फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है इस तरफ है मेरा यहाँ से फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस तरफ क्यों है क्योंकि मोशन कहां हो रहा है मोशन हो रहा है मेरा लेफ्ट साइड में सो so फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस बार हम ऑपोजिट ले रहे हैं याद करो तभी मैंने कहा था कभी दोस्त है कभी दुश्मन है कभी बेस्ट फ्रेंड का होना सही है कभी सही नहीं भी है चलिए सो बेसिकली अभी ये क्या सिचुएशन नजर आ रही है मुझे नजर आ रहा है कि ये एक वेक्टर है राइट है ना ये एक वैक्टर है और अगर इसको भी मुझे रिजोल्व करना है सो देखो यहां से मैं एक एक्सेक्स बना देता हूं बरोबर तो ये भी एक्सेक्स है ये भी एक्सेक्सिस है ये फ्रिक्शन उसी रोड के अक्रॉस है, सो ध्यान से देखो अगर ये एंगल टीटा है सो ये एंगल भी टीटा हो जाएगा बिकॉज वही रोड पे तो है फ्रिक्शन ओके सो अगर ये फ्रिक्शन का वेक्टर है सो so, यहां पर टीटा है सो so जहां टीटा होता है उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं जहां टीटा होता है उस कंपोनेंट को हम कहते हैं कॉस टीटा सो so ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा यहां से मेरा F टीटा, और ही बात है सीधा वाला कंपोनेंट यहां से हो जाएगा मेरा एफ साइन टीटा के बराबर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा इसमें कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं हुई होगी फ्रिक्शन कहां पर है अक्रॉस द रोड है इसी रोड के ऊपर क्या है इसी रोड के ऊपर मेरा फ्रिक्शन है यहां से मैंने एक एक्सिस बना दी कैसे जोमेट्री स्टैंडर्ड में करते थे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मीडियान ऐसा ही नाइनटी नाइनटी डिग्री के लाइंस गिराते थे तो मैंने जस्ट यहाँ से क्या कर दिया एक एक्सिस बना दिया सो मुझे नजर आया कि ये टीटा है ये एक्सिस है और ये एक्सिस है ये वही लाइन से पैरल है फ्रिक्शन तो ये भी टीटा होगा सो मैंने यहाँ पर फोर्सेस को रिजोल्व कर दिया चलो अब फोर्सेस को रिजोल्व किया है तो मैं सिर्फ रिजोल्व वाले फोर्सेस ही बनाता हूँ अदरवाइज क्या होगा अदरवाइज कंफ्यूजन आता है बहुत ज्यादा चलिए सो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहा है फ्रिक्शन का डायरेक्शन है यहाँ पर एफ कॉस टीटा राइट साइड के तरफ सो मैं राइट साइड के तरफ यहाँ पर फ्रिक्शन को बनाता हूँ

है ना सो so, यही डायग्राम में यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं लिख चुका हूँ चलिए सो फोर्सेस को यहाँ से सिर्फ हम लिखते जाते हैं चलो वापस से मुझे एक बार बताना y एक्सिस में गाड़ी घूम रही है क्या हवा में जमीन से ऊपर आ गई है क्या नहीं तो y एक्सिस का मोशन यहाँ पर क्या है y एक्सिस का मोशन है यहाँ पर सीधा जीरो के बराबर इसका दूसरा मतलब होता है जितने अपवर्ड फोर्सेस होंगे उतने ही डाउनवर्ड फोर्सेस होंगे ऊपर प्लस फाइव है सो नीचे माइनस फाइव होगा तभी आंसर जीरो आता है सो so ऊपर के फोर्सेस कौन से कौन से हैं सो so ऊपर है मेरा प्लस मेरा एफ एफ फ्रिक्शनल फोर्स साइन ऑफ टीटा है ना और नीचे की तरफ क्या है नीचे की तरफ है यहां से मेरा इक्वल्स टू एम जी इसके लिखने का दूसरा तरीका भी होता है कि ऊपर वाले फोर्सेस को पॉजिटिव फिर माइनस एम जी लिखू फिर इक्वल्स टू जीरो लिखूं बट माइनस एम जी लिख के भेजूंगा तो वो उधर एम जी ही जाएगा सो so ये हो जाती है मेरी एक इक्वेशन इक्वेशन दूसरी equation, वापस मुझे बताइए लेफ्ट साइड टर्न ले रहा हूं अगर लेफ्ट साइड टर्न ले रहा हूं तो ये सर्कल का हिस्सा होगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स देने वाला यहां पर कोई चाहिए कौन दे रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स तो ध्यान से देखो एन साइन थीटा सेंट्रिपिटल फोर्स दे रहा है

बिकॉज चाहिए फोर्स जो चीज वापस ऑपोजिट जा रही है माइनस तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा एन का कंपोनेंट में लिखूंगा यहां पर पॉजिटिव में सो हो जाएगा यहां से प्लस थीटा फ्रिक्शन यहां से मुझसे ले रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर है सो हो जाएगा यहां से माइनस एफ एफ कॉस ऑफ टीटा टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई यहां से आर के बराबर मैंने आपको पहले ही बता दिया है ऑलरेडी कि मास हमको सर्कुलर मोशन में नहीं चाहिए होता है सो मास मुझे नहीं चाहिए इंटरेस्ट ही नहीं है मास में अभी क्या हर एक कार का मास अलग है तो हर एक का अलग फॉर्मूला बनाएंगे क्या सो मास मुझे नहीं चाहिए सो क्या कर दूंगा टू एलिमिनेट मास मैं यहां पर कर दूंगा थ्रू आउट डिवाइड इसको नाम देता हूं इक्वेशन वन इसको नाम देता हूं इक्वेशन टू बिकॉज साइन को हमेशा हम पहली प्रायोरिटी देते हैं अभी थोड़ा सा ध्यान से समझ लोगे तो सब चीजें यहीं पर सॉर्ट हो जाएंगी बोलो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू टाइम्स ऑफ एन के बराबर यहां पर हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एन कॉस ऑफ टीटा इज इक्वल हो जाएगा यहां से एम स्क्वायर बाय आर दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है दूसरी इक्वेशन को दूसरे कलर में लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो सो दूसरी इक्वेशन यहां से कह रही है एन कॉस ऑफ टीटा ओके प्लस यहां से फ्रिक्शन फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स ऑफ एन साइन ऑफ टीटा यहां से एम जी के बराबर मास मास और mass यहां से हो जाएगा कैंसिल नॉर्मल इधर भी है नॉर्मल उधर भी है ऊपर से भी कॉमन निकालो नीचे से भी कॉमन निकालो कॉमन निकालोगे क्या हो जाएगा कॉमन निकल निकल के यहां से हो जाएगा कैंसिल साइन कॉस साइन कॉस क्या है ये साइन भी है कॉज भी है कॉज भी है साइन भी, भी है क्या कर देंगे यहां पर याद होगा आपको बोलो हाँ डिवाइड बाय डिवाइड कर देंगे यहाँ पर हम कॉस ऑफ टीटा से चलिए सो साइन डिवाइडेड बाय कॉस्ट टीटा मुझे ऑफ माइनस में डिवाइडेड बाय मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा मिलेगा यहाँ से वन कॉस्ट टीटा डिवाइडेड बाय कॉस्ट टीटा मुझे यहाँ से मिलेगा अगेन यहाँ से वन के बराबर और प्लस मुझे यहाँ से साइन डिवाइडेड बाय कॉस्ट मिलेगा यहाँ से टेन के बराबर आरजी वहां बैठा है अरे मुझे अकेला छोड़ दिया मुझे अपने साथ रखो सो आर जी को क्या कर दूंगा वहां भेज दूंगा और फर्दर मोर क्या कर देंगे यहां से स्क्वायर है सो उसका रूट ले लेंगे सो ये हो जाती है यहां से मेरी फाइनल इक्वेशन एंड दिस इज माई फाइनल इक्वेशन फॉर दिस डेरिवेशन ओके सो कैसे पता कि सही है या नहीं ना? आ तो गया अभी स्टूडेंट्स को आता है आंसर तो आ जाता है उनका बट पता नहीं चलता है सही है या नहीं मैंने आपको क्या बोला था मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि हमारी फाइनल इक्वेशन यही रहेगी आरजी टेन ऑफ टीटा ही रहेगी यहां पर क्या करो कंसीडर करके देखो फ्रिक्शन का वैल्यू जीरो डाल के कंसीडर करो फ्रिक्शन है ही नहीं म्यू का वैल्यू क्या करो म्यू का वैल्यू यहां पर जीरो डाल दो सो क्या मिलेगा ये माइनस म्यू गायब हो जाएगा म्यू का वैल्यू जीरो 10 टीटा मल्टीप्लाइड बाय जीरो जीरो डिवाइड में 1 वापस से आपको क्या मिलेगा अगर फ्रिक्शन यहां से आप हटा दोगे वापस आपको वही मिलेगा रूट ऑफ आर जी टीटा के यहां से बराबर इसका मतलब जो भी मैंने यहां पर किया है एकदम सही किया है जो भी मैंने किया है यहां पर क्या किया है एकदम सही किया है ये उसका सबूत है यहां पर मैंने फ्रिक्शन जीरो डाला तो वापस में अपनी पिछली डेरिवेशन पर ही आ गया ओके च्छु. अब स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन आता है सर ये मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम नहीं समझता है छोड़ दो इसको भूल जाओ सब मुझे कॉमन सेंस की बात बताओ तुम एक ऐसे चल रहे हो और लेफ्ट टर्न ले रहे हो अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे कि अपने गाड़ी की स्पीड कम रखोगे कम ऑन लॉजिक समझो तुम अभी तुम टर्न ले रहे हो यहां पर टर्न तुम लेफ्ट टर्न ले रहे हो सो लेफ्ट टर्न ले रहे हो सो गाड़ी की स्पीड क्या करते हो जब टर्न लेते हो गाड़ी समझो बात को इधर देखो गाड़ी जब टर्न लेते हो गाड़ी का स्पीड क्या करते हो खास करके ऐसे लेफ्ट टर्न ले रहे हो सो जब हम लेफ्ट टर्न लेते हैं तो गाड़ी का स्पीड हम कम रखते हैं बिकॉज हम गाड़ी का स्पीड यहाँ पर कम रखते हैं इसका मतलब ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ये है मेरी यहाँ पर मिनिमम वेलॉसिटी कौन सी वेलॉसिटी है ये है मेरी यहाँ पर मिनिमम वेलॉसिटी ओके That is my चाहिए में भी आप देख सकते हो इन्होंने अभी अभी टर्न लिया है यहाँ पर राइट ऐसे सिचुएशन में अभी यहां से के आ रहे थे बर अभी ये लोग टर्न ले रहे हैं सो टर्न के वक्त वेलोसिटी क्या होती है टर्न के वक्त वेलोसिटी यहाँ पर हमारी हमेशा कम होती है आप इसमें भी इसमें भी देख सकते हो चाहो तो बट सिंपल सा कॉमन सेंस ही है उसमें कुछ ज्यादा ऐसा हाइप करने की चीज है नहीं ओके खैर इधर तो बैंक ये तो अलग ही गाड़ियां बट स्टिल टर्न में कंपेरेटिवली स्पीड आपकी कम होती है कंपेयर टू द लॉन्ग डिस्टेंस चलिए सो मैं उम्मीद करूंगा आप पॉज करके बाकी का सब खुद से कर लोगे जो बाकी की हमारी डेरिवेशन है वो आप खुद से करोगे अब क्या करना है अब गाड़ी लेके जानी है हमको यहां से सीधा है ना यहाँ राइट साइड जैसे भी आप बोलो तो अभी सीधा यहाँ राइट साइड लेके जानी है तो इस बार क्या होगा इस बार फ्रिक्शन हमारा आने वाला है नीचे की तरफ फ्रिक्शन क्या आने वाला है फ्रिक्शन यहाँ पर आने वाला है इस बार नीचे की तरफ और सेम डेरिवेशन यहाँ पर रिपीट होगी ओके एज इट इज डेरिवेशन यहाँ पर रिपीट होगी सो so आप चाहो कर सकते हो आ, या तो मैं आपको बता भी कर लेते हैं नहीं तो फिर क्या होता है थोड़े के लिए नाम खराब होता है <laughs> जो चीज मैं छोड़ूंगा उसके रिलेटेड कमेंट आ जाएगी ये नहीं समझा है ना सो एक बार उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं चलिए तो तो पर मैं स्लाइड बड़ा ले लेता हूं, तो उसमें ना मजा आ जाएगा रुक जाओ उसमें थोड़ा सा मजा आता है बड़े में करने में करने ना अलग मजा अच्छा है ऑलरेडी क्योंकि मेरे पास है ऑलरेडी चलिए सो so, इस बार गाड़ी कहाँ लेके जा रहा हूँ गाड़ी में पहले लेफ्ट साइड लेके गया था अभी गाड़ी लेके जा रहा हूं मैं राइट साइड मोशन कहाँ हो रहा है मोशन हो रहा है मेरा राइट साइड धरती का कुछ लेना देना नहीं है धरती आज भी बोलेगी मैं नीचे के तरफ हूँ कौन सा फोर्स एम जी नॉर्मल फोर्स का कुछ लेना देना नहीं है वो आज भी बोलेगा ऊपर तरफ हूं हूं ये सीधा करके ही लिख रहा बिकॉज वन शॉट है राइट तो थोड़ा सा मुझे पेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा नो no डाउट मेरे वन शॉट ऐसे रहते हैं कि लगभग समझ में आ जाता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम चलिए मोशन वहां है फ्रिक्शन कहा होगा फ्रिक्शन होगा इस तरफ सो अगर ये समझो टायर्स हैं सो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा कुछ इस प्रकार वापस से से मेरी बात को ध्यान देखो अगर ये आपका फ्रिक्शन है वापस से क्या करता हूँ मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ ऑल्टरनेटिव एंगल्स नजर आ रहे हैं क्या ऑन अगर ये वाला एंगल हमारा टीटा है सो क्या ये वाला एंगल भी टीटा लग रहा है क्या सो ये ऑब्बियस बात है ये वाला एंगल भी टीटा हो जाएगा इसका मतलब अगर ये मेरा फ्रिक्शन है बरोबर और इसके साथ ये वाला एंगल यहां से टीटा है सो बोलो जहां टीटा वहां कौन सा कंपोनेंट सो वहां हो जाता है कॉस ये हो जाएगा हमारा एफ एफ कॉस टीटा और नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा यहां से हमारा एफ एफ साइन टीटा के बराबर में कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए डायग्राम को साफ सुथरा रखने के लिए यहाँ से फ्रिक्शन को रिमूव कर देता हूँ ठीक है सो so, फ्रिक्शन के जो कम्पोनेंट्स मुझे बनाने हैं मैंने साइड में बना दिए हैं बस उसी को अब यहाँ पर मैं एड ऑन कर देता हूँ सो नीचे की तरफ है फ्रिक्शन का एफ एफ साइन ऑफ टीटा बरोबर इस तरफ है यहां पर फ्रिक्शन का एफ एफ कॉस ऑफ टीटा ध्यान से देखो फ्रिक्शन इस बार सपोर्ट कर रहा है कि ऑपोज कर रहा है ध्यान से देखो फ्रिक्शन एन कॉस कॉस्टीटा के यहां पर साथ में ही है फ्रिक्शन कहां पर है फ्रिक्शन इस बार मेरे एन कॉस कॉस्टीटा के यहां पर एन साइन टीटा के यहां पर साथ में ही है सो so, बस अभी इक्वेशंस लिखना है दैट्स इट क्या मेरी गाड़ी वाई एक्सिस में वो मोशन कर रही है नहीं कर रही है सो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस y में हो जाएंगे जीरो के बराबर एक तरफ आ जाएगा मेरा n cos ऑफ थीटा दूसरे तरफ आ जाएगा मेरा mg plus ff एफ ऑफ थीटा काफी लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार सम्मेषन ऑफ ये क्यों लिख रहा हूँ ये वाला एक्सप्रेशन यूजुअली क्लास इलेवन ट में नहीं लिखते मतलब किसी ने देखा नहीं होगा यूजुअली बट क्या है ये सब चीजें इंजीनियरिंग में हैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इसका बहुत प्रो एडवांस वर्जन है तो मुझे थोड़ा सा हैबिट है तो उसके लिए आप अवॉइड भी कर सकते हो नहीं तो टेक्निकली तो वो सही है उसमें कुछ गलत नहीं है सच चलिए ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं ये दोनों मिलके सेंटर के तरफ जा रहे हैं सो बिकॉज दोनों मिलके सेंटर के तरफ जा रहे हैं सो क्या हो जाएगा दोनों का गठबंधन एंड साइन ऑफ टीटा प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन एफ एफ कॉस ऑफ टीटा इज इक्वल सी हो जाएगा यहाँ से हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर बोलिए मास चाहिए क्या Come on, mass चाहिए क्या सो so मास हमें नहीं चाहिए बिकॉज मास हमें नहीं चाहिए क्या कर देंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे सो so डिवाइड कर दूंगा मास uh, को एलिमिनेट करने के लिए मतलब आप ऐसा लिख सकते हो इंग्लिश में टू एलिमिनेट मासिस लेट अस डिवाइड इक्वेशन वन एंड टू सो क्या हो जाएगा यहां से मेरे पास बचेगा एन साइन ऑफ टीटा प्लस वहां पर फ्रिक्शन का वैल्यू होता है n बचेगा, n यहां से, cos बचेगा, mv r. साथ में क्या है माइनस में, में है यहाँ से म्यू टाइम्स ऑफ एन क्या हो गया स्लाइड को मेरे यहाँ पर माइनस में यहाँ पर क्या है म्यू टाइम्स ऑफ एन साइन ऑफ टीटा इज दी है यहाँ से मेरा एम जी के बराबर मास मास कैंसिल नॉर्मल चारों जगह से बाहर आएगा नॉर्मल चारों जगह से यहाँ पर हो जाएगा मेरा कैंसिल साइन वापस से वही टीटा से डिवाइड करूंगा साइन टीटा डिवाइडेड बाय कॉस टीटा कितना बचेगा सो साइन टीटा डिवाइडेड बाय कॉस टीटा यहाँ पर बचेगा टेन टीटा बराबर प्लस वहां पर क्या बचेगा म्यू कॉस्टीटा डिवाइडेड बाय कॉस्ट टीटा वन

वहां पर वन माइनस म्यू टेन टीटा एग्जाम में कैसे पता करें सही है या गलत फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो जैसे हमारा पहले आया था रूट ऑफ आर जी टेन टीटा के बराबर सो यही हो जाता है हमारा यहाँ से बेसिक फंडा चीजों को समझने का एंड इसी प्रकार से सो कॉल्ड वन ऑफ द डेरिवेशन जो स्टूडेंट्स को लगती है मुझे नहीं लगती है टू बी हॉनेस्ट होती है यहाँ पर हमारी समाप्त उम्मीद करता हूं पहले से बेहतर समझा होगा अब यहां पर मिनिमम मैक्सिमम का लॉजिक कैसा है सो एक तरीका यही है सिंपल कि ये मिनिमम है तो वो मैक्सिमम होगा दूसरा तरीका क्या है कंसीडर करो इस बार हमारा यहाँ से सीधा ही रस्ता है क्योंकि ये बैंक रोड इस तरफ है ना रोड का टीटा जो एंगल है वो टीटा का पूरा का पूरा एंगल इस तरफ है तो कंसिडर करो हमने यहाँ से हल्का सा ही राइट टर्न लिया था तो अगर आप हल्का सा राइट टर्न लेते हो तो वो सिचुएशन में आप स्पीड इतना ज्यादा कम नहीं करोगे आप अच्छा खासा वेलोसिटी यहाँ पर मेंटेन रख सकते हो लॉजिक समझो थोड़ा इसमें समझने में इमेजिनेशन लगेगा रोड आपका लेफ्ट के तरफ टिल्टेड है तो जब आप लेफ्ट लोगे तो गाड़ी ऐसा आके नहीं गिरे ऐसा रोल हो के उलट पुलट होके नहीं गिरे तो आपको स्लो करना पड़ेगा बट राइट साइड में इतना पाबंदी नहीं लगता है राइट साइड में उल्टा आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो रोड पे टिके हुए रहोगे एक हाईवे को इमेजिन करते हुए ये चीज थोड़ा सा समझो और जो जुबान दिया था मैंने आपको विश्वास रखवाया था आपसे जबान दिया था नोट जुबान सो उसका भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ टीटा का लॉजिक राइट है ना सो so, ये वाला एंगल टीटा है सो so कंसीडर करते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं यहाँ पर एक्सिस कंसीडर करता हूं ये काली वाली लाइन जो आपकी यहां से आ रही है सो so कंसीडर करते हैं ब्लैक लाइन यहां से पास हो रही है कितना एंगल है इसका इसका एंगल है टीटा ये वही लाइन है इसको मैंने सिर्फ एक्सटेंड कर दिया है सो so ये वाला एंगल भी कितना होगा ये वाला एंगल भी होगा टीटा के बराबर नॉर्मल कैसा है सो so, नॉर्मल मेरा यहाँ पर होता है इस लाइन के तरफ 90 डिग्री जो है वो है मेरा यहाँ से नॉर्मल सो ये हो जाएगा मेरा देखो नॉर्मल एंगल कितना बनाती है सो so, नॉर्मल भी 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है उसमें से अगर ये वाला एंगल 90 माइनस टीटा है सो so ये वाला एंगल हो जाएगा टीटा के बराबर जिन लोगों को इंटरेस्ट है उनके लिए बताया आई होप समझ में आया आपको ओके okay, बाकी तो ये जस्ट एक बेसिक सा ही है इसमें इतना ज्यादा कुछ लगता नहीं है बढ़ते हैं आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक ओके सो नेक्स्ट टॉपिक काफी ज्यादा बेसिक सा ही है कोनिकल पेंड्यूलम सो बात करते हैं कोनिकल पेंड्युलम के बारे में सो so फिजिक्स में तीन प्रकार के पेंडुलम होते हैं पहला होता है सिंपल पेंड्युलम दूसरा होता है कोनिकल पेंडुलम तीसरा हो जाता है हमारा सेकेंड पेंड्युलम बट यहां पर हम पढ़ेंगे कोनिकल पेंड्युलम के बारे में सो सिंपल पेंडुलम में कुछ भी नहीं है वही स्कूल वाली थ्योरी है कि पेंडुलम अपना ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है जो ऑसुलेशन चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे सेकेंड पेंडुलम भी हम ऑसुलेशन चैप्टर में ही अच्छे से पढ़ेंगे बट यहाँ पे हमें पढ़ना है कोनिकल पेंडुलम बिकॉज कोनिकल पेंडुलम में होती है एक खास बात सो कोनिकल पेंडुलम की खास बात कुछ ऐसी होती है कि जब ये ऑसिलेट करता है ओके okay, सो so एक अगर सिंपल पेंडुलम की बात करूं सिंपल पेंडुलम जस्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसा घूमता रहता है ओके बट अगर कोनिकल पेंडुलम की बात करें सो कोनिकल पेंडुलम का जो बॉब होता है वो परफॉर्म करता है कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन ओके सो एग्जाम्पल तौर पे अभी यहाँ पर कंसीडर करूं मैं एक हवा है और ये भी एक है।, जो स्वाभाविक है, okay? हवा जब भी लगती है तो पेंडुलम हमारा सिर्फ लेफ्ट राइट -right नहीं जाता है पेंडुलम हमारा पूरा ऐसे हवा के वजह से हवा के झोंके के वजह से कुछ ऐसा ऐसा ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाता है सो so वही हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है कोनिकल पेंडुलम का एक ऐसा पेंडुलम इन विच द बॉब परफॉर्म्स अ सर्कुलर मोशन ओके बॉब क्या करता है बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और जो देयर बाय शेप हो जाता है वो एक कोन के तरह शेप हो जाता है ध्यान से नोटिस करो ये शेप हम लोग स्कूल में पढ़ते थे इस शेप को हम कोन नाम दिया करते थे राइट ये वही शेप है एग्जैक्टली exactly आपका एक कोन के तरह शेप ओके okay? सो so बिकॉज कोन की तरह शेप है सो इस वजह से इसको कहा जाता है कोनिकल पेंडुलम बिकॉज इसका बॉब परफॉर्म करता है नीचे सर्कुलर मोशन यही रीजन है ये सर्कुलर मोशन चैप्टर के अंदर है चलिए अब हमें करनी है यहाँ पर डेरिवेशन डेरिवेशन का लक्ष्य क्या है डेरिवेशन का लक्ष्य है हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है क्या फाइन करना है टाइम पीरियड फाइन करना है अगर मैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बताऊं सो हम लोग निकाल चुके हैं टी इज इक्वल्स टू होता है टू पाई रूट ऑफ हो जाता है यहां पर एल डिवाइडेड बाय जी के बराबर तो ये किसका एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन हो जाता है हमारे सिंपल पेंडुलम का फिजिक्स में एक रूल होता है याद रखना हमेशा कि जब भी हम कोई न्यू चीज डिराइव करते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम पुरानी वाली से रिलेट कर पाए ओके अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो आप क्या होगे सोच में पड़ जाओगे कि ये क्या हो रहा है ऐसा कैसा डेरिवेशन है सर यही क्यों किया ऐसा ही क्यों किया तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाओगे चलिए कोई बात नहीं है अब हम स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को तो कंसिडर करते हैं मेरा बॉब यहाँ पर एक्सट्रीम पोजिशन पे है सो ये होती है मीन पोजीशन मीन पोजीशन का मतलब होता है जहां पर मेरा बॉब नॉर्मली है पे। ओके मीन मीन का मतलब होता है एवरेज ये हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम वहां तक बॉब जा रहा है ये भी हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन तो हमारा डेरिवेशन हमें करना है फॉर द एक्सट्रीम पोजीशन चलिए करेंगे फोर्सेस को रिजोल्व बोलो सबसे पहला पहला फोर्स कौन सा होगा हमेशा धरती ही एकमात्र फोर्स है जिसको फिजिक्स नहीं आती है वो भी बता सकता है कि नीचे की तरफ यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट होगा हमारा एम फोर्स नीचे की तरफ कौन सा फोर्स एक्सर्ट होगा एम फोर्स करते हैं ये है से मेरी एक्सिस क्या कंसिडर करते हैं करते हैं ये है यहां से मेरी वाई एक्सिस ओके चलिए यहाँ पर क्या है जहां पर रस्सी होती है वहां पर एक्सर्ट होता है टेंशन फोर्स जिनको टेंशन फोर्स के बारे में नहीं पता है सो रस्सी रस्सी हमेशा क्या करती है रस्सी काम करती है खींचने का बरोबर बॉब को अभी कौन पकड़ के रखा है बॉब को रस्सी पकड़ के रुकी है बिकॉज ये खींचने का काम करती है तो फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जाता है ओके जिन लोगों को नहीं पता है टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जाता है बिकॉज रस्सी हमेशा पुल करने का काम करती है तभी तो ऑब्जेक्ट बंदा हुआ है नहीं तो गिर जाएगा ऑब्जेक्ट ठीक है स्व so, mg फोर्स हो गया टेंशन फोर्स हो गया बट वापस मुझे बताइए क्या ये एक्स और वाई एक्सिस के अक्रॉस बन रहे हैं क्या सो नहीं बन रहे हैं तो जैसे अभी अभी हमने कार वाले सम्स में कार वाली डेरीवेशन में हमने रिजोल्व किया था यहाँ पर भी टेंशन को मुझे रिजोल्व करना पड़ेगा बिकॉज एक फोर्स ऐसा है एक फोर्स नीचे है चलिए रिजोल्व करते हैं तो कंसिडर करता हूँ ये एंगल यहाँ पर टीटा है है ना okay, मेरा बॉब यहां से टीटा एंगल आगे आया है क्या कंसीडर करते हैं मेरा बॉब यहां से एंगल तरफ आगे आया है ओके सो एंगल अगर मेरा बॉब यहां से आगे आया है सो so देखो यहां पे मैं अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं बरोबर अगर ये एंगल टीटा है और यहां से मैं एक वेक्टर बना देता हूँ ओके सो ये वाला एंगल भी टीटा हो जाएगा मुझे नहीं लगता है कोई एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत है इतना बढ़िया सा डायग्राम है जहां टीटा वो कंपोनेंट कॉस का सो ये हो जाएगा मेरा टी कॉस ऑफ टीटा एंड ये इवेंचुअली यहां से हो जाएगा मेरा टी साइन ऑफ टीटा इस प्रकार से मैंने टेंशन वेक्टर को यहां पर रिजोल्व किया है चलिए रिजोल्व किया है सो तो जो दिख रहा है वही काम हम करेंगे टी कॉस टीटा ऊपर की तरफ है एम जी नीचे की तरफ है सो मैं क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं टी कॉस टीटा बराबर हो जाएगा यहां से एम जी के टी साइन टीटा वापस से मुझे बताइए यहां पर सर्कुलर मोशन हो रहा है सर्कुलर मोशन क्या बताया था जब जब सर्कुलर मोशन होगा कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स देगा सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर कौन है यहां पर टुवर्ड्स द सेंटर सो एक ही फोर्स है टी साइन टीटा जो की है टुवर्ड्स द सेंटर सो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं टी साइन टीटा प्रोवाइड कर रहा है मुझे सेंट्रिपिटल फोर्स

जब जिसकी जरूरत होती है तब लेते हैं यहां पर एम क्या है हमारा सो so, हमारा एम है टाइम कैलकुलेट करना हमारा लक्ष्य क्या है लक्ष्य है टाइम कैलकुलेट करना टाइम किससे निकलता है टाइम निकलता है ओमेगा से बिकॉज ओमेगा हमारा होता है टू पाई बाई टी के बराबर ओके, okay, so, लक्ष्य ये है तो इस वजह से यहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो टी टीटा यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहां से मेरा एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर तो यहां पर आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर याद करो मैंने क्या बताया था मैंने कहा था हमें किसी भी सर्कुलर मोशन की फॉर्मूला में मास नहीं चाहिए मास नहीं चाहिए इसका मतलब क्या करेंगे अगेन यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे सो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी टी और ती यहां से कैंसिल हो जाएगा साइन टीटा यहाँ पर बचेगा नीचे में मेरे पास बचेगा ऑफ इज टू पर मास और मास कैंसिल बचेगा आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर जी ओके सो आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से मेरे पास जी सो आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से जी अब यूजुअली क्या होता है यूजुअली हमको हैबिट होती है साइन और कॉज को टेन में कन्वर्ट कर देने की बरोबर है ना साइन डिवाइडेड बाय होता है है तो इसे अंदर से अर जाता है कि इसको टीटा में कन्वर्ट कर दे पर ऐसा नहीं करना है तो अब कोई बोलेगा क्यों नहीं करना है अगर नहीं करना है मतलब रट्टा मारना सिखा रहे हो रट्टे की यहां पर बात नहीं है मैंने आपको पहले ही कहा था हम जो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे हमारा इंटेंशन होगा उस फॉर्मूला से रिलेट कर पाना राइट ऊपर वाली फॉर्मूला से रिलेट कर पाना इंटेंशन होगा तभी फॉर्मूला याद करना आसान होगा नहीं तो सब फॉर्मूला अलग अलग शक्ल से दिखेंगी तो रट्टा मारना पड़ेगा ओके सो कैसे ना कैसे करके मुझे यहां पर ये टर्म्स लाने पड़ेंगे और इसके वजह से यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का किसका इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का ये है रीजन नंबर वन दूसरा रीजन यहां पर ये है मुझे रेडियस नहीं चाहिए ओके okay, दूसरा रीजन यहाँ पर क्या है दूसरा रीजन यहाँ पर है मुझे रेडियस नहीं चाहिए रेडियस मेरी जिंदगी खराब कर सकता है आई रिपीट रेडियस मेरी जिंदगी क्या कर सकता है खराब कर सकता है जरा यहाँ पर सोच के देखो अब जब हम पेंडुलम को मोशन में लाते हैं अभी मैं बैठा हूं फ्री शाम का समय है फ्री बैठा हूं ऐसे ही बैठ के पेंडुलम को मोशन करवा रहा हूं सो जब पेंडुलम को मोशन कराते हैं सो जरूरी नहीं है रेडियस मेरा फिक्स रहे ऐसा जरूरी नहीं है रेडियस क्या है इधर हवा का झोंका आ जाएगा मेरा उधर चले जाएगा बॉब है ना हवा का झोंका इस तरफ आया बॉब इस तरफ आ जाएगा हवा नहीं लग रही है तो छोटे रेडियस में घुमा हवा हवा बढ़ गई सो रेडियस बड़ा हो जाएगा रेडियस मेरी पूरी डेरिवेशन की बैंड बजा सकता है तो हमारा पहला पहला काम है रेडियस को यहाँ से निकालना ओके अगर फिजिक्स जिंदा रखनी है तो रेडियस को निकालना पड़ेगा उसको निकालने का भी यहां पर होता है एक तरीका चलिए थोड़ा सा तरीका देखते हैं सो so, ये है मेरा रेडियस यहां पर आर बर। ये कंसीडर करता हूं मेरी है कोई भी लेंथ ठीक है सो so, कंसीडर करते हैं ये 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 क्या है है कंसीडर करते हैं यहां है पर मेरी लेंथ बिकॉज मैं एक्सट्रीम वाली ही डेरिवेशन कर रहा हूं चलिए अगेन लेंथ कहीं ना कहीं एक वेक्टर से संभावना रखती है बरोबर लेंथ एक मेजरमेंट है मेजरमेंट का डायरेक्शन होता है खास करके लेंथ का डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है ये चीज भूलना मत सो so, अगेन मैं क्या कर सकता हूं इस लेंथ को वेक्टर समझ के दो कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगा ओके okay? इस लेंथ को वेक्टर समझ के क्या करूंगा दो कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगा एक कंपोनेंट हो जाएगा मेरा टीटा

पैरेलल ड्रैग करता हूँ अगर ये मेरा एक वेक्टर है इसको पैरेलल में नीचे ड्रैग करके रखता हूं तो वैल्यू और कुछ भी बदलता नहीं है सो यानी कि ये जो लेंथ है ये हो जाएगी एल साइन टीटा के बराबर पर ध्यान से देखिए ये तो मेरा रेडियस है है ना जो यहां पर ऐसी लेंथ है ये क्या है ये तो मेरे रेडियस के बराबर हो जाएगी अगर मैं यहां से इसको नीचे ड्रैग करूं तो सो so, इसका मतलब रेडियस किसके बराबर है रेडियस यहां पर बराबर हो जाता है एल साइन टीटा के बराबर सो आर इज इक्वासरी क्या हो जाता है एल साइन टीटा के बराबर इसका मतलब साइन टीटा कितना हो जाएगा यहां पर आर बाय के बराबर अब ये हो जाता है एक एक्सप्लेनेशन ये क्या हो जाता है ये हो जाता है एक एक्सप्लेनेशन यहां पर मैंने आपको फिजिक्स लगा के बताया कि रेडियस को क्यों निकालना है ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स यहां पर होंगे बोलेंगे नहीं समझा सीधा बोलेंगे नहीं समझा बोले कितना भी कोशिश करो बोलेंगे नहीं समझा जिनको नहीं समझा आप कुछ मत करो आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ नहीं समझा ना फिजिक्स कोई बात नहीं ट्रिग्नोमेट्री लगाओ ये एंगल टीटा है साइन टीटा क्या होता है कमॉन साइन टीटा होता है ऑपोजिट अपॉन में हाइपोटिनस ऑपोजिट कितना है ऑपोजिट है यहाँ पे आर के बराबर हाइपोटिनस कितना है एल के बराबर चलिए साइन टीटा हो जाएगा आर बाय के बराबर ओके okay, so समझ रहे हो हर चीज के पीछे कितना डेप्थ है इमेजिन करो ये तो वन शॉट है ओके यूजुअली सर्कुलर मोशन में पच्चीस रोटेशनल डायनामिक्स में ट्वेंटी फाइव अवर्स लेता हूँ इस चैप्टर को कराने में सो so आप समझ सकते हो हर चीज के पीछे यहाँ पर uh, काफी ज्यादा डेप्थ है चलिए सो so साइन टीटा यहाँ पर आर बाय वहां पर मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा सो so कितना मिलेगा यहां से मुझे मिलेगा आर बाय से से मुझे मिलेगा टीटा, यहां से जी को इस तरफ भेज दूंगा आर जी वापस आ गया <laughs> ओके और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा बचेगा ओमेगा का स्क्वायर ओके आर जी नहीं आएगा सॉरी यहाँ पर आर जी का हो गया काम <laughs> यहाँ पर अब मेरा काम है तो साइन टीटा की जगह यहां पर आ जाएगा हमारा और 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 से 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 हो हो जाएगा, जाएगा, जाएगा जाएगा. के जगह पर क्या आ जाएगा? आ कितना होता है? So, ओमेगा यहां से होता है, है हमारा ओमेगा को यहाँ से रूट में डाल दूंगा स्क्वायर हटा दूंगा ओमेगा होता है हमारे टू पाई बाई टी के बराबर राइट right? ओमेगा कितना होता है ओमेगा होता है टू पाई बाई टी के बराबर सो इवेंचुअली क्या हो जाएगा टी इज से हो जाएगा टू पाई रूट ऑफ यहाँ से टी इधर जाएगा एल थीटा ऊपर हो जाएगा सो हो जाएगा एल थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ से जी के बराबर और ये हो जाती है हमारी फाइनल फॉर्मूला एक बार सिर्फ आप ये दो स्टेप्स को आसानी से देख सकते हो सो सिंपल पेंडुलम की फॉर्मूला और कॉनिकल पेंडुलम की फॉर्मूला में देखो सिर्फ एक ही चीज का अंतर है जो कि है एंगल का फर्क राइट right? किसका फर्क है सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर का फर्क है एंगल का फर्क है जो कि ऑब्वियस सी बात है कोनिकल पेंडुलम में हमें नजर आ रहा है कि ये चीज पूरा सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर मोशन है तो टीटा तो आना ही है ओके सो दैट वाज ऑल अबाउट द डेरिवेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम हा आई होप आपको समझी होगी काफी आसान है ओके okay? शुरुआत में मिस्टेक कहां पे होती है स्टूडेंट से मिस्टेक दो जगहों पे होती है पहली पहली मिस्टेक होती है एम वी आर ले लेते हैं ठीक है दूसरी मिस्टेक होती है डिवाइड करके साइन दो दो चीजें दो चीजे एग्जाम में क्लिक नहीं होती हैं अगर ये चीजें क्लिक हो जाती है तो फिर साइन टीटा पे आकर के वो थोड़ा सा अटक जाते हैं चलिए सो बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ अगला डेरिवेशन हमारा हो जाता है एक बढ़िया सा मेरा फेवरेट सा टॉपिक वर्टिकल सर्क्यूलर सर्कुलर मोशन सो अब तक हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक में फर्क क्या है सो so, देखो हम लोग ने ना अनकॉन्शियसली हमेशा सर्कल को कुछ ऐसा ही ड्रॉ किया है अगर आपने नोटिस किया हो तो राइट बिकॉज बोर्ड हमारा ऐसे ही होता है बोर्ड इसमें ऐसे ही पढ़ा सकता हूं मैं सोके नहीं पढ़ा सकता हूँ जो मैं हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करूं बर बर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर्कुलर मोशन भी दो प्रकार से होता है एक हो सकता है हॉरिजोंटल सर्कुलर मोशन यानी जिसमें हाइट कॉन्स्टेंट रहे बरोबर और एक होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसमें हाइट आपकी कॉन्स्टेंटली चेंज होती हो ओके, okay. so, अभी तक जितना भी हमने हमने टॉपिक पढ़ा, भले ड्रॉ ऐसा किया था बिकॉज़ बोर्ड ऐसा है, हम सो के नहीं बना सकते हैं ऐसा, इसमें इमेजिनेशन मर जाती है पूरी की पूरी बट जो भी अभी तक हमने पढ़ा था जितना भी चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा था सब कुछ आधारित था हॉरिजोंटल मोशन के ऊपर जिसमें हाइट नहीं बदल रही थी बट एज सुन एज हम वर्टिकल में आते हैं मैं यहां पर ऊपर uh, चले जाऊं माउंट एवरेस्ट के और एक किलोमीटर की रस्सी है एक किलोमीटर की रस्सी से ऐसे चीजों को गोल गोल घुमा रहा हूं सो ऑब्वियस सी बात है हाइट बदलेगी हाइट बदलेगी तो ग्रेविटी बदलेगी सारी चीजें बदलती है बिकॉज ग्रेविटी हाइट के साथ चेंज होती जाती है ओके ग्रेविटी चेंजेस विद द हाइट आई होप आपको ये फैक्ट पता है नहीं पता था अभी मैंने बता दिया कोई रिग्रेट की बात नहीं है सो ग्रेविटी चेंजेस एज द हाइट चेंजेस बरोबर और ग्रेविटी क्या है ग्रेविटी एक प्रकार का एक्सेलरेशन है सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैन नेवर बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहां पर नहीं हो सकता है ओके बिकॉज हाइट चेंज हो रही है हाइट चेंज होगी तो ग्रेविटी चेंज होगी ग्रेविटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होते रहेगा कॉन्स्टेंटली सो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म इसमें कभी भी आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ोगे वर्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा कोई टर्म आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा बात करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में सो मस्त बढ़िया सा डायग्राम है अभी हमको इस पे टेंशन निकालना है अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करना है अलग अलग पॉइंट्स पे हमें टेंशन कैलकुलेट करना है और आसानी से हो जाता है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है सो so, रेफरेंस के लिए कंसीडर करते हैं हम यहाँ पर दो पॉइंट्स कंसीडर करता हूं एक यहां पर पॉइंट जिसको नाम दे देता हूं मैं हाईएस्ट पॉइंट ओके एच कंसीडर करते हैं एक लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे एल चल सो so, पहले लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं बोलो धरती कहाँ खींच रही है सो धरती खींच रही है ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ सो फोर्स आएगा एम का फोर्स टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा मैं आपको बता चुका हूं टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है सो so, टेंशन का डायरेक्शन आएगा यहाँ पे ऊपर के तरफ चलिए सेंटरपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है तो सेंट्रपिटल फोर्स का डायरेक्शन तो हमेशा यहाँ की तरफ ही होता है सेंटर के तरफ ही होता है, है. चलिए सो so, इसका मतलब यहाँ पर सेंट्रपिटल फोर्स कौन दे रहा है इस सिचुएशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन सेंट्रपिटल फोर्स कौन दे रहा है तो सेंट्रपिटल फोर्स अगर सेंटर के तरफ होना चाहिए तो टेंशन भी सेंटर की तरफ है सो मैं लिखूंगा प्लस टेंशन एमजी फोर्स नीचे के तरफ है सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन सेंटर के तरफ होना चाहिए बट एम जी तो नीचे की तरफ लेके जा रहा है तो ये तो चीजों को घटाना चाहता है सो प्लस टेंशन माइनस एम जी का जो भी आंसर आएगा वो मुझे दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स यानी यहां पर हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर आई होप आपको समझा जो असिस्ट कर रहा है आपका दोस्त आपको मदद कर रहा है प्लस दोस्त आपको ड्रेन कर रहा है माइनस सिंपल सा लॉजिक और इस पॉइंट का नाम लिया है मैंने एल राइट सो लोएस्ट पॉइंट का टेंशन है, है so हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर सो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट पे धरती आज भी बोलेगी नीचे की तरफ चल एम तो जी क्या है एम जी है नीचे की तरफ टेंशन हमेशा क्या होता है अवे फ्रॉम द पॉइंट यहाँ पर अवे भी नीचे की तरफ ही बनेगा राइट बिकॉज रस्सी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट से दूर दूर मतलब नीचे ही जा सकती है रस्सी सो so, यहाँ पर तो दोनों चीजें असिस्ट कर रही है दोनों मिलके सेंटर के तरफ जा रही है सो so, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस टेंशन होगा प्लस एमजी होगा दोनों मिला के दे रहे हैं मुझे एम स्क्वायर बाय आर और ये कौन सी पॉइंट पे है ये हाईएस्ट पॉइंट पे है मैंने नाम दिया है इसको एच तो यहां पर हो जाएगा टेंशन हाइएस्ट सो तो अगर यहां पर मैं टेंशन की वैल्यू निकालू सो मुझे आंसर मिलेगा एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी के बराबर राइट सो तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा टेंशन हर जगह पे अलग है राइट और आप देख के पहचान भी सकते हो कि टेंशन कहां पर ज्यादा है अगर लोएस्ट पॉइंट की बात करूं सो टेंशन नीचे ज्यादा है एम वी स्क्वायर बाय आर तो है ही प्लस एम जी है बराबर नो डाउट वेलोसिटी अलग होती है बट कुछ ना कुछ फिर भी यहां पर एड हो रहा है राइट है ना और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं यहां पर टेंशन हमारा है है तो कभी कभी एमसीक्यू में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि कौन से जगह पे टेंशन ज्यादा होता है लोएस्ट पॉइंट पे के हाईएस्ट पॉइंट पे तो आंसर आप सभी के सामने और इमेजिनेशन भी है लोएस्ट पॉइंट पे सब चीजें ज्यादा होती हैं यूजुअली भी ऊपर जाके थोड़ा हल्का हल्का सा महसूस होने लगता है चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन टेंशन इज हाइएस्ट एट वो तो मैंने बता दिया स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन का पार्ट डेरिवेशन बहुत ज्यादा आसान है कंपेरिजन uh, करते करते डेरिवेशन हमारी यहाँ पर हो जाती है सो so, एक्सप्रेशन में यही वाला लिखूंगा मैंने अभी अभी यहाँ से लिखा है हाइएस्ट पॉइंट का एक्सप्रेशन uh, सो so, मैं लिखूंगा टेंशन एट हाइएस्ट पॉइंट इस एक्सप्रेशन में मैंने ए नाम दिया है इज इक्वल्स टू दी एम बी स्क्वायर बाय आर बरबर एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस में यहां से एम से सो यहां पर हो जाएगा माइनस में एम ठीक है सो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना हो सकता है ओके okay, जरा सोच के देखो इस बारे में सो so एक्चुअल में देखा जाए टेंशन इस पॉइंट पे जीरो भी हो सकता है ओके हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन हमारा जीरो हो सकता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ओके okay. बट उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वेलोसिटी मिनिमम होगी ओके okay. वेलोसिटी क्या होगी मिनिमम होगी तो अभी हमारा एम क्या है जो डेरिवेशन में अभी कर रहा हूं उसका लक्ष्य क्या है उसका लक्ष्य है मुझे मिनिमम वेलोसिटी ए पे फाइंड करनी है मुझे मिनिमम वेलोसिटी बी पे फाइंड करनी है मुझे मिनिमम वेलोसिटी सी पे फाइंड करनी है सो मैं मिनिमम वेलोसिटी इस वजह से फाइंड कर रहा हूं ताकि मुझे पता रहे कि मैं अगर स्लोली स्लोली भी चलना चाहता हूं तो कितना स्लो हूँ मैं सबके मोशन खत्म कर सकूं तो अगर मुझे यहां पर वेलोसिटी मिनिमम चाहिए तो यहां पर टेंशन क्या ले सकता हूं टेंशन में सीधा का सीधा यहां पर जीरो डाल सकता हूं ओके टेंशन सीधा क्या डाल सकता हूं टेंशन यहां पर मैं सीधा जीरो डाल सकता हूं उसका एक रीजन होता है एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पर मेरे पास पूरा का पूरा सेटअप बना हुआ है सर्कुलर मोशन का ओके यहाँ पर क्या हुआ है सर्कुलर मोशन का सेटअप बना हुआ है मैं ऐसे गोल 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 चीजों को घुमा रहा हूं, कंटिन्यूस रोटेशन कर रहा हूं। अरे ध्यान से देखो अगर मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे आके छोड़ दिया थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया okay, तो भी मेरा बॉल सर्कुलर मोशन पूरा करेगा ही करेगा बोलो एग्री करते हो क्या इस पॉइंट पे आकर अगर मैं हल्का सा ऐसे धागे को ढीला छोड़ देता हूं, टेंशन को छोड़ देता हूं ओके okay, कसके नहीं पकड़ता हूं छोड़ देता हूं तो भी तो मेरा मोशन कंप्लीट होगा ही होगा चाहो तो घर पे बैठ के देख के स, देख सकते हो क्यों मोशन कंप्लीट होगा इनर्शिया डेवलप हो चुका है ओके okay, so इस वजह से टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या कहते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम कहते हैं अगर वी मुझे मिनिमम चाहिए तो मैं कह सकता हूं टेंशन मेरा यहां पर फिर 0 के बराबर होगा अगर टेंशन 0 के बराबर होगा सो 0 हो जाएगा यहां से mv2 r rg को देंगे वहाँ पर हो जाएगा यहां से इस हो जाएगा यहां से मेरा एम वी स्क्वायर बाय आर ओके सो यहां से मुझे क्या मिलेगा यहां से मुझे एक सेकंड कुछ ना कुछ यहां पर मिस्टेक हुआ है टी एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम टेंशन को ले लेंगे जीरो यहां से मिलेगा एम जी हो जाएगा यहाँ से सो बेसिकली एम आएगा यहाँ पर मैं वही सोचू मेरा काम हो चुका है इस चैप्टर में सो so यहाँ पर आ जाएगा एम जी सो बेसिकली मास मास कैंसल v इकोसरी हो जाएगा यहाँ से रूट ऑफ आर जी के बराबर ये हो जाएगी यहाँ से हमारी पहली पहली पहलीर्मला okay. क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी पहली पहली टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी so, okay. so, मुझे पता है RG के बराबर. अब क्या करना है, अब मुझे B और C पे करनी है. कैसे कर सकते हैं कंपैरिजन करना है कुछ भी नहीं कंपैरिजन क्या करना है हमें पता होता है कि पूरे फिजिक्स में कभी भी वेस्ट नहीं होता है आप फिजिक्स में कभी ऐसा नहीं पढ़ोगे कि एनर्जी वेस्ट हो गई है ना कैसे हम लोग बोलते हैं आज आज क्या किया कुछ नहीं किया <laughs> तो फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं होता है कि एनर्जी वेस्ट हो गई सो मैं सिंपली लिख सकता हूं जितनी टोटल एनर्जी मेरी ए पॉइंट पे होगी उतनी ही टोटल एनर्जी मेरी सी पॉइंट पे होगी एग्री करते हो क्या बिकॉज टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व बरबर टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है अगर टोटल एनर्जी कंजर्व होती है सो बेसिकली क्या हो जाएगा जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी पोटेंशियल टोटल एनर्जी किससे बनी हुई है सो टोटल एनर्जी बनी हुई है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से सो बेसिकली वो दोनों भी क्या होने चाहिए वो दोनों भी यहां से सेम होने चाहिए बरोबर चलिए सो इस एक्सप्रेशन को यहां पर मैं लिख दूंगा कि टोटल सेम है तो दोनों का एडिशन भी सेम होना चाहिए अब मुझे बताइए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कमा पोटेंशियल एनर्जी वही है बचपन में हम चढ़ाते थे एक दूसरे को एम जी एच एम जी एच ऐसा कुछ हम बोलते थे सो तो सो बेसिकली यहां यहां पर पर तो तो हाइट 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 ही 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 नहीं 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 है 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 इधर क्या जमीन बिकॉज कुछ ये वाला टर्म मेरा सीधा हो जाएगा यहां से जीरो के बराबर कितना हो जाएगा ये वाला टर्म सीधा मेरा हो जाएगा यहां से जीरो के बराबर चलिए सो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा सो काइनेटिक एनर्जी एट ए यहां से हो जाएगा मेरा हाफ एम वी स्क्वायर ओके प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम जी एच बोलो यहां तक हाइट कितना है अगर ये मेरा रेडियस आर है और ये मेरा रेडियस आर है सो जमीन से कितना हाइट है जमीन से इसका हाइट है टू टाइम्स ऑफ आर के बराबर यहां पर हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ आर इज इक्वरी हो जाएगा यहां से हाफ एम वी सी का यहां से स्क्वायर VA का स्क्वायर कितना होगा अभी अभी हम निकाल चुके हैं वेलोसिटी एट पॉइंट है रूट ऑफ के बराबर तो उसका स्क्वायर सिंपली आर जी के बराबर आएगा सो यहाँ पर हाफ एम यहाँ से हो जाएगा RG, प्लस हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ऑफ टाइम्स इज हो जाएगा हाफ एम यहाँ से वी सी का स्क्वायर चलिए सो यहां पर भी है एम आर जी यहां पर भी है सो इसको क्या हो जाएगा दोनों को आपस में मैं मिक्स कर दूंगा टू टू साफ फोर फोर प्लस वन हो जाएगा फाइव फाइव टाइम्स ऑफ एम जी आर है ना Divide by two is equal three हो जाएगा से का मास मैंने पहले ही कह दिया था हर फॉर्मूला में कैंसिल होगा टू टू यहाँ से कैंसिल बचेगा रूट ऑफ फाइव टाइम्स ऑफ आर जी के यहाँ से बराबर है ना देखो अभी तक मेरा है रोल इस चैप्टर में मुझे लगा हो गया रहेगा बट <laughs> कितना मैं जरूरी हूं फिजिक्स के लिए रियलाइज हो रहा है मुझे भी और आई होप आप लोगों के भी सो बेस की फॉर्मूला कितनी हो जाती है हो जाती है यहां से रूट ऑफ फाइव टाइम्स आर जी के यहां से बराबर अब यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में उल्टा फुलटा लिख के आते हैं कोई इधर आरजी लिखता है कोई इधर आरजी लिखता है कोई यहां पे रूट ऑफ फाइव आर जी लिखता है कोई ऊपर लिख देता है तो उसको याद कैसे करें याद करना यहां पर बहुत जरूरी होता है तो इसको याद करने का तरीका क्या है याद करने का एक ही तरीका है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहां से पढ़ रहे हो आरजी सर से पढ़ रहे हो आरजी सर कौन है भाई आरजी सर ईगो वाले हैं क्या आरजी सर हम इंसान है आरजी सर बेचारे हम इंसान है हम इंसान क्या होते हैं हम इंसान होते हैं डाउन टू अर्थ यानी मैं डाउन टू अर्थ हूं डाउन टू अर्थ लोगों की वैल्यू जमीन पे ज्यादा होती है सो जमीन पे वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए तो आप कौन हो आप हो मेरे स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट हो तो किसके तरह रहोगे मेरे तरह ही रहोगे तो आप भी नम्र रहोगे डाउन टू अर्थ रहोगे तो जमीन पे वैल्यू ज्यादा होती है ऊपर वैल्यू कम होती है अभी जिंदगी में चाहो तो भी नहीं भूल पाओगे चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट की तरफ सो अभी हमने यहाँ पर वेलोसिटी फाइन कर ली है यहाँ पर वेलोसिटी हमारी निकल चुकी है कितनी है सो ऊपर के तरफ है हमारी आरजी के बराबर नीचे है हमारी यहाँ ए, बार बार मेरे से गायब हो जा रहा है टूल मैंने आपको बताया पहला लेक्चर है डिजिटल बोर्ड पे मेरा सो थोड़ी गलतियां होंगी सो अभी हमें क्या करना है अभी मुझे बी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है अब मेरे पास दो तरीके हैं टोटल एनर्जी ए से कंपेयर करो या फिर टोटल एनर्जी सी से कंपेयर करूं बोलो ज्यादा आसान क्या पड़ेगा ऑन ज्यादा इजी क्या पड़ेगा सो so ज्यादा इजी मुझे पड़ेगा सी से कंपेयर करना बिकॉज एक टर्म वहां पे ऑलरेडी जीरो है राइट है ना एक टर्म जीरो है सो यहां पर क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस हो जाएगा यहां से पोटेंशियल एनर्जी एट बी इसी से हो जाएगा एनर्जी एट सी प्लस हो जाएगा एट सी, बोलो हाइट कितना है, है यहाँ पे, कुछ भी नहीं तो ये हो जाएगा जरूर काइनेटिक एनर्जी बी क्या है वही तो मुझे फाइंड करना है हाइट कितना है यहाँ से सो हाइट है एक रेडियस के बराबर एम जी टाइम्स ऑफ आर यहाँ पर कितना आंसर आया है सी का सो सी का आंसर आया है फाइ आर जी के यहां से बराबर चलिए सो मास 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 कैंसिल कर देता हूं डिडेड बाय यहाँ से टू यहाँ पर क्या है यहां पर है मेरे पास प्लस आर जी इज इक्सुरी कितना है यहां से फाइवी डिवाइडेड बाई टू के बराबर हाँ, मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां से थ्रू आउट बाय टू सो थोड़ा मेरा जिंदगी आसान हो जाएगा सो यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई दोनों टू कैंसिल ये टू भी यहाँ से हो जाएंगे दोनों कैंसिल सो इवेंचुअली क्या मिलेगा इवेंचुअली मुझे मिलेगा वी बी स्क्वायर इज इक्वरी टू आर जी इज इक्वा फाइव आर जी

हो जाएगा सब चीज और ये टेक्स्ट बुक में भी कहीं ना कहीं ये दिया नहीं है आधा पार्ट तो नहीं दिया है चलिए सो ये समाप्त होने के बाद हम इसी तरीके से एक और सेम डेरिवेशन की तरफ तो बढ़ते हैं जिसमें हम करेंगे मास टाइट टू रॉड ओके यहाँ पर क्या फर्क है यहां पर हम लोग बेसिकली रॉड कंसीडर कर रहे हैं क्या कंसीडर कर रहे हैं रॉड कंसीडर कर रहे हैं अभी तक हमने रस्सी कंसीडर की थी ओके, okay. so, रॉड में यहाँ पर कई ज्यादा फर्क हो जाता है तो आइए इस डेरिवेशन को भी इसी प्रकार से देखते हैं सो so, इस बार हमको क्या करना है इस बार हमको रॉड को घुमाना है ओके okay. इस बार क्या करना है इस बार हमको रॉड को घुमाना है अब मुझे बताइए रॉड में टेंशन फोर्स होता है क्या टेंशन फोर्स तो रस्सी में होता है टेंशन फोर्स होता है टेंशन फोर्स रस्सी में होता है। रॉड पे कोई मास कैसे चिपकेगा तो वो तो गम से चिपकाना पड़ेगा फेविकॉल <laughs> लगा के चिपकाना पड़ेगा सो so यहाँ पर टेंशन का तो कोई हिसाब किताब आने वाला ही नहीं है ओके okay? बच गए टेंशन का यहाँ पर कोई तो हिसाब किताब आने वाला ही नहीं है बिकॉज रॉड के पास टेंशन होता ही नहीं है ओके okay? फर्दर मोर अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं गोल 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 घुमा रहा हूं ऐसा गोल गोल कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली घुमा रहा हूं इस केस में अगर मैं ऊपर वेलोसिटी जीरो भी कर कंसीडर करो मेरे पास इतना मेटल का रॉड है और मैं बहुत मेहनत करते 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 ऐसा गोल गोल घुमा रहा हूं ध्यान से देखो अगर ऊपर आके मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ भी दिया रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को इतना उसका वजन होगा वो खुद ही नीचे आ जाएगा एग्री करते हो क्या ये वाला मोशन देखो अभी मैं यहाँ से इसको घुमा रहा हूं

क्यों क्योंकि रस्सी वस्सी नहीं है रस्सी क्या स्लैक हो सकती है अगर टेंशन है रस्सी तो स्लैक हो सकता है कैसे हेडफोन गोल गोल घुमाते हैं ढीला पड़ सकता है बट यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है सो पे सीधा मैं यहाँ पर जीरो ले लू अब वापस से बी और सी पे कैलकुलेट करना है वापस से अब जल्दी जल्दी यहां पर क्या करते जाएंगे एनर्जीज को हम कंपेयर करते जाएंगे टोटल एनर्जी जितना ए पे होगा उतना सी पे होगा चलिए सो जितना यहां पर काइनेटिक एनर्जी ए पे होगा प्लस जितना पोटेंशियल जितना काइनेटिक एनर्जी सी पे होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी ध्यान से देख के बताओ ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना है जीरो है क्या है काइनेटिक एनर्जी जीरो है अभी अभी रीजन मैंने पूरा यहां पे आपको दे दिया सी पे मुझे बताइए जमीन है क्या सी पे कुछ हाइट है क्या हाइट सो so, सी पे तो कुछ भी हाइट यहाँ पर है ही नहीं बिकॉज यहाँ पे कुछ भी हाइट नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा ये भी यहाँ से हो जाएगा के बराबर। so, कितना होगा एम जी टाइम्स ऑफ टू आर बिकॉज ये रेडियस आर होगा ये रेडियस आर होगा टू आर इज इक्वल टू दी काटिक एनर्जी कितना होगा हाफ एम वी सी का यहां से स्क्वायर मास और मास कैंसिल स्क्वायर इज हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ आर जी के बराबर यानी वीसी इज इक्वासरी हो जाएगा यहां पे टू टाइम्स रूट ऑफ आरजी के यहां से बराबर सीधा सरल सिंपल आसान बातें करते करते हो गया वी इज इक्वासरी टू रूट के बाहर टाइम्स ऑफ यहां से आर जी के बराबर यहां पर वेलोसिटी है जीरो यहां पर वेलोसिटी है टू टाइम्स रूट ऑफ आरजी फाइन करते हैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी बोलो कहां से कंपेयर करूं On, so इस बार कंपेयर करना चाहूंगा मैं और इस बार कंपेयर कहां से करें कहीं से भी कर सकते हो बिकॉज एक टर्म ए का भी जीरो है एक टर्म सी का भी जीरो है तो ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर नहीं आएगा चलिए चाहो तो पॉज करके खुद से कर सकते हो बाय दैट टाइम चलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है सी पे पोटेंशियल एनर्जी सी पे जीरो है बिकॉज कोई भी हाइट यहां पर नहीं है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ एम वी का स्क्वायर इसका करना है स्क्वायर टू का स्क्वायर होगा फोर आर जी रूट का अंदर है तो उसका स्क्वायर होगा फोर आर जी यहाँ से काइनेटिक एनर्जी एड बी कितनी होगी वही हमको यहाँ से फाइन करनी है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये डिस्टेंस है यहाँ से हमारा आर के बराबर सो हो जाएगा यहाँ से एम जी टाइम्स ऑफ आर ध्यान so, से देखो मासस यहाँ पर सब काट डालो सर्कुलर मोशन में मैंने कहा था मासस का इस्तेमाल नहीं होगा टू से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो सो so से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी जिंदगी मेरी आसान हो जाएगी बिकॉज ये दोनों टू ये दोनों टू कैंसिल क्या बचेगा यहाँ पे मेरे पास बचेगा वीबी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ आर जी इज टू यहाँ पे बचेगा फोर टाइम्स ऑफ आर जी फोर माइनस टू कितना होगा फोर माइनस टू हो जाएगा यहाँ से टू के बराबर स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा इज वीबीजी रूट टू टाइम्स ऑफ आर और यही हो जाता है यहां से मेरा फाइनल आंसर चलिए यहाँ पे टू अंदर था यहाँ पे टू बाहर है यही फर्क है बाकी तो सब चीजें यहाँ पर सॉर्टेड हैं कितना जल्दी हो गया ये तो मैं समझा रहा था मुझे टाइम लगा मैं तो भगवान को बोलूंगा एग्जाम में यही डेरिवेशन दे दो कितना मजा आ जाएगा राइट है ना कितना बेसिक सा डेरिवेशन है ओके चलिए सो फाइनली बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के सर्कुलर मोशन चैप्टर के आखिरी पड़ाव की तरफ जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रोड ओके ये टॉपिक में नहीं दिया है अच्छे से तो यहाँ पर समझ लो तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा सो टाइप्स ऑफ रोड सो यहाँ पर बेसिकली तीन प्रकार की रोड होती हैं सबसे पहली पहली रोड हो जाती है हमारी सीधी रोड दूसरे प्रकार की रोड हो जाती है जिसको हम कहते हैं कॉनकेव एंड थर्ड टाइप हो जाता है हमारा कॉन्वेक्स ओके okay? सो so, अभी आप जब भी ये देख रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ समय बाद आप सीई दोगे सो so दो ही मिनट ज्यादा लगते हैं बोर्ड्स और सीई का ये टॉपिक ज्यादा कराने में सो so एक बार देख लेते हैं सो so, कॉनकेव और कॉन्वेक्स कहाँ से नाम आए सो कॉनकेव और कॉन्वेक्स नाम आ जाते हैं हमारे लेंसेज से राइट right? सो so, आपको पता होगा कॉनकेव लेंस कुछ इस प्रकार से दिखता है राइट right? सो so, इस प्रकार से अगर कॉनकेव लेंस दिखता है सो so ये रोड को भी हम कहते हैं कॉनकेव रोड बिकॉज इसका स्ट्रक्चर कुछ सिमिलर होता है उसी प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस अगर आपने देखा हो सो कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार से दिखता है तो ये जो उसके प्रकार का रोड हो जाता है इसको हम कहते कहते हैं हैं ब्रिज ब्रिज या या फिर या फिर यूजुअली रोड भी कह सकते हो सो दिस इज द कॉन्केव बॉन्केव लेंस के तरह है एंड दिस इज द कॉन्वेक्स टाइप ऑफ हमारी ब्रिज इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा सिंपल होता है वापस से वही लॉजिक है चाहे कॉन्केव लेंस हो कॉन्वेक्स लेंस हो ये लेंसेस कहां से बनते हैं सो so ये लेंसेज एक स्पेरिकल कांच में से बनते हैं स्फेरिकल ग्लास में से बनते हैं अगेन स्फीयर में क्या आता है स्फीयर इज नथिंग बट अ थ्री डायमेंशनल वर्ड फॉर अ सर्कल राइट तो इसी प्रकार से अगर मैं कह रहा हूं कि कोई चीज मेरी कॉन्वेक्स जा रही है तो कॉन्वेक्स पार्ट एक आर्क है आर्क अगेन पार्ट ऑफ सर्कल अगेन सेंट्रिपिटल फोर्स यहां पर आ जाएगा एंड उसी प्रकार से ये वाले लॉजिक में भी आप विजुअलाइज खुद ब खुद कर सकते हो कि कैसे यहां पर भी सर्कुलर मोशन का हमारा लॉजिक लग सकता है चलिए करते हैं यहां से फटाफट से डेरिवेशन डेरिवेशन में कुछ ज्यादा खास नहीं है सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल ही है अगर एक सीधा रोड होता और सीधे रोड पे मेरी कार होती तो मैं कहता नीचे के तरफ एम जी फोर्स है ऊपर के तरफ नॉर्मल फोर्स है it, मैं और कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि सीधा रोड है सीधे रोड पे सेंटरपिटल फोर्स का कुछ लेना देना ही नहीं है यहां पर भी मैं वही कहूंगा कि नीचे के तरफ मेरा एम जी फोर्स है और ऊपर के तरफ मेरा यहां से नॉर्मल फोर्स है ओके वही चीज कहूंगा यहां पर मैं पर यहां पर मुझे देखना है सर्कल का सेंटर कहां पे है तो मुझे तो इमेजिनेशन हो रहा है कि सर्कल का सेंटर कहाँ होगा सर्कल का सेंटर ऑब्वियसली बात है कहीं यहां पर होगा तो बोलो ऐसा कौन सा फोर्स है जो सेंटर के तरफ आ रहा है तो एम जी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है हमें सेंट्रिपिटल फोर्स तो मैं कहूंगा प्लस एम जी नॉर्मल फोर्स सेंटर से परे जा रहा है ये मेरा सेंटर है सो बिकॉज नॉर्मल फोर्स सेंटर से परे जा रहा होता है सो so मैं कहूंगा माइनस नॉर्मल ये दोनों मिला के दे रहे हैं सेंट्रिपिटल फोर्स तो मैं कहूंगा एम वी स्क्वायर बाई आर ये हो जाता है हमारे इस डेरिवेशन का एक्सप्रेशन ओके okay. फिर हम कहते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए कि नॉर्मल फोर्स मेरा जीरो हो मतलब गाड़ी मेरी जस्ट जमीन से ऊपर आने वाली है कैसे कभी कभी हम स्पीड ब्रेकर उड़ाना होता है तो मुझे उड़ाना नहीं है स्पीड ब्रेकर ना स्पीड ब्रेकर से स्लोली पास होना है मुझे जस्ट गाड़ी हल्की सी ऊपर चाहिए तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मल हो जाएगा जीरो के बराबर अगर नॉर्मल फोर्स जीरो के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा मास मास कैंसिल हो जाएगा बर आर, इस वजह से इतना डिटेल में करा रहा हूँ ये नहीं कराता है इतना डिटेल में कोई भी नहीं कराता है कॉन्वेक्स कॉन्केव कोई मुश्किल से ही लेके जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर हम कॉनकेव का भी देख लेते हैं कॉनकेव में नीचे की तरफ धरती बोलेगी एम जी रोड ऊपर की तरह नॉर्मल देगा बोलो सर्कल का सेंटर कहां है सर्कल का सेंटर इमेजिन करके ही नजर आ रहा है सर्कल का सेंटर ऊपर की तरफ है राइट यहां पर कहां पर सेंटर होगा सो so बिकॉज यहां के तरफ सेंटर होगा तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा कौन है सेंटर के तरफ नॉर्मल फोर्स सेंटर की तरफ है तो प्लस नॉर्मल माइनस एम जी इज इक्वल हो जाएगा नॉर्मल यहां पर जीरो करने को बोला जाए एग्जाम में कि मिनिमम चाहिए यहाँ वैसा तो आप कर सकते हो अदरवाइज दिस इज द एक्सप्रेशन ओके सो ये यूजुअली तो नहीं है वही है हमको बट ठीक है आप इसको भी नोट डाउन करके फॉर श्योर एम एच टी सी टी के लिए नोट डाउन करके रख सकते हो इसी प्रकार से जहां से हमने शुरू किया था सर्कुलर मोशन हमारा सर्कुलर मोशन का पार्ट होता है समाप्त उम्मीद करता हूं आपको पहला पार्ट अच्छे से समझा होगा कमेंट में लिख के बताइए समय आ गया है थोड़ा आपके तरफ से भी मुझे नजर आए कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं क्योंकि पहला लेक्चर है डिजिटल बोर्ड पे तो कुछ सजेशंस हैं तो वो भी आप फॉर श्योर छोड़ सकते हो अब ले लीजिए यहाँ पर दस मिनट का ब्रेक दस मिनट के ब्रेक के बाद यहां पर हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन का पार्ट इस चैप्टर का विश यू द बेस्ट देन दस मिनट का ब्रेक लो फिर जल्दी ही मिलते हैं दस मिनट के अंदर यहां पॉज करके आप भी स्टार्ट कर सकते हो आपकी पर्सनल चॉइस है चलिए सो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन का पार्ट स्टूडेंट्स को रोटेशनल मोशन ज़्यादा हार्ड लगता है एस कंपेयर टू सर्कुलर मोशन बट मैं आपको बता दूं जितनी देर में सर्कुलर मोशन हुआ उससे कम देर में रोटेशनल मोशन हो जाएगा जिसके दो रीजंस हैं पहला पहला रीजन है कि रोटेशनल मोशन एक्चुअली ईजी है सर्कुलर मोशन के डेरीवेशन से और दूसरा रीजन अब बजे हैं सुबह के साढ़े चार तो मेरा मेदुअड़े वाला आने वाला है सो छह बजे मुझे गर्मा गर्म मेदुअड़े खाने जाना है <laughs> सो इस वजह से रोटेशनल मोशन आपका जल्दी हो जाएगा लेट स्टार्ट <clears throat> रोटेशनल मोशन का अप्रोच में पहले ही बता दूं लोग नेगेटिव फीलिंग लेकर पढ़ते हैं इस वजह से हेटरेड आता है सम सॉल्व नहीं होते हैं फॉर्मूलास याद नहीं होती हैं बट मैं आपको बता दूं रोटेशनल मोशन डिजर्व करता है प्यार ओके okay. तो मैं उम्मीद करूंगा बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपका जो हेट है लव में यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा लेट स्टार्ट चलिए हाँ सो so, अभी तक हमने जो भी मोशंस पढ़े हैं चाहे वो लीनियर मोशन हो जो स्कूल में पढ़ा था चाहे वो सर्कुलर मोशन हो हमेशा हमने सब चीजों को कंसीडर किया था एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओके पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते आए हैं हम चाहे कार हो तो भी हम पॉइंट बनाते हैं चाहे एक इंसान हो तो भी हम पॉइंट बनाते हैं चाहे कोई हाथी हो तो भी हम पॉइंट बनाते हैं पूरी फिजिक्स में हम फ्री बॉडी डायग्राम्स के ऊपर ही काम करते आए हैं आज तक ओके बट आपको पता है कि दुनिया तो ऐसी नहीं है दुनिया में रियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि थ्री डायमेंशनल होते हैं एक कुर्सी थ्री डायमेंशनल है एक लैंप थ्री डायमेंशनल है वास थ्री डायमेंशनल है टेबल थ्री डायमेंशनल है सब चीज़ें थ्री डायमेंशनल होती हैं रियल वर्ल्ड में ओके okay. तो अब तक जो करते आए सो करते आए 11th तक करते आए तक पॉइंट ऑब्जेक्ट करते आए है इंसान भी एक है, भी एक चेंज की यहां पर जरूरत हो जाती है इस वजह से हम क्या करते हैं इस चैप्टर में अब से चीजों को कंसीडर करते हैं एज अ रिजिड बॉडी क्या कंसीडर करते हैं अब से इस चैप्टर में हम चीजों को कंसीडर करते हैं एज अ रिजिड बॉडी मतलब जो शेप जैसा है वैसा रियल में हम कंसीडर करते हैं क्या करते हैं हम लोग जो शेप जैसा है वैसा उसको हम लोग यहां पर रियल में कंसीडर करते हैं सो दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ओके ये क्या हो जाता है हमारा यहां पर बेसिक सा पार्ट ओके okay? सो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या होता है रिजिड बॉडी का डेफिनेशन होता है रिजिड ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो डिफॉर्म नहीं होगा बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस यानी आप एक्सटर्नली कितने भी फोर्सेस उस पर अप्लाई करो उसका शेप डिफॉर्म नहीं होता है दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी ओके इतना ज्यादा यूज में नहीं होगा बट येस yes, थोड़ा पता होना चाहिए ना कि हम क्या करना चाह रहे हैं क्या हम एक्चुअली में स्टार्ट कर रहे हैं सो दैट इज द बेसिक फंडा स्टार्ट में ही वन शॉट के मैंने कहा था सब चीजें एनालॉजी से हम पढ़ेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी बनी एंगुलर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन बन गया एंगुलर एक्सेलरेशन उसी प्रकार से मास भी यहां पर कुछ बनेगा सो so, मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं रखता हूं मैं सीधा बता देता हूं मास यहां पर बन जाता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहने का मतलब जो काम पहले मास करता था पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में में रिजिड बॉडीज वो काम हम देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखो मास की रिस्पेक्ट है ही नहीं इस चैप्टर में पहले भी हर जगह हम कट कर दे रहे थे डिवाइड डिवाइड करके यहां पर भी जो मास की पदवी थी वो हम दे देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो पहले समझना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर में होता क्या है सो so, उसको समझने के लिए उसमें फील लाने के लिए थोड़ी सी हम एग्जाम्पल कंसिडर करने पड़ेंगे सो so, एक बेसिक सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं रोटेशनल मोशन का जो हम रोज करते हैं मुझे बताइए दरवाजा खोलने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है या फिर दरवाजा होना जरूरी होता है या फनी आंसर तो वही आएगा बट मैं आपको बता दूं दरवाजा होने के लिए सबसे जरूरी होती है एक्सेसराइट कौन सी एक्सिस के अक्रॉस दरवाजा खुल रहा है क्वेश्चन में में इस डायग्राम दर, तो दरवाजा खुलने का डायरेक्शन ही बदल जाएगा रोटेशन का डायरेक्शन ही बदल जाएगा अगर मैं कहूं एक्सिस ये है तो पूरा का पूरा सिनेरियो ही बदल जाएगा राइट तो बेसिकली रोटेशनल मोशन के लिए हमारा पहला पहला जो सारांश निकलता है वो ये निकलता है कि एक्सेस होना बहुत जरूरी है बिना एक्सिस के रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता है सो एक्सिस का यहां पर बहुत ज्यादा महत्व होता है सेकेंड चीज अब दरवाजा खोलना है सो खोलना है अब मुझे बताइए तीनों डायग्राम्स में से कौन से डायग्राम में हम दरवाजा आसानी से खोल सकते हैं सो एग्जाम्पल तौर पर मैं दरवाजा एक ही उंगली का इस्तेमाल करना है देखो एक ही उंगली का इस्तेमाल करना है सो एक उंगली का इस्तेमाल करके दरवाजा ए पोजिशन से खोलना चाहता हूं दरवाजा मैं इस बी पोजीशन से खोलना चाहता हूं और दरवाजा इस सी पोजीशन से खोलना चाहता हूं आप सभी को पता है कमेंट्स में आंसर आना भी अब तक स्टार्ट हो गया होगा कि इस पोजीशन से दरवाजा आसानी से खुलेगा इस पोजीशन से उंगली का ही फ्रैक्चर होने के संभावनाएं हो जाएंगी राइट तो ऐसा क्या फर्क क्या है इसमें ध्यान so से देखो यहां पर फर्क हो जाता है distance from the axis. जो मेरी है 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 उसका distance कितना से से तीनों positions में वही ध्यान देखो मैंने पे पे एक ही जगह प्लॉट किया है तीनों को एग्जैक्ट सेम जगह पे प्लॉट किया है मैंने थोड़ा भी आगे पीछे नहीं किया है पर एक्सिस से उनका डिस्टेंस फर्क है ओके okay? एक्सिस से उनका डिस्टेंस में फर्क है तो यहां से हमको सेकंड चीज समझ में आती है सेकेंड चीज समझने का एक और तरीका होता है यही स्केल को अगर आप देखो अलग अलग जगह से घुमाओ ओके अगर ये स्केल को आप यहाँ से घुमाओगे कंसीडर करते हैं यहाँ से आप इस स्केल को घुमाना चाहते हो अगर ये स्केल को यहाँ से घुमाओगे सबसे मैक्सिमम घूमेगी ऐसा हम घुमाते थे स्कूल में ऐसा उंगली डाल के ऐसा ऐसा करते करते घुमाते थे और किसी भी होल से घुमाओ स्केल आपकी कम स्लो कम फास्ट घूमेगी सो so, इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन हमारा ये हो जाता है यहाँ पर कि जो डिस्टेंस है ओके okay, जो डिस्टेंस है वो भी क्या करता है यहां पर मैटर करता है क्या करता है डिस्टेंस भी मैटर करता है बिटवीन द पॉइंट एंड द एक्सिस तो एक्सिस तो मैटर करती है बरोबर बट बर बर उससे ज्यादा क्या मैटर करता है जो मेरी पॉइंट है उसका और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है ये रोटेशनल मोशन के लिए फॉर श्योर मैटर करता है इतना तो अब तक हमने देख लिया उसी प्रकार से तीसरा फनी एग्जाम्पल ले लेता हूं अब दोनों को गिरना है आपको पता है कि जो इनका मास ज्यादा होता है वो लोग नीचे जल्दी आते हैं <laughs> ओके अगर किसी को नीचे उतरना है ओके और दो ऐसे लोग नीचे उतर रहे हैं तो जिसका मास ज्यादा होता है वो जल्दी नीचे उतर जाता है बिकॉज उसको ब्रेक लगानी पड़ती है उसका मास इतना ज्यादा है एमजी के वजह से वो खुद ही नीचे आते जाता है उसको उल्टा कंट्रोल करना पड़ता है जबकि एक पतले आदमी को चढ़ने में भी मेहनत लगती है तो उतरने में भी उसको कॉन्शियस स्टेप्स लेने पड़ते हैं जबकि ऐसा इंसान तो खुद ब खुद रोल होते होते फ्लो ही हो जाता है ओके सो बेसिकली यहां पर अब मुझे समझ में आया अगर मैं सारांश लूँ तो मुझे समझ में आता है फाइनल कंक्लूजन मास तो मैटर करेगा बरोबर जो भी ऑब्जेक्ट है जितना उसका वजन है कार है तो अलग वे से डील करेगी इंसान है तो अलग वे से डील करेगा छोटा सा बॉल है तो अलग वे से डील करेगा साथ ही साथ जो डिस्टेंस है मेरी पर्टिकुलर पॉइंट का जो भी मैं कंसीडर करना चाहता हूँ वो भी मैटर करेगा फ्रॉम द एक्सिस और एक्सिस तो इसी के अंदर आ गई तभी तो डिस्टेंस उसमें से हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये सब सारांश जो मैंने आपको बताया अब इन सब को मिला के हम बनाते हैं एक न्यू क्वांटिटी जिसका नाम है मोमेंट ऑफ एनर्जिया ओके okay, क्या बनाते हैं एक न्यू क्वांटिटी बनाते हैं पैदा कर रहे हैं हम एक न्यू क्वांटिटी बनाते हैं जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ ऑफ जितने भी ऑब्जेक्ट में टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का यहां से स्क्वायर सो so ये आपको अभी नहीं समझेगा थोड़ी देर बाद समझेगा क्योंकि ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली फॉर्मुला आई थी बट हम लोगों को एक्सपेरिमेंट्स नहीं है महाराष्ट्र बोर्ड में बट ये तरीका है इस फॉर्मूला को समझने का अब ये मैं डायरेक्ट बताता ना आप लोग बोलते है क्या है आटा मारना पड़ता है मास से से आया कहां से आया डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस बट आई होप अब आपको पता है कहां से आया हमने फिजिक्स लगा के देखा कि मास मैटर करता है हमने फिजिक्स लगा के देखा कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस मैटर करता है रोटेशन में राइट दरवाजा पतला होगा इजीली खुल जाएगा वो लॉजिक भी लगा सकते हो दरवाजा ऐसे पक्की लकड़ी का होगा धीरे धीरे खुलेगा सो उसके बेसिस पे हमने ये फॉर्मूला बनाया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू दी सम्मेशन सम्मेशन का मतलब क्या होता है सम्मेशन का मतलब होता है जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं किसी ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट में हो सकता है दस पार्टिकल प्रेजेंट हो सो so, के दस पार्टिकल का जो मास है प्लस मतलब यहां पर तो प्रोडक्ट है बट सम्मिशन का मतलब होता है एडिशन और जो उनके डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर है

जगह जो लीनियर मोशन में थी अब वो जगह पदवी दी जा रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इन रोटेशनल मोशन ओके चलिए और फाइनली करते हैं यहां पर अब हम काइनेटिक एनर्जी का पहला पहला डेरिवेशन यहां पर स्टार्ट रोटेशनल मोशन की डेरिवेशन स्टूडेंट्स को हार्ड लगती है पर तीन डेरिवेशन या चार डेरिवेशन रोटेशनल मोशन की ऐसी है जो तीन स्टेप्स में आंसर आ जाता है कितने स्टेप्स में तीन स्टेप्स में आंसर आ जाता है मतलब एटलीस्ट तीन स्टेप वो लिख लिए तो आप भूलोगे तो नहीं डेरिवेशन कर ही पाओगे फोर्थ और बोर्ड एग्जाम में थोड़ा खींच के लिखना पड़ता है ताकि मार्क्स आपको मिले बट अगर आप एसेंशियली देखोगे तो तीन स्टेप्स में आंसर आ जाता है और यही काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेक्स्ट बुक के हिसाब से जन्म लेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं ताजी ताजी न्यू न्यू डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो बोलो कौन सा शेप कंसीडर करो आप लोगों लगे हुए सब सोने के सोने के डायग्राम से अरे मजा आएगा चलिए तो यहाँ पर एक मस्त आपका आधा सर्कुलर टाइप स्फेरिकल टाइप शेप है यहाँ पर क्यूब टाइप शेप है जो शेप आप बोलोगे मैं उसके ऊपर डेरिवेशन करके दिखाऊंगा आई होप आपने शेप सिलेक्ट कर लिया है समय दिया है कमेंट्स में बता सकते हो कि किस शेप पे आपको दिल है मैं टेलीग्राम पे आपको भेज दूंगा डेरिवेशन सॉल्व करके उस शेप के लिए ओके okay, तो यूजुअली क्या होता है हमारा डिजायर होता है कि हम अच्छी अच्छी चीजें करें अच्छी अच्छी चीजें देखें अच्छी अच्छी चीजों पर एक्ट करें बट यहां पर फिजिक्स क्या कहती है कि अगर तुमने एक वर्स्ट चीज के ऊपर फिजिक्स सीख ली ओके okay,

पूरे चैप्टर में यही शेप कंसीडर करेंगे और ये बेचारे क्यूट एंड हैंडसम शेप्स आपको वापस कभी देखने को नहीं मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये भी स्टूडेंट्स को नहीं समझता होगा कि ये शेप ऐसा वैसा क्यों ले रहे हैं कभी सोचा है इस बात के बारे में कि ये शेप क्यों लिया है हजारों और शेप्स यार ऐसा शेप लिया है कि तुम इस पे फिजिक्स सीख गए तो दुनिया में कहीं पर भी फिजिक्स सीख पाओगे चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम डेरिवेशन डेरिवेशन so, बहुत सिंपल है कंसीडर करते हैं एक शेप मैंने क्या बताया था मैंने आपको बताया था एक्सिस का होना जरूरी है मैं कहीं पर भी एक्सिस बना दूंगा चलो बना दी मैंने एक्सिस सीधी बनानी है ऑब्वियसली तो आप छोटा लाइन बनाओगे सीधा बनेगा अब इस शेप में क्या होगा इनफाइनाइट पॉइंट होंगे इनफाइनाइट बहुत सारे यहां पर पॉइंट्स होंगे पर अभी मैं एक 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 करके ऐसा इनफाइनाइट पॉइंट्स बनाने बैठूंगा तो बोर्ड एग्जाम्स तो आराम से पास हो जाएंगे आके चले भी जाएंगे तो हम ऐसा नहीं करते हैं हम क्या करते हैं तीन पॉइंट्स कंसीडर करते हैं क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर तीन पॉइंट्स कंसीडर करते हैं सो मैं भी यहां पर वही कोई तीन पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर करूंगा चलिए सो ये है एक पॉइंट नंबर वन ये है यहां से पॉइंट नंबर टू यहां पर है समझो मेरी पॉइंट नंबर थ्री ठीक है चलिए सो इनको मैं नाम भी दे दूंगा ऑब्वियसली तो इसका नाम हो जाएगा एम वन इसका नाम हो जाएगा यहाँ से एम टू इसका नाम हो जाएगा यहाँ से एम थ्री अब क्या पता है आपको पता है कि एक्सिस कंसीडर किया अब उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस भी मैटर करता है सो जो एक्चुअल फिजिक्स का तरीका होता है वो ये होता है हम लोगों को बेसिकली एक्सिस बनानी है राइट हमको क्या करनी है हमको एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करना है बरबर सीधी लाइन बनाता हूँ नहीं तो कमेंट आ जाएगी ऐसा कैसा टेढ़ा लाइन है सो आइडियली स्पीकिंग एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं कुछ ऐसी लाइन यहाँ से, से बना सकता हूँ कि ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस यहाँ से R1 अरे फिर अटक गया मेरा कुछ ना कुछ सिस्टम चलिए सो ये हो जाएगा डिस्टेंस यहाँ से आर वन ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस यहाँ से आर टू ये हो जाएगा डिस्टेंस मेरा यहाँ से आर थ्री फिजिक्स तो यही कहती है क्योंकि हम लोगों को एक्सिस से डिस्टेंस कैलकुलेट करने और एक्सिस मेरी बहुत ज्यादा सीधी है राइट एक्सिस मेरी स्ट्रेट एक्सिस है सो ये डिस्टेंस आर वन हो जाएगा ये आर टू ये आर थ्री बट हमारे टेक्स्ट बुक में पता नहीं क्यों उसका रीजन मुझे नहीं पता है एक ऐसा सेंटर पॉइंट लिया है और उसी के साथ आर वन आर टू आर थ्री जोड़ा है जबकि एक्सिस का कोई सेंटर पॉइंट ऐसा फिजिक्स में कहीं पर भी रूल नहीं होता है सो बिकॉज आप लोग टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करोगे बोर्ड एग्जाम्स में आपको कॉन्फिडेंस वही से आएगा और इसमें कुछ ऐसा बड़ा ब्लेंडर है वैसे तो ब्लैंडर है इसमें बट ठीक है अभी हम लोग भी टेक्स्ट बुक वाला ही रेफरेंस फॉलो करते हैं बट मैंने आपको रियल फिजिक्स बता दी कि फर्क एक्चुअल में क्या होता है सो टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे यहाँ पर आर वन आर टू आर थ्री तीन डायग्राम्स से यहाँ पर ऐसे मतलब ऐसे ड्रॉ किया गया है एक्सेस में एक पॉइंट करके डिस्टेंस शो किया गया है बट रियल फिजिक्स में ऐसा कुछ होता ही नहीं है रियल फिजिक्स में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो कैलकुलेट करते हैं सो जो टेक्निकली हमने यहां पर किया है वो गलत है पर अभी ठीक है बोर्ड एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो <laughs> अभी वो ये चीज के ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं उठाता है मुझे नहीं लगता है आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि हमको डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस चाहिए तो वो सीधा होगा ना ऐसा हम कोई कॉमन पॉइंट क्यों ले रहे हैं अगर कॉमन पॉइंट लेना है तो क्या हम सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं एक्सिस का तो ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं है बट ठीक है चीजों को सिंपल रखते हैं ज्यादा इश्यू क्रिएट नहीं करते हैं चलिए सो so, यहाँ पर मैंने कंसिडर किए हैं तीन मास कंसिडर किए हैं यहाँ पर तीन डिस्टेंसेस चलिए अब हमेशा हम क्या करेंगे पहले फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर स्टडी करेंगे क्या करेंगे पहले हम स्टडी करेंगे फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर चलिए डेरिवेशन है किसकी सो so, डेरिवेशन है हमारे यहां पर काइनेटिक एनर्जी की सो बिकॉज काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन है सो so यहां पर मैं क्या करूंगा फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूंगा बोलो मुझे क्या पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर सो हाफ नंबर वही रहेगा मास यहां पर क्या हो जाएगा मास यहां पर हो जाएगा एम टाइम्स ऑफ वन के बराबर सो so यहां से हो जाएगा हाफ एम वन और वेलोसिटी यहां पर हो जाएगी वी वन स्क्वायर के यहां से बराबर हाफ so, को कुछ नहीं कर सकता हूं मास तो मास है उसको कुछ कर नहीं सकता हूं बोलो वी वन स्क्वायर इस चैप्टर में हमने कुछ सीखा है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं लिख सकता हूं मुझे पता है कि मुझे क्या पता है कि वी वन किसके बराबर है सो वी वन यहाँ से बराबर है आर वन ओमेगा के बराबर राइट वी वन किसके बराबर है क्योंकि डिस्टेंसेस सबके अलग है बट ओमेगा सेम ही है एग्री करते हो क्या कमा अगर दरवाजा खुल रहा है तो दरवाजा साथ में ही खुलेगा ऐसा होगा क्या ऊपर वाला दरवाजा पहले खोला नीचे वाला दरवाजा बाद में खुलेगा ऐसा नहीं होता है सो ओमेगा सब पार्टिकल्स का सेम ही रहेगा सो वी वन इज इक्वरी हो जाएगा आर वन इंटू ओमेगा यही वैल्यूज क्या कर दूंगा यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ एम वन वी वन के जगह यहाँ पर हो जाएगा आर वन का स्क्वायर हो जाएगा टाइम्स ऑफ यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा का मेरे स्क्वायर चलिए सो so, ये काइनेटिक एनर्जी होगी मेरे फर्स्ट पार्टिकल की किसकी होगी ये काइनेटिक एनर्जी होगी मेरे फर्स्ट पार्टिकल की इसी एक्सप्रेशन को देख के सेकेंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो क्या कमाओ सो सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सो so, नंबर कभी नहीं बदलता है हाफ वैसे ही रहेगा मास हो जाएगा मेरे सेकंड पार्टिकल का डिस्टेंस हो जाएगा मेरे सेकंड पार्टिकल का ओमेगा तो किसी के लिए भी नहीं बदलेगा तो ओमेगा तो वैसे ही रहेगा उसी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी थर्ड पार्टिकल की लिख सकते हो क्या हाँ सर लिख सकते हैं फोर्थ पार्टिकल की लिख सकते हो क्या हाँ सर लिख सकते हैं तो मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी एंथ पार्टिकल की लिख सकते हो क्या सो लिख सकते हैं सेम ही रहेगा सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा जहां जहां नंबर आ रहा था वहां एन लगाना पड़ेगा सो so देट पर हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ हो जाएगा एम एन टाइम्स ऑफ हो जाएगा आर एन का स्क्वायर टाइम्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से ओमेगा का स्क्वायर राइट right? क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा मेरे ओमेगा का स्क्वायर बहुत बार डिस्कनेक्ट हुआ है मेरा मार्कर मुझे बाद में देखना पड़ेगा चलिए सो दैट्स इट मैंने n पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लिख दी अब मुझे बताइए पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी करने के लिए मुझे सारे काइनेटिक एनर्जीज को यहां पर एड करना पड़ेगा राइट सो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा के ई वन प्लस मुझे लिखना पड़ेगा के ई टू ऐसा करते करते क्या करना पड़ेगा डॉट 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 जितने भी काइनेटिक एनर्जीज हैं सो यहाँ पर एन पार्टिकल्स हैं तो एन काइनेटिक एनर्जीज होंगी चलो सारे एक्सप्रेशंस को यहाँ पर लिखते हैं सो हो जाएगा हाफ हाफ एम टू आर टू स्क्वाइम्स ऑफ ओमेगा डॉट 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 करते करते क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा हाफ एम एन आर एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर भी है हर जगह चलिए सो हाफ हर जगह है हाफ को कॉमन निकाल दो ओमेगा स्क्वायर हर जगह है वहां से कॉमन निकाल दो ब्रैकेट में क्या बचेगा ब्रैकेट में बचेगा एम वन आर टू का आपको बता चुका हूं पहले ही कहा था इस क्वांटिटी का क्या नाम है इस क्वांटिटी का हमने नाम रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या नाम रखा है इस क्वांटिटी का हमने नाम रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर मैंने एम लिख दिया है एक्चुअली बेसिकली आय आता है यहां पर अभी मुझे क्लिक हुआ so basically, इस quantity का नाम है हमारे moment of inertia, right? I, moment of inertia, is हो जाता है summation of यहां से square के बराबर सो so, मैं यही बॉक्स को नाम दे दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहां पर एक डेफिनेशन लिख दूंगा प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन समझो मोमेंट ऑफ ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज समेशन समेशन क्या था summation मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका यहाँ पर एडिशन किसका प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड द एक्सिस उसका स्क्वायर सो बेसिकली मैथमेटिकल डेफिनेशन है अपने वर्ड्स में आप जैसे भी चाहो यहां पर लिख सकते हो किसी का ध्यान गया क्या पहला डेरिवेशन यहां पर समाप्त हो गया राइट right. पहला डेरिवेशन यहां पर समाप्त हो गया देखो ध्यान से देखो तीन स्टेप ही हैं काइनेटिक एनर्जी लिखा वेलोसिटी डाला डालाइनेटिक एनर्जी समाप्त तो मतलब अभी काइनेटिक एनर्जी हमको यहां पर निकालनी थी न्यू काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी तो हमने क्या किया पुरानी काइनेटिक एनर्जी को यहां पर कंपेयर किया और ध्यान से देखो कंपैरिजन का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है बिकॉज हम लोगों को क्या पता था काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में क्या होती है लीनियर मोशन में होती है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या मिली यहां पर काइनेटिक एनर्जी मिली है मुझे हाफ आए ओमेगा स्क्वायर के बराबर ध्यान से देखो ये खुद में एक एनोलॉजी तो नहीं नंबर नंबर तो नम्बर रहेगा चाहे लीनियर मोशन हो या एंगुलर मोशन हो मास की जगह कौन लेके गया मास की जगह लेके गया मोमेंट ऑफ एनर्जिया आय लीनियर वेलोसिटी की जगह लेके गया एंगुलर वेलोसिटी बिकॉज रोटेशनल मोशन में चीजें पूरा का पूरा रोटेट होती हैं अक्रॉस एन एंगल ओके okay, सो so बढ़िया सी डेरिवेशन है छोटी सी डेरिवेशन है आई होप सबको समझ में आई चलिए डिस्कस करते हैं पर अभी हम नेक्स्ट डेरिवेशन बट उससे पहले थोड़ा सम्मिशन और इंटीग्रेशन के बीच के फर्क को हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं सो नो डाउट आप सब लोगों को मैथ्स आता है अच्छे से आता है बट स्टिल फिजिक्स में कंफ्यूजन होता है कि सम्मिशन वर्सेस इंटीग्रेशन में यहाँ पर फर्क क्या है So कर दे यहाँ पर मेरे पास मिठाई है काफी सारी जिसको देख के आपको भूख लगी होगी बट ये वीडियो खत्म होने के बाद जाके खाना खुशी में खाना गया हमने चैप्टर पूरा किया है तो समेशन और इंटीग्रेशन का लॉजिक कैसा होता है अब समझो ये मेरे पास यहाँ पर मिठाई है पूरी की पूरी अगर आप ध्यान से देखो इस मिठाई में ना कटिंग की हुई है So, अगर आप नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा सकता हूं यहाँ पर कटिंग की हुई है यहाँ पर ऐसा लाइंस पहनी हुई है राइट right? है ना अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रॉपर कटिंग की हुई है और अगर आप पीछे का देखोगे तो वहां पर तो ऐसे में भी पूरी कटिंग प्रॉपर हर सेक्शन वाइज कटिंग यहाँ पर की हुई है तो एग्जाम्पल तौर पर अगर मुझे जानना है वॉट इज द टोटल मास राइट यहाँ पर टोटल मास क्या है मुझे क्या जानना है मुझे मुझे जानना है वॉट इज द टोटल मास तो मैं क्या कर सकता हूँ मुझे इस सेक्शन का मास जानना है तो मैं क्या कर सकता हूँ पहले तो काउंट कर सकता हूं कितने सेक्शन है एक दो तीन चार पांच ऐसे कितने हैं हैं तो करते है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस पचास यहाँ पर मिठाई के पीसेस हैं ओके सो पचास मिठाई के पीसेस हैं अगर मुझे हर पीस का मास यहाँ पर पता है हर पीस का मास मुझे यहाँ पर पता है सो मैं टोटल मास निकाल सकता हूं मैं क्या लिखूंगा कैपिटल एम इजी हो जाएगा समेशन ऑफ स्मॉल एम ई की वैल्यू यहां से है वन से लेके पचास तक तो इसका टेक्निकली मतलब क्या होता है मैं एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री ऐसा करते करते फिफ्टी तक यहां पर कैलकुलेट करते जाऊंगा सो ये होता है हमारा सम्मेशन का तरीका यहां पर उप सब टाइटल चालू हो गए ये क्या है भाई ये कौन सी टेक्नोलॉजी है सो बेसिकली यहाँ पर M50 तक यहाँ पर मैं मासस को कैलकुलेट कर पाऊंगा क्या कर पाऊंगा मैं M50 तक यहाँ पर मासिस को कैलकुलेट कर पाऊंगा तो ये होता है समेशन का मतलब सेपरेट मेरे पास हैं सेपरेट सेपरेट ऐसा सेपरेट करके मास दिया है इंटीग्रेशन कब लगता है जब मेरे पास कंटिन्यूस में हो कोई चीज ओके okay. समझ रहे हो क्या सम्मेसन कब लगता है सम्मेषन लगता है जब मेरे पास कोई चीज डिस्क्रीट नेचर की है कौन से नेचर की है कोई भी चीज मेरे पास डिस्क्रीट नेचर की है डिस्क्रीट ओके okay. सो so, जब कोई चीज डिस्क्रीट नेचर की होती है तब समेशन लगता है और जब मेरे पास कोई चीज कंटिन्यूस तो मैं समेशन नहीं लगा सकता हूँ किधर से लगाऊ क्या करूं आए क्या वन टू थ्री किधर कुछ लू तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम इंटीग्रेट करते हैं हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं हम इंटीग्रेट कर लेते हैं समझो ऐसा कुछ पॉइंट बनाते हैं बरोबर और समझो ऐसा हम कंसीडर करते हैं ये मास है यहाँ पर डीएम मास ओके क्या कंसीडर करते हैं कंसीडर करते हैं ये मास है यहाँ पर मेरा डीएम मास है ना और इस डीएम को इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर कंप्लीट काउट सरफेस एरिया क्या कर देते हैं इस डीएम को यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर कंप्लीट काउट सरफेस एरिया तो हम लिमिट उस हिसाब से डालते हैं जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती है उसको कुछ उस हिसाब से डालते हैं तो हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन से टोटल मास निकल आता है लिमिट्स उस हिसाब से डालते हैं तो डिस्क्रीट चीजें हैं तो सम्मेशन कंटिन्यूस चीजें हैं तो इंटीग्रेशन ये चीजें मैथ्स में भी काम आएंगी और फिजिक्स में भी काम आएंगी सम्मेशन मतलब पेड़े ऐसे सेपरेट सेपरेट पेड़े पड़े हैं और इंटीग्रेशन मतलब पिज्जा ओके एग्जांपल तौर पे ये पिज्जा है अगेन बाद में जोमेटो पे ऑर्डर करना जब लेक्चर हो जाए अभी डिजायर्स को थोड़ा सा दबा के रखो सो तो कंसिडर करते हैं ये एक पिज्जा एक पिज्जा टेक्निकली ये अगले डेरिवेशन में यूज है अगर कोई सोच रहा है कि ये क्या हो गया आरजी सर को सब ठीक है ना ऐसा कमेंट आए उससे पहले बता दो अगले डेरिवेशन में ये सब यूज है एक पिज्जा किससे बना होता है सो एक पिज्जा बना होता है हजारों पिज्जा से जिनका रेडियस कम है अगर ध्यान से देखो ये पिज्जा है अगर इसमें मैं एक सर्कल काटता हूं तो ये भी एक पिज्जा है इसका सिर्फ रेडियस छोटा है अगर इससे मैं बड़ा सर्कल बनाता हूँ तो ये भी एक पिज्जा है इसका रेडियस उससे बड़ा है अगर यहां पर सर्कल काटता हूं तो ये भी एक पिज्जा है इसका रेडियस थोड़ा और बड़ा है एनिवेंचोली हमको मिल जाता है फाइनल पिज्जा जिसका रेडियस सबसे बड़ा होता है यानी जिसका रेडियस कैपिटल आर के बराबर होता है सो so, ऐसे सिचुएशन में इंटीग्रेशन लगेगा ओके okay, अभी पिज्जा के ऐसा बोला पिज्जा के पीसेस पिज्जा के पीसेस कंसीडर कर रहे हो तो समेशन लगाना पड़ेगा बट अगर आप पिज्जा को ऐसे कंसीडर करो कि हजारों पिज्जा से बना हुआ है तो इंटीग्रेट करते जाना पड़ेगा सबसे छोटे रेडियस से लेके सबसे बड़े रेडियस तक ओके सो दैट इज हाउ द मैथमेटिक्स वर्क एंड अगले डेरिवेशन में हम उसी का इस्तेमाल यहां पर करने वाले हैं जहां पर हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ये डेरिवेशन क्यों दी गई है पहली पहली बात तो ये समझते हैं इन्होंने सिर्फ सबूत दिया है कि हम पे विश्वास करो क्योंकि शेप्स की बहुत सारी फॉर्मूलाज हैं राइट बहुत सारी शेप्स की फॉर्मूलाज हैं तो इन्होंने बस सबूत दिया है ओके okay, ये फॉर्मुला सच में डिराइव की जा सकती है तो उन्होंने एक हमको डेरिवेशन दे दी है डिस्क की सो दैट्स इट तो मैंने ये डेरीवेशन लिख के रखी है बिकॉज इसमें इतना कुछ खास नहीं है मुझे पसंद ही नहीं है बट ठीक है नहीं कराऊंगा तो फिर पाप चढ़ जाएगा चलिए सो so, डिस्क क्या होती है सो so, डिस्क आपने देखा है सी होती है ये डिस्क है ये डिस्क है ये भी डिस्क है बेसिकली जिसमें एक बाहर का पूरा लेयर और बीच में छोटी सी ओपनिंग भी हो रिंग क्या होती है रिंग तो एक सरफेस होता है बस ओके okay? रिंग में बस एक पतला सा लेयर होता है बीच में पूरा खाली होता है डिस्क में कभी भी दो रेडियस होते हैं एक होता है इनर रेडियस एक होता है आउटर रेडियस ठीक है सो डिस्क का डेफिनेशन ये होता है कि उसमें दो प्रकार के रेडियस हमको देखने को मिलते हैं एक होता है इनर होलो रेडियस एक होता है यहां से एक्सटर्नल आउटर रेडियस ओके चलिए सो डेरिवेशन है डेरिवेशन में करना क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क की जो फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है हमको उसको प्रूफ करना है चलिए शुरू करते हैं दो चार मिनट ही लगेगा सो so, कंसीडर किया है मैंने डिस्क जिसका अंदर का रेडियस यहाँ पर मिस्टेक uh, किया है डायग्राम में मैंने अंदर का रेडियस यहाँ पे आर है और बाहर का रेडियस यहाँ पर कैपिटल आर है ये रब नहीं होगा ओके okay? सो so, अंदर का रेडियस यहाँ पे आर है कैपिटल रेडियस यहाँ पर बाहर का बड़ा रेडियस यहाँ पर कैपिटल आर सरफेस डेंसिटी कितनी है इसकी सो so, मुझे क्या निकालनी है मुझे इसकी डेंसिटी निकालनी है क्या निकालनी है डेंसिटी निकालनी है डेंसिटी कब निकाली जाती है जब चीजें यूनिफॉर्म हो सो so, मेरे डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं कितने ज्यादा यूनिफॉर्म मटेरियल के हैं सब डायग्राम्स तो इस वजह से यहाँ पर हम निकाल रहे हैं इसकी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में इसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं यहाँ पर आप मास डेंसिटी भी कह सकते हो नहीं तो सिंपली डेंसिटी भी कह सकते हो अब डेंसिटी भी तीन प्रकार की होती है अगर वन डायमेंशनल सरफेस है तो मास पर यूनिट लेंथ टू डायमेंशनल है तो मास पर यूनिट एरिया थ्री डायमेंशनल है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो आप टेन्थ स्टैंडर्ड से करते आए हो सो so, यहाँ पर मास पर यूनिट एरिया लिखेंगे सो so, डिस्क का एरिया क्या होता है होता है हमारे पाय आर स्क्वायर के यहाँ से बराबर जो कि देख के हमको समझ में भी यहाँ से आ रहा है चलिए सो so, ये सेक्शन हमारा हो गया पूरे डिस्क का मैंने लिख दिया बात खत्म अब क्या करना है यहां पर हमको लेना पड़ेगा सम्मेसन तो किसी एंगल से नहीं ले सकता हूं बरबर बर डिस्क में सम्मेसन कैसे लू मैं क्या इधर किधर और पॉइंट्स किधर है समेसन लेने के लिए तो यहां पर हम पिज्जा के तरह यहां पर लेंगे हम इंटीग्रेशन क्या लेते हैं यहां पर इंटीग्रेशन लेते हैं मैं क्या कंसीडर करूंगा एक छोटा सा इनफाइनाइट एसिमल इनफाइनाइट एसिमल थिकनेस का एक छोटा डिस्क कंसीडर करूंगा जिसका रेडियस यहां पे होगा डी आर डी वर्ड का मतलब होता है फिजिक्स में बहुत छोटा आर मतलब हो जाएगा रेडियस ओके? Okay? क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए मुझे कुछ छोटी चीज करनी कंसिडर करनी पड़ती है देखो इंटीग्रेशन में डीएक्स रहता है तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो इंटीग्रेशन डीएस रहता है तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो मुझे कुछ छोटा इनफाइनाइट ऐसी स्मॉल एलिमेंट चाहिए तो यहां पर मैं क्या करता हूं एक पतला सा सेगमेंट कंसीडर कर लेता हूं ठीक है जिसका रेडियस यहां पर है ओके uh, okay? जिसकी थिकनेस बोलो थिकनेस यहां पर बोलो इसकी है यहां पर डी आर थिकनेस तो ऐसा क्या करता हूं मैं एक छोटा सा सेगमेंट यहां पर कंसिडर करता हूं थिकनेस ऑफ ऑफ टाइम्स हूँ अब इसकी एरिया कैसे निकाले है? सो ऐसी चीजों की छोटी चीजों की एरिया लेंथ ब्रेथ करके आप निकाल सकते हो सो लेंथ कितनी है बिकॉज सर्कुलर लेंथ में जा रहा है सो इसका लेंथ होगा सरकम बरोबर और ब्रेथ कितना है ब्रेथ है इसका स्मॉल टाइम्स ऑफ डी के बराबर सो ये हो जाएगी इसकी एरिया वापस से निकालूंगा सरफेस डेंसिटी सो हो जाएगा मास, मास तो इसका बहुत छोटा होगा बिकॉज इसका थिकनेस ही छोटा है अपॉन में यहाँ पर लिख दूंगा एरिया यहाँ से क्या हो जाएगा मुझे डीएम का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा ट अभी अभी इतना मैंने ज्ञान दिया कहा इंटीग्रेशन सो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला को मैं इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करके यहां पर लेकर आया हूं सो ये है हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रेट करेंगे कहां से पिज्जा कहां से बन सकता है सो पिज्जा बन सकता है एकदम बेस से ये छोटा वाला भी पिज्जा हो सकता है यहां से लेके सबसे बड़ा वाला भी पिज्जा हो सकता है तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहा होंगी रेडियस जीरो से लेके आर तक डीएम की वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ पर बनाई है यही DM की मैं थोड़ी देर पहले सो उस वजह से वो निकल रहा है बट डेंसिटी यहाँ पर हमें दिया है सिग्मा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं सो वही वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे आधी चीजें हो जाएंगी मेरे हिसाब से यहाँ से कैंसिल सो क्या हो जाएगा यहाँ से पाए पाए कैंसिल इंटीग्रल हो गया डी आर में कन्वर्ट सो मास का कुछ लेना देना नहीं इंटीग्रेशन के बाहर टू इंटीग्रेशन के बाहर आर स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा सो आर क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से आर रेस टू फोर डिवाइडेड बाय फोर के बराबर लिमिट्स डालूंगा यहाँ से जीरो से लेके आर तक क्या मिलेगा आप सभी को आंसर पता है आर रेस टू फोर डिवाइडेड बाय फोर यहाँ से आंसर मिलेगा सॉल्व करूंगा मेरा आंसर यहाँ पर आ गया एम आर स्क्वायर बाय टू हो जाता है मेरा यहाँ से फाइनल आंसर

ओके चलिए सो बढ़ते हैं आगे की तरफ डिस्कस करते हैं फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम सबसे ज्यादा सम्स इंडिया में इसी टॉपिक से आते हैं चाहे जे डबल हो नीट हो या एम एच टी सी टी हो लेट स्टार्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम सो बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत क्या है सो so अभी तक अगर हम देखें सो so अब तक हमने एक डिस्क करके शेप पढ़ा है और हमने एक्सिस के बारे में थोड़ा पढ़ा है सो so बेसिकली हमने एक डिस्क शेप के बारे में पढ़ा हमने क्या देखा अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया डिस्क का फॉर्मूला बट मैं साथ में लास्ट में सब फॉर्मूला साथ में एक्सप्लेन करने का सोचा है सो so, हमने देखा कि अगर हमारे पास एक डिस्क है और उसके सेंटर से मैं यहां पर एक्सेस पास करूं ओके डिस्क के सेंटर से क्या करूं डिस्क के सेंटर से अगर मैं एक्सेस पास कर रहा हूं सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर यहां से आता है हाफ एम आर स्क्वायर के बराबर ठीक है सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये मेरे वैल्यू आती है जो हमको सब शेप्स का फाइन करना है ऐसे कुछ 15 16 शेप्स हैं जो याद करने में भी बहुत आसान है अभी करेंगे हम याद तो हमने ये चीज तो देखी ओके तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत क्या है लाइक क्या हुआ अचानक से जो हमको थ्योरम वयरम लगने लगे हैं सो आइए समझने का प्रयास करते हैं कंसीडर करते हैं मेरे पास कोई रॉड है ओके तो रॉड से अगर मैं सेंटर से एक्सेस पास कर रहा हूं तो मुझे मुझे आंसर पता है आपको याद है या नहीं आंसर आता है एम एल मेरा मन होता है कि मैं एक्सेस वहां नहीं बनाऊ एक्सेस यहां बनाऊ तो अभी मैं क्या करूं अभी मैं वापस से ऐसा कोई बड़ा डेरिवेशन लेकर आऊ क्या पूरा का पूरा ऐसा कुछ बड़ा डेरिवेशन हर छोटी चीज के लिए कमाऊ सो so ऐसा तो पॉसिबल नहीं है राइट

बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी पैरल एक्सिस के बेसिस पे ही सॉल्व हो जाती है तो इस वजह से पैरल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर जरूरी होता है और जिन लोगों को भी ये हार्ड लगता है तो मैं आपको बता दू कुछ नहीं करना है दो बार थ्योरम लगाएंगे आंसर आ जाता है चलिए तो कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट बोलिए ऑब्जेक्ट कैसा कंसीडर करना है मस्त एकदम चकाचक के रास्ते से उठाया हुआ तो हमने अभी अभी डिस्कस किया हम शेपलेस ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे मैंने कंसीडर किया है एक ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं साइंटिस्ट लोग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके देके गए हैं है ना देके गए हैं वो लोग पूर्वज हमारे मेहनत करके देके गए हैं कंसीडर करता हूँ सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस ये है सेंटर ऑफ मास कंसीडर करते हैं ये सेंटर ऑफ मास है और यहाँ पर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पूर्वज साइंटिस्ट लोग फाइंड करके देके गए हैं अब हम ठहरे इंसान इंसान के मन में आती है इच्छा जागृत होती है इच्छाएं तो इच्छाओं के अनुसार मेरा मन हो रहा है कि मैं इस एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने की कोशिश करूं और बिकॉज पैरल एक्सिस थेरम है सो दोनों एक्सिस आपस में पैरल भी हैं चलिए सो क्या करते हैं कंसिडर करना पड़ेगा मुझे कोई ना कोई पॉइंट बिकॉज कुछ रेफरेंस होना चाहिए बरबर बर हमने देखा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होती है जिसमें से हमने तीन पॉइंट करके कंसिडर करके डेरिवेशन लिया था तो यहाँ पर भी मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा सो so, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर मेरा आधार मानता हूं कि इसके रिस्पेक्ट में मैं सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कैलकुलेट करूंगा डायग्राम अधूरा अधूरा सा लग रहा है ऐसा खालीपन सा फील आ रहा है डायग्राम में तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं क्या करता हूं यहां से पहले तो इसको ज्वाइन कर देते हैं फिर इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं फिर भी डायग्राम अधूरा अधूरा लग रहा है तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इनको भी आपस में यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ तो पर कंप्लीट सा डायग्राम तो मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दर्शाया कि डायग्राम कैसे बना कहाँ से आया और नाम मैंने टेक्स्ट बुक वाले ही दिए हैं बिकॉज लोग वही वही प्रैक्टिस करते हैं तो वो दिमाग में बैठ जाता है तो मैंने इस वजह से नाम चेंज नहीं किए हैं ओके चलिए ये है C सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा बेसिकली यहाँ से IC ये पॉइंट का नाम है यहाँ से O सो तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा यहाँ से आई ओ चलिए रेफरेंस पॉइंट ये है मेरी ये कंटिन्यूस मास है यहाँ पर बरोबर ये वाला हमने कंटिन्यूस अज्यूम किया है जिसमें एक रेफरेंस पॉइंट हमने कंसिडर किया हमारे डेरिवेशन के लिए चलिए तो so, का का क्या होगा? So, integration वाली formula करेंगे distance कितना है? Distance है यहां से 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 हो हो जाएगा जाएगा के बराबर। जो मेरी मन मर्जी की पॉइंट है जहां पर मुझे फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सो so, डिस्टेंस कितना है फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आई सी को इंटीग्रेशन ऑफ आर dm

हमारे यहाँ तो बड़े लोगों की ही सुनी जाती है सो बड़ा कौन है क्या डीसी बड़ा है नहीं सो बड़ा तो यहाँ पर हमारा ओडी है कौन है बड़ा ओडी है और ओडी बड़ा है सो ट्रेंगल भी बड़ा वाला कंसिडर करेंगे सो बड़े ट्रेंगल में ओडी का स्क्वायर क्या देगा सो ओडी का स्क्वायर मुझे देगा ओ का स्क्वायर प्लस यहाँ से डी का स्क्वायर सो यहाँ पर मैं वो सब चीजें लिख लूंगा ओके चलिए सो कहाँ गया मेरा स्लाइड अच्छा मैंने बहुत ज्यादा आगे चलेगा क्या चलिए सो बेसिकली ओडी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा पैथागोरस थ्योरम से ओ एन का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा ओ एन का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा मेरा डीएन का स्क्वायर सो हो जाएगा यहाँ से डी एन स्क्वायर के बराबर सबके बाहर आ जाएगा यहाँ पे कॉमन में डीएम ध्यान से देखो इनमें से भी कुछ स्प्लिट हो सकता है क्या सो so, ध्यान से देखो ओ एन यहाँ पे खुद दो पार्ट में स्प्लिट हो सकता है बरोबर सो so, ओ एन खुद किसके अंदर बना हुआ है सो ओ एन खुद बना हुआ है यहाँ से ओसी प्लस सी एन के बराबर सो so, यहाँ से ओवन क्या बना हुआ है बना हुआ है ओसी प्लस सी एन के बराबर और इनका बाहर से है द होल स्क्वायर बरोबर है ना ओ एन इन दोनों से बना हुआ है बाहर से है द होल स्क्वायर शायद बैक बटन दब गया सो बेसिकली मुझे एक बात बताना है यहां पर यहां पर ऐसा नहीं लग रहा है ए प्लस बी द होल स्क्वायर के बराबर है ये देखो कम ऑन ए प्लस बी द होल स्क्वायर के बराबर लग रहा है सो येस इसको हम क्या कर देंगे यहां पर एक्सपांड कर देंगे हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहां से बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ ए इनटू में हो जाएगा यहाँ पे बी और यहाँ पर डी एन स्क्वायर मेरा यहाँ पर वैसे ही बैठा है बड़े ट्रेंगल पे पैथागोरस को शर्म आ जाएगी कि मेरी यहां पर इज्जत ही नहीं है मैं यहां पर क्यों बैठा हूं तो so बेसिकली क्या करेंगे अभी छोटे ट्रेंगल का पैथागोरस लगाएंगे छोटे ट्रेंगल का पैथागोरस क्या होगा कम ऑन सो ध्यान से देखो यहां से मैं कुछ ना कुछ तो गायब कर सकता हूं सी uh, एन का स्क्वायर बराबर सी एन का स्क्वायर और यहां से जो सी एन का स्क्वायर और Dn का स्क्वायर यहां से मैं गायब कर सकता हूं और इन दोनों टर्म्स को रिप्लेस कर सकता हूं DC के स्क्वायर से तो चलिए कर देते हैं सो so, इसको और इसको क्या करना है यहां से गायब करना है सो so, बेसिकली यहां पर मेरे पास क्या बचेगा मेरे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ओ सी का स्क्वायर बराबर प्लस यहां से इन दोनों को गायब करके मेरे पास बच रहा है डीसी का स्क्वायर ओके प्लस यहां से मेरे पास बच रहा है टू टाइम्स ऑफ ओ टाइम्स ऑफ सी और यहां पर सबका कॉमन ब्रैकेट में बच रहा है यहां से डीएम ध्यान से देखो मेरा आंसर आ चुका है मेरा आंसर यहां पर आ चुका है सो आइए समझने का यहां पर प्रयास करते हैं चलिए अब क्या करता हूं सेपरेट सेपरेट लिखता हूं सेपरेट ना मैं अलग स्लाइड पे लिखता हूं तो थोड़ा सा इजी रहेगा सो यहां पर एक है इंटीग्रेशन ऑफ ओसी स्क्वायर डीएम बरोबर दूसरा क्या है दूसरा है यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डीसी स्क्वायर डीएम यहाँ पर दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ डीसी स्क्वायर डीएम प्लस क्या है प्लस है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ टू टाइम्स ऑफ ओसी टाइम्स ऑफ सी एन टाइम्स ऑफ यहाँ पे डीएम के बराबर चलिए सेपरेट सेपरेट सबको यहाँ पर हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ओ सी स्क्वायर डी सो ओ सी स्क्वायर डीएम यानी ओ सी स्क्वायर डीएम मतलब क्या हो जाएगा ओ का वैल्यू कितना है ओ का वैल्यू है एच के बराबर सो so, बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डीएम चलिए ध्यान से देखो एच क्या है सो so, एच मेरा डिस्टेंस है एच क्या है एच मेरा डिस्टेंस है इंटीग्रल लेना किसके लिए इंटीग्रल लेना मास के लिए सो so, अगर ऐसा होता है इंटीग्रेशन में तो ऐसे अभी इंटीग्रेशन ऑफ डी इंटीग्रेशन ऑफ टू टाइम्स ऑफ डी कितना होगा टू नंबर है कांस्टेंट बन के बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन आपको एक्स मिलेगा एच स्क्वायर यहाँ से बाहर निकल जाएगा डीएम का इंटीग्रेशन हो जाएगा एम के बराबर सो so, बेसिकली यहां पर आंसर आ जाएगा मेरा एम एच स्क्वायर के बराबर आई होप आपको समझा है 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 ना एक लेंथ है, लेंथ है, लेंथ कांस्टेंट कांस्टेंट होता का का स्क्वायर भी होगा बिकॉज़ इंटीग्रल के टर्म्स में लेना है, सो वो बाहर निकल जाएगा हो जाएगा हो से MH का DC का सुना हुआ लग रहा है क्या देखो डीसी का स्क्वायर सुना हुआ लग रहा है उसका तो हो जाएगा मेरा आईसी के बराबर और यहां से ये वाला आंसर मेरा सीधा हो जाएगा जीरो के बराबर because यहां पर हमें क्या लेना है टू टाइम्स ऑफ ओ सी ओ सी कितना है ओ सी है एच के बराबर सी एन कितना है सी एन है यहाँ पर मेरा सी एन डिस्टेंस कितना है सी एन डिस्टेंस कुछ भी होगा बट इन सबका इंटीग्रल किसके अक्रॉस लेना है इन सबका इंटीग्रल लेना है डीएम के अक्रॉस ध्यान से देखो सी टर्म वहां भी है सी टर्म यहां भी है अब ये समझना थोड़ा सा बियॉन्ड द स्कोप हो जाता है सच्ची में इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर कहीं पर भी नहीं मिलता है बिकॉज बियॉन्ड द स्कोप हो जाता है इसमें और भी रीजन लगते हैं जो कि हम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते ही नहीं है इस वजह से ये समझना थोड़ा बियॉन्ड द स्कोप हो जाता है यहाँ पर लॉजिक कैसा है यहाँ पर हम लोग मास ढूंढ रहे हैं बरोबर मास ढूंढ रहे हैं और मास कहाँ ढूंढ रहे हैं हम मास ढूंढ रहे हैं कुछ यहाँ पर सी एन पॉइंट के अक्रॉस बरोबर बट सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या कहता है सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन कहता है सारा का सारा मास यहां पर होगा

दूसरा डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस एंड द पॉइंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए बट यहां पर मास एक जगह है और पॉइंट हमारी दूसरी जगह जा रही है तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन यहां पर हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है सो so, इस वजह से यहाँ पर हमारे सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं और फाइनली हमारे पास इंटीग्रेशन बचता है यहाँ से दिस थिंग और यही हो जाता है एक्सिस एक्सिस का का हमारे आंसर सो फाइनली आंसर क्या होता है आई जीरो आईसी प्लस एम एच स्क्वायर के यहाँ पे बराबर अब किसी को भी मन है कि इस फॉर्मुला का डर निकालना है तो YouTube पे सर्च करो आर जी लेक्चर्स एम एच टी सी टी मैराथन लेक्चर नंबर वन सो हमेशा एमएच टी सी टी की शुरुआत में इसी फॉर्मूला से करता हूं बट इस फॉर्मूला को मैं समझाता अलग तरीके से हूं इस फॉर्मूला को मैं क्या समझाता हूं इसको इंग्लिश में नहीं समझाया जा सकता है इंग्लिश में ये फॉर्मूला बहुत बोरिंग और बिना काम की लगती है हिंदी में इसको आप समझ सकते हो आई जीरो का मतलब क्या होता है जहां फाइंड करना है ओके जहां क्या करना है जहां आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहां फाइंड करना है आईसी का मतलब क्या होता है आईसी का मतलब होता है जहां पता है ओके? Okay? क्या जहां पर मोमेंट ऑफ हमको पता है? एच का मतलब क्या होता है एच का मतलब होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस एच का मतलब क्या होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हिंदी वाले मीनिंग नोट डाउन करके रखो जिंदगी में बहुत काम आएंगे जब तक एग्जाम नहीं देते हो ओके सो इसको इस ये समझ गया ना हिंदी वाला मीनिंग फिर सम्स फटाफट हो जाते हैं अभी मैं सम्स स्टार्ट नहीं कर रहा करूँ बिकॉज वन शॉट है इसमें सम्स भी डाल दिए तो फिर मतलब बहुत कुछ हो जाएगा बट एक एग्जांपल ले सकते हो एग्जांपल तौर पे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से होता है हाफ एम आर स्क्वायर के बराबर ठीक है मेरा मन हुआ है मेरा क्या मन हो रहा है मेरा मन हो रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फाइंड करूं सो जहां फाइंड करना है उसको नाम देना है मुझे आई जीरो जहां पता है सेंटर के अक्रॉस मुझे पता है सो वहाँ पर नाम देना है मुझे आईसी एच है दोनों के बीच का थेरम। सो थेरम मुझे क्या मिलेगा आई जीरो जहां फाइन करना है एम आर स्क्वायर बाय टू के बराबर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से एम मास को कुछ नहीं कर सकते हैं हम एच कितना है यहाँ से आर स्क्वायर के बराबर

तो उस ऑब्जेक्ट के एक्स एक्सेक्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे ऑटोमेटिकली किसी थ्योरम से पता लग जाए मुझे पूरा पूरा डेरिवेशन वापस नहीं करना पड़े पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारे इंडिया में हमेशा से इग्नोर किया गया है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के ऊपर जेडबल भी समझ नहीं आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के ऊपर नीट में भी समझ नहीं आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे एमएची में भी मैंने एक सम आज तक भी नहीं देखा है कभी सम्स नहीं आते हैं बुक्स में भी सम्स नहीं होते हैं, अरिहंत में एक ही सम है मार्वल में दो सम्स हैं टारगेट uh, में दो या तीन सम दो ही सम है तीस तरह पी वाई क्यू है सो so, इस पे बुक्स में भी सम्स नहीं मिलते हैं बट इसका थ्योरम फिर उतना ही आसान हो जाता है चलिए कंसीडर करते हैं एक एक्सिस को यहाँ से एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं दूसरी एक्सिस को यहाँ पर वाई एक्सिस और कंसीडर करते हैं तीसरी एक्सिस को यहाँ पर जेड एक्सिस अगेन एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करनी पड़ेगी कंसिडर करता हूँ यहाँ पर एक मैं रेफरेंस पॉइंट ठीक है सो रेफरेंस पॉइंट का जो यहां से डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली डिस्टेंस एक्स एक्सिस के पैरल है

तो एक्सिस का डिस्टेंस कुछ वाई एक्सिस में पैरल है बरबर ये बाहर आ रही है अभी किसी के मन में डाउट आएगा कि ये टेढ़ा क्यों बनाए टेढ़ा नहीं है वाई एक्सिस बाहर आता है सो बाहर आ रहा है तो थोड़ा सा टिल्ट करके बनाना पड़ता है ऐसा मत समझना ये टेढ़ा बना है समझ रहे थ्री डी इफेक्ट देने का कोशिश है और कुछ नहीं सो बेसिकली एक्सिस का डिस्टेंस कितना है पॉइंट से सो ये वाला डिस्टेंस है जिसका नाम है वाई सो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी एम के बराबर y एक्सिस का डिस्टेंस कितना है पॉइंट से सो y एक्सिस का यहां पर डिस्टेंस है y एक्सिस का डिस्टेंस कितना है सो so y एक्सिस का डिस्टेंस है यहां से x डिस्टेंस क्योंकि y एक्सिस से ये इतना दूर है सो so i y कितना हो जाएगा i y यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टाइम्स ऑफ dm के बराबर z एक्सिस का कितना डिस्टेंस है तो z एक्सिस का यहां से डिस्टेंस है r डिस्टेंस जो मैंने अपने मन से नाम दिया है क्योंकि आधा चैप्टर तो मेरे नाम पे ही है आर जी आर जी हर जगह पे वैसे भी है सो so क्यों ना अपना नाम ही दे दें चलिए सो so बेसिकली एक बात तो बताना एक्सिस और एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है सो so एक्सिस और एक्सिस के बीच में एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री के बराबर ध्यान से देखो इस ट्रेंगल पे पैथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या सो so, क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा यहाँ से एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ से वाई का स्क्वायर बिकॉज ये वाई है तो ये भी वाई हो सकता है बिकॉज दोनों पैरेलल हैं वेक्टर्स कभी भी पैरेलल में आप ड्रैग कर सकते हो तो आर स्क्वायर को यहाँ पर क्या लिखेंगे आर स्क्वायर को हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ यहाँ पे डीएम के बराबर क्या कर दूंगा डीएम डीएम यहाँ पे सेपरेट करो तो यहां से मिलेगा डीएम यहां से मिलेगा परपेंडिकुलर एक्सिस so, so, यह का यहाँ पर थोड़ा सा रफली लिखा है मैंने क्योंकि बहुत बेसिक सा है ये हो जाता है हमारा यहाँ पर फाइनल सा स्टेटमेंट इसका इतना यूज नहीं है कहीं पर भी इसको भाव कहीं पर भी सम्स कुछ भी नहीं आता है इससे पर एग्जाम में आ जाए तो अच्छा मैं भगवान को बोलूंगा एग्जाम में यही डाल दें तो बहुत ज्यादा यहां पर बेहतर होगा चलिए फाइनली डिस्कस करते हैं द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम समझते हैं बहुत ही ज्यादा गहराई से है रोलिंग मोशन भी है सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम बेसिकली so क्या है मोमेंटम वॉट इज मोमेंटम क्यों एग्जिस्ट करता है कैसा फील होता है सो so, मोमेंटम समझने के लिए ये एक ही इमेज बहुत ज्यादा काफी होता है मुझे बताइए दुख किसमें ज्यादा पहुंचेगा विच विल हर्ट मोहर किसमें दुख ज्यादा पहुंचेगा पहले सिचुएशन में गाड़ी खड़ी है कैसे कभी कभी मेन स्टैंड पे गाड़ी खड़ी होती है और गिर जाती है सो खड़ी हुई गाड़ी इसके ऊपर गिर गई है आदमी के ऊपर दूसरे सिचुएशन में गाड़ी चल रही है कुछ वेलोसिटी और सर सीधा इसको जाके सेलमोन बॉय के तरह <laughs> सॉरी <laughs> स्पॉन्टेनियस निकल जाता है क्या करूं सो so बेसिकली वैसे जाके सीधा इसको हिट मारी है सो ऑब्वियस सी बात है किसमें ज्यादा दुख होगा तो आप अगर गैस कर रहे हो बी सो आंसर काफी ज्यादा करेक्ट है यस जब घूमते हैं उनका इफेक्ट अलग फील होने लगता है वो फील होते हैं एज कंपेयर टू देर मास मतलब अगर वो गाड़ी इधर भी सौ किलो की है बट यहाँ पर सौ किलो गिरा तो मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा हुआ होगा यहाँ पर वेलोसिटी के साथ सौ किलो गिरा तो फिर कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली सो इस वजह से कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम जरूरी होता है जब हम मोशन में रहते हैं तो ओके okay. और लिनियर मोमेंटम हमारे पास एक पहले से ही क्वांटिटी थी क्लास इलेवेंथ में लीनियर मोमेंटम P के बराबर होता है जो कि होता है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर ओके बट यहां पर P बन जाता है हमारा यहां से L के बराबर यहाँ पर हमारा मास बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी हमारी बन जाती है एंगुलर वेलोसिटी के बराबर सो मैं आपको पहले ही फॉर्मूला बता दू एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाता है सो एल इज इक्वल्स टू दी आई टाइम्स ऑफ ओमेगा हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है पर ये हमें डिराइव करना है ये तो मैंने एनोलॉजी बताने के लिए आपको बताया फॉर्मूला वही जैसे काइनेटिक एनर्जी का डिराइव किया था तीन स्टेप्स में करेंगे ज्यादा समय नहीं लेंगे मैंने आपको बताया मेरा मेदुड़े वाला आने वाला है ठंडा मेदुअ मैं खाता नहीं उसी प्रकार से अगला डेरिवेशन टॉर्क का है वो भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा सो करते हैं स्टार्ट क्या करूं सोने की दुकान से ऑब्जेक्ट लेके आऊंगे शेपलेस ऑब्जेक्ट बात है शेपलेस ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे यहां पर उसको तीन पॉइंट्स बना देंगे ये हो जाएगी पॉइंट हमारी एम वन सेम जो अभी अभी किया था ये हो जाएगा एम वन ये हो जाएगा एम टू ये हो जाएगा एम थ्री ये हो जाएगा आर वन ये हो जाएगा आर टू ये हो जाएगा यहाँ से आर थ्री चलिए एंगुलर मोमेंटम डिराइव करना है सो तो शुरू कहाँ से करेंगे लीनियर मोमेंटम से कंसीडर करेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए मेरा लीनियर मोमेंटम होगा पी वन इज इक्वल्स टू दी हो जाएगा एम वन वी वन के बराबर पर मुझे पता है वी वन किसके बराबर होता है वी वन बराबर होता है आर वन ओमेगा के मुझे बताइए रोटेशन में ओमेगा हमेशा क्या होता है दरवाजा पूरा साथ में खुलता है कि ऊपर का हिस्सा पहले नीचे का हिस्सा बाद में दरवाजा पूरा साथ में खुलता है सो यहाँ पर हो जाएगा v1 कितना हो जाएगा v1 वन यहाँ से सिंपली हो जाएगा मेरा r1 वन ओमेगा के बराबर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए अगर मोमेंटम मेरा ऐसा है तो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए मास बदलेगा डिस्टेंस बदलेगा ओमेगा वैसा ही रहेगा ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसे यहां पर एन ऑब्जेक्ट्स हैं कितने ऑब्जेक्ट्स हैं ऐसे यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट्स है? हैं है? तो यहां पर पी एन किसके बराबर हो जाएगा बराबर हो जाएगा एम एन आर एन और ओमेगा वही रहेगा बोलो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा टोटल मोमेंटम हो जाएगा सबका एडिशन है ना सॉरी यहां पर मैंने पी से संबोधित किया है हाँ सो यहाँ पर हल्का सा फर्क होगा एक सेकंड रुक जाइए ठीक है सो यहाँ पर पी तो हम ठीक है पी कैलकुलेट नहीं करना है हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है सो एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है माई बैड एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है जो होता है एल वन इज इक्वल सुधी पी वन इंटू आर के बराबर या एल इज इक्वल सुधी होता है पी इंटू आर के बराबर अब कोई बोलेगा ये फॉर्मूला कहां से आया? याद करो सर्कुलर मोशन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था एस इज इक्वल्स टू दर टीटा वी इज इक्वल्स टू दी आर ओमेगा a इक्वल्स टू दी आर अल्फा रिलेशन जब जब चाहिए रेडियस डाल दो सो ये भी तो वही है है ना ये क्या है ये है एंगुलर का टर्म ये है लीनियर का टर्म साथ में क्या कर दिया यहाँ पर रेडियस का टर्म डाल दिया सो so बेसिकली क्या हो जाएगा एल वन इज इक्वी हो जाएगा पी वन इन हो जाएगा आर वन के बराबर पी वन में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं ये तो यहाँ पर रेडियस का क्या हो जाएगा रेडियस का हो जाएगा स्क्वायर यानी हो जाएगा एम वन आर वन स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओमेगा उसी प्रकार से L2 क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा यहाँ से P2 इन टू के बराबर P2 कितना है ये है सो या इसमें मैं आर टू से मल्टीप्लाई करूं क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा एम टू आर टू का यहां से बार बार आगे पीछे क्यों हो रहा है खुद से सो यहां पर हो जाएगा एम टू आर टू स्क्वायर यहां से ओमेगा के बराबर चलिए इसी प्रकार से यहां पर जितने मुझे लेने हैं सो एल एन कितना मिलेगा यहां से मुझे मिलेगा एम एन आर एन का स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओमेगा बोलो सारे के सारे एल को यहाँ पर एड करूंगा क्या हो जाएगा यहाँ से ओमेगा बाहर कॉमन हो जाएगा और अंदर में क्या आएगा अंदर में आएगा एम वन आर वन का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ से एम टू आर टू का स्क्वायर ऐसा करते करते यही सिलसिला चलता रहेगा इसी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एल इज इक्व स्थिति आई इन टू ओमेगा देखो डेरिवेशन काफी ज्यादा आसान है राइट बेसिक्स वही तीन स्टेप ही है ये फर्स्ट स्टेप ये सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप ये सेकंड स्टेप ये थर्ड स्टेप ओके समझ रहे हो इसको अभी ऐसा मत बोलना आपने तो छह लाइन में लिखा लाइन की बात नहीं हो रही है स्टेप्स की बात हो रही है कितना ज्यादा छोटा छोटा स्टेप है चलिए उसी प्रकार से बात करते हैं टॉर्क के बारे में टॉर्क क्या होता है सो so बेसिकली हमें पता है फोर्स क्या होता है सो so फोर्स होता है हमारा एफ इंटू ए के बराबर फोर्स क्या हो जाता है हमारा एफ इंटू एम ए के बराबर ये तो सबको पता है उसी प्रकार से एंगुलर फोर्स क्या होता है सो एंगुलर फोर्स का ही दूसरा नाम होता है टॉक के बराबर सो so, टॉ हमारा हो जाता है यहां से एफ इन टू आर के बराबर ओके तो यहां पर हमें क्या करना है वापस से देखो रेडियस को मल्टीप्लाई किया है एंगुलर फोर्स इज इक्वल्स टू लीनियर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ओके okay. सो so, ये रिलेशन है एंगुलर फोर्स और लीनियर फोर्स के बीच का यहां पर हमको क्या करना है यहां पर हमको टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करना है जिसका आंसर मैं आपको पहले से ही बता सकता हूं यहां से कंपेयर करके आंसर आ जाएगा बोलो मास की वैल्यू जो लीनियर में थी यहां पर क्या होती है यहां पर होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर एक्सेलरेशन लीनियर में ए है तो यहां पर हो जाएगा अल्फा के बराबर तो हमारा एम क्या है डिराइव डिराइव करना करना टॉ इज टू दी आई अल्फा के यहां पर बराबर मुझे करना है मेरे हिसाब से तीन स्टेप्स में ये भी आ जाएगा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है आई होप आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूं कुछ नहीं है तीन तीन स्टेप वाली फॉर्मुलाज है सब चलिए ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है सेकंड ऑब्जेक्ट ये है थर्ड ऑब्जेक्ट इसको बोलूंगा एम वन इसको बोलूंगा एम टू इसको बोलूंगा एम थ्री नाम दे दूंगा आर वन नाम दे दूंगा आर टू नाम दे दूंगा आर थ्री बोलो किसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी है मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए मेरा फोर्स कितना है सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए मेरा फोर्स है यहाँ पर एफ वन एफ वन कितना हो जाएगा, वो जाएगा, वो जाएगा. N1, हो जाएगा एम वन टाइम्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से एक्सलरेशन ए के बराबर है ना क्या हो जाएगा यहां से एक्सेलरेशन ए वन के बराबर जो लीनियर एक्सलरेशन बदलती है ए अभी टॉक कितना होता है सो टॉक होता है यहां पर हमारा एफ इन आर के बराबर सो टॉ वन इज इकोसरी क्या हो जाएगा हो जाएगा एफ वन इन यहाँ से आर वन के बराबर खुद कितना है F1 वन खुद है यहां से M1 वन टाइम्स ऑफ ए वन टाइम्स ऑफ आर वन के यहाँ से बराबर बोलो लीनियर एक्सेरेशन क्या होता है एज इकोसुदी होता है अल्फा अल्फा के बराबर सो आर अल्फा का यहां पर जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है उनको समझेगा जिन्होंने नहीं देखा है सोच में पड़ गए होंगे कि बंदा क्या कर रहा है सो यहाँ पर आर वन स्क्वायर टाइम्स ऑफ अल्फा यहाँ पर मुझे मिलेगा टॉ वन का वैल्यू ये सब हो चुका है आज के लेक्चर में ही ये एज इकोसुदी आर अल्फा शुरुआत में देखो मैंने रिलेशन करके यहाँ पर पढ़ाया था आर से मल्टीप्लाई करते जाओ रिलेशन आते जाता है अगर टॉ वन ऐसा हो सकता है तो टॉ टू यहां पर क्या होगा सो टॉ यहां हो जाएगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ अल्फा ऐसे करते करते हजारों होंगे सो टॉ एन क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा एम एन आर एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ यहाँ पे अल्फा के बराबर टोटल टॉर्क कितना मिलेगा मुझे यहाँ से तो टोटल टॉर्क में क्या हो जाएगा टोटल टॉर्क में यहाँ पर मुझे सबका एडिशन लेना पड़ेगा है ना जितना भी फर्स्ट टॉर्क है जितना भी यहाँ से सेकंड टॉर्क है ऐसे करते करते जितने एन पार्टिकल्स हैं मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ जिन्होंने पूरा देखा है समझेगा नहीं देखा है ऐसे लगेगा मैं भगा रहा हूँ या ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ है ना तो कभी भी कोई भी YouTube पे ज्वाइन होता है फिर तो उसको क्या लगता है अरे ये क्या है ऐसे कैसे करा रहे हो ओके सो बहुत कुछ हो चुका है ओके बहुत कुछ जिंदगी में देखना बाकी है आपका अगर आप अभी आए हो सो आई अल्फा हो जाती है हमारी यहाँ पर फॉर्मेट सो so, ये थी हमारी लीनियर की फॉर्मूला एफिकोसुडी एम ए फोर्स यहां पर बन जाता है टॉर्क बिकॉज एंगुलर फोर्स है मास यहां पर बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज शुरू से देखा है ए बन जाता है अल्फा बिकॉज लीनियर एक्सेलरेशन के जगह यहां पर आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन हाँ सो थोड़ा सा बात करते हैं यहां पर अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जो कि थोड़ा सा जरूरी टॉपिक हो जाता है बिकॉज एम एच टी सी टी में डेरिवेशन नहीं आती है बरोबर और कुछ समय में आपको एम एच टी सी एग्जाम देना है तो थोड़ा सा बात करते हैं मोमेंटम के बारे में सो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है चाहे वो लीनियर मोमेंटम हो यहां पर मैंने लीनियर मोमेंटम दिखाया है चाहे वो एंगुलर मोमेंटम हो बट मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्वड ओके और इसके ऊपर बहुत सम्स हैं अगेन MHT CET RG lectures marathon lecture number one देखो मैंने मस्त मस्त सम्स कराए हैं डांसिंग वाले सम्स कराए हैं रॉकेट वाले सम्स कराए हैं क्रिकेट वाला सम कराया है बुलेट वाले सम्स कराए हैं दो साल के मेरे मैराथन आप देख सकते हो मैंने कराए हैं दोनों साल में मिला के conservation of momentum बोलता क्या है कंजर्व of momentum यही बोलता है कि जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम हमारा बाद में रहेगा यानी जितना मोमेंटम पहले था उतना मोमेंटम हमारा बाद में रहेगा ओके okay. सो so, कुछ ना कुछ अभी एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन अभी लीनियर मोमेंटम तो एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन होता है तो वो नहीं है सिलेबस में तो उस पर ज्यादा भाव नहीं देंगे जैसे अगर बुलेट आगे गई तो गन पीछे जाती है सो so, एक्शन हुआ आगे रिएक्शन आया पीछे रॉकेट ऊपर गया एक्शन गैसेस नीचे आई रिएक्शन ओके कैच पकड़ी कैच ऐसे नहीं पकड़ते हैं कैच ऐसे पीछे बॉल को लेके आते हैं सो so बेसिकली उसमें भी एक्शन रिएक्शन होता है इंपल्स होता है सो so ये लीनियर मोमेंटम के एग्जाम्पल्स से बट हमें फोकस करना है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम पे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आया है सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आया है एल इज इक्वल्स टू दी आई टाइम्स ऑफ यहाँ पर हमारा ओमेगा के बराबर आइए ये फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा सा हम गौर फरमाने का कोशिश करते हैं टम पहले होता है उतना मोमेंटम बाद में भी होता है सम्स में आपका ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट काम आएगा और समझने के लिए आपका यहाँ पर पहला स्टेटमेंट काम आएगा सो so सम्स का स्टेटमेंट आप चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो तो यहाँ पर हो जाएगा आई वन ओमेगा वन इक्वल हो जाएगा यहाँ पर I2, Omega में ये यूज होगा कभी भी याद रखना ओके सम्स इसके बेसिस पे सो so ये क्या हो रहा है मैं क्या अचानक से आप सोच रहे हो कि आरजी सर कौन से मूड में है क्या डांस दिखा रहा है हमको कभी पहले बुलेट दिखा रहा है कभी डांस दिखा रहा है क्या चल रहा है और डांस भी ये क्यों बरोबर डांस के कितने सारे फॉर्म है इंडिया में ही हमारे इतने बेस्ट, बेस्ट फॉर्म है तो मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कहीं ना कहीं ये क्या करती हैं गर्ल्स तो यहाँ पर आपको पता होगा गर्ल्स बहुत ज्यादा फास्ट ऐसा रोटेट होती है राइट <laughs> मैंने शायद जितना टाइम लिया रोटेशन में इनके तीन चार चक्कर हो जाते हैं सो कैसे कैसे हमारा सवाल है यहाँ पर कैसे रोटेट हो कुछ पैटर्न नजर आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर सो ध्यान से देखो अगर मैं इंसानी शरीर के बीच में एक एक्सिस बना दूक इंसानी शरीर के बीच में क्या कर दू इंसानी पेंटिंग मुझे खराब करनी पड़ रही है वो क्या स्ट्रेट लाइन बनी है इंसानी शरीर के बीच में अगर मैं बना ध्यान से देखो इन्होंने पूरी बॉडी एक्सिस के नजदीक रखी है कम ऑन इन्होंने पूरी बॉडी क्या रखी है पूरी बॉडी इन्होंने एक्सेस के नजदीक रखी है अगर पूरी बॉडी एक्सिस के नजदीक रखी है I का फॉर्मूला क्या होता है आय का फॉर्मूला होता है so, नजदीक रखी देख रहे सिर्फ सो यहाँ पर आर की वैल्यू पहले ही पतली है लड़कियां मेरे जितना मास तो नहीं है इतना तो कंफर्म है बराबर है तो बेसिकली मास तो है कम ही है पहले से ही कम है ये तो पहले से ही कम है ओके चलिए

50 into 2 भी होता है 100 के बराबर, तो so भी होता है 100 right? okay? so है, 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 के बराबर, ध्यान से करो, आपका तो एक वैल्यू अगर घट रही है so ध्यान से नोटिस करो दूसरी वैल्यू बढ़ती जाएगी एग्री करते हो क्या है ना तो इस वजह से इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है पूरी बॉडी के आसपास इन्होंने खुद को रखा है तो इस वजह से इनका ओमेगा बढ़ जाता है इस वजह से फास्ट फास्ट यहाँ पर डांस कर सकती उसी प्रकार से स्विमिंग में हम क्या देखते हैं स्विमिंग में अगर मैं यहाँ से कहीं से भी एक्सेस बनाना चाहूं ध्यान से नोटिस करो इन लोगों की बॉडी पूरी एक ही जगह से पास हो रही है ओके okay? स्विमिंग में भी देखो गुलाठी खा खा के ऐसा करते हैं रोल अगर स्विमिंग में ऊपर से जंप दे रहा है कोई ऐसे रोल 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 करते 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 देता है सो रोल करते, करते क्या होता है पूरी बॉडी एक्सेस के पास हो जाती है ओके सो डिस्टेंस क्या मेजर करोगे डिस्टेंस तो कुछ मेजर होगा ही नहीं प्रैक्टिकली बहुत मिनिमल आपका मोमेंट ऑफ एनर्जिया मिनिमम आपका डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस मिनिमम हो गया सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद ब खुद क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर खुद ब खुद आपका मिनिमम सा हो जाएगा सो so, आप कोई भी डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ एक्सिस मतलब समझेगा ही नहीं कि मैं एक्सिस एक्सिस किधर से ओके okay, बॉडी इतना के ही नजदीक लगा पड़ा है पूरा। so, नहीं दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड वाई एंगुलर मोमेंटम नीड्स टू बी कंजर्व और वाई मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व और उसके एप्लीकेशन को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं उसी प्रकार से बॉडी फैला दूंगा मैं तो मेरा डिस्टेंस एक्सेस से बढ़ जाएगा तो फिर मैं ज्यादा ऐसे फास्ट घोल घूम नहीं सकता हूँ सो फाइनली बढ़ते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो के तरफ रोलिंग मोशन और रेडियस ऑफ गायरेशन मुझे याद है बट इनकी मैं सेपरेट वीडियोस बना के डालूंगा बिकॉज वन शॉट काफी ज्यादा और लंबा हो जाएगा और ये दोनों टॉपिक्स को ना थोड़ा अटेंशन लगता भी है ओके okay, so इनका सेपरेट वीडियो डालूंगा रेडियस ऑफ गायरेशन का तो एकदम अलग ही वीडियो है कभी आपने देखा भी नहीं होगा अब हम बढ़ते हैं द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस लेक्चर फॉर्मुलास का पार्ट रोटेशनल डायनामिक्स के शेप्स का पार्ट ओके चलिए सो बेसिकली यहां पर शेप्स को याद करना आसान है मैं बता रहा हूं अभी ही याद हो जाएंगे आधे से ज्यादा शेप्स छह सात शेप्स तो अभी ही याद हो जाएंगे चलिए रिंग का शेप व्हाट इज अ रिंग रिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है अगर आप टॉप व्यू देखें तो बट अगर आप फ्रंट व्यू देखते हैं तो रिंग का शेप कुछ इस प्रकार से दिखता है तो अगर रिंग से मैं कोई एक्सेस पास करता हूं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा है ना वो हमें बताना है फिर क्या करेंगे रिंग के डायामीटर से पास करेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो हमें बताना है So, ऐसे करते करते फिर डिस्क का क्या होगा फिर डिस्क के डायमीटर से फिर सिलेंडर का क्या होगा ऐसे करते करते बहुत सारे शेप्स हैं तो सबसे पहली पहली बात अगर आपको ये चैप्टर की फॉर्मूलास याद करनी है जो पैटर्न में मैंने बनाया है वही पैटर्न में याद हो सकती हैं ओके और भी वेज होंगे आई अप्रिशिएट बट मेरा जो तरीका है वो यही रहा है तो लेट्स स्टार्ट सो so, रिंग सबसे बेसिक शेप है फॉर्मूला क्या होगी सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला होती है डेफिनेशन ही फॉर्मूला है क्या था डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आईज इक्सुडी समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर के बराबर बट यहां पर एक ही चीज है तो आईज इक्वी हो जाएगा एम आर स्क्वायर के बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला यानी बेसिक सा शेप फर्स्ट शेप रिंग में फॉर्मूला क्या है रिंग की फॉर्मूला है आपका डायरेक्टली जो आपका डेफिनेशन है चलिए ये कब जब आप फ्रंट व्यू देख रहे हो और आप सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहे हो कहां से पास कर रहे हो सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहे हो आप एकदम बीचो बीच से पास कर रहे हो तो आपका डेफिनेशन ही आपका आंसर आ जाता है अब डायामीटर भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है टेक्स्ट बुक में समझता ही नहीं है क्या डायमीटर है क्या वैसा है तभी मैंने डायग्राम को अच्छे से बनाया ताकि आपको समझे डायमीटर से बना रहा हूं टेक्स्ट बुक में डायग्राम में समझता नहीं है एक्सिस भी वहीं लिया है डायमीटर भी वहीं लिया है अब मुझे बताओ अगर आपके घर वाले आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दें इग्नोर करना स्टार्ट कर दें आप पहले सेंटर में थे पहले कहां थे सेंटर में थे बट अब आपके घर वाले आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दे आपको क्या फील होगा आपको इंसल्टेड फील होगा क्या फील होगा आपको इंसल्टेड फील होगा आपको बहुत इंसल्टेड फील होगा एंड इंसल्टेड फील होने से आपको आपको ऐसा लगा कि आपकी रिस्पेक्ट कम हो गई है सो बेसिकली जब जब डायमीटर के अक्रॉस पूछे तो रिंग को भी यही लगेगा कि उसकी इज्जत घट गई है सो so पहले उसकी इज्जत कितनी थी पहले उसकी इज्जत थी एम आर स्क्वायर के बराबर अब उसकी इज्जत क्या हो गई है अब उसकी इज्जत हो गई है आदि सो so रिंग का अक्रॉस डायमीटर हो जाता है एम आर स्क्वायर बाय टू के बराबर ओके okay, ये वीडियोस इसमें बना चुका हूँ कुछ कुछ साल पहले तीन चार तीन चार साल पहले से मैं इसमें बना रहा हूँ बट मेजोरिटी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो क्योंकि पुराना ओल्ड सेटअप था जिंदगी में जहां से छोड़ते हैं वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है काफी लोग वेव ऑप्टिक्स चैप्टर ऑप्शन में छोड़ देते हैं ये सोच के कि क्या है इंजीनियरिंग में जाते हैं देखते हैं इंजीनियरिंग का सिलेबस वेव ऑप्टिक्स से शुरू होता है तो कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं तो अगर डिस्क की फॉर्मूला स्टार्ट करनी है सो तो कहां से स्टार्ट होगा जहां पर छोड़ा था सो तो हमने पिछली फॉर्म्यूला क्या लिखी थी पिछली फॉर्म्यूला लिखी थी एम आर स्क्वायर बाय टू के बराबर सो तो डिस्क के सेंट्रल एक्सिस से भी फॉर्म्यूला वही है एम आर स्क्वाय टू के बराबर एकदम सेम फॉर्मूला जहां छोड़ा वहां से स्टार्ट किया सो <laughs> तो डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अक्रॉस फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर बाय टू के बराबर अगेन डिस्क को डायमीटर के अक्रॉस हम कंसीडर कर रहे हैं डिस्को को क्या लगेगा कि पहले तो मुझे सेंटर में लिया जाता था बट आजकल मेरी इज्जत घट गई है सो उसको क्या लगेगा मेरी इज्जत घट गई है इज्जत घट गई है मतलब उसको लगेगा जो पहले इज्जत थी अब वो आधी हो गई है पहले कितनी थी पहले थी एम आर स्क्वायर बाय टू के बराबर अब कितनी हो गई है उससे आधी हो गई है यानी हो गई है एम आर स्क्वायर बाय यहाँ से फोर के बराबर बोलो चार फॉर्मूलाज याद हो गए क्या Come on, चार फॉर्मूला सारे स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए आधा डर तो चार फॉर्मूला से ही निकल जाता है रिंग डिस्क दो, 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 सेंट्रल डायमीटर सेंट्रल डायमीटर ओके उसी प्रकार से सिलेंडर क्या होता है सिलेंडर डिस्क का ही एक्सटेंशन होता है डिस्क अगर ऐसी होती है अगर ये मेरे डिस्क का शेप है तो इसी को अगर मैं इसी से एक्सिस बना रहा हूं ओके okay, तो ये फॉर्मूलाज उनके लिए हैं बरोबर ये डायमीटर वाली है बट ये वाली फॉर्मूला हमारी सेंट्रल uh, एक्सिस वाली है अगर ध्यान से देखो इसी को मैं नीचे एक्सटेंड कर दूं तो तो ये तो सिलेंडर बन जाता है तो सिलेंडर की भी वही फॉर्मूलाज होती हैं ओके सिलेंडर की भी फॉर्मूलाज वही होती हैं पर एक स्पेशल सिलेंडर आता है जो थिक वॉल्ड होता है क्या होता है थिक वॉल्ड होता है आपको देख के समझ में आ रहा है बहुत मोटा सिलेंडर है यानी यहाँ पे एक रेडियस होगा मेरा आर वन के बराबर

बट रेडियस कितने हैं दो हैं सो हो जाएगा यहां से आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू के स्क्वायर के बराबर दो रेडियस है दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा ना ओके सो थिक वॉल्ड डिस्क हो या थिक वॉल्ड सिलेंडर हो सो ये फॉर्मूला हो जाती है मुझे नहीं लगता है रट्टा मारने की जरूरत है राइट रट्टा तो नहीं मार रहे हो ना पांचों फॉर्मूला अच्छे से किया है और ये मुझे नहीं लगता है रट्टा मारेगा भी कोई इधर से ही अगर कोई अटेंटिवली देख रहा है तो दिमाग में प्रॉपरली घुस जाएगा चलिए बात करते हैं यहां पर अब थोड़ा सा हम सॉलिड स्फीयर के बारे में सॉलिड और हॉलो स्फियर के बारे में थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा वे अलग हो जाता है यहां पर क्या हो जाता है वे इतना तो आपको समझ में आ जाएगा रेडियस तो हर जगह पे है एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर हर जगह पे है राइट एम आर स्क्वायर हर जगह पे है तो सॉलिड के फॉर्मुला में भी एम आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा एम आर स्क्वायर ये तो पहले से ही लिख दो सॉलिड की कितनी फॉर्मूलाज हैं सॉलिड की दो फॉर्मूलाज हैं चलो भाई दो फॉर्मूलाज हैं दो फॉर्मूला है सॉलिड ओ स्फीयर की कितनी फॉर्मूलाज है स्फीयर की दो फॉर्मूलाज हैं तो ये है मेरा सॉलिड राइट सॉलिड है सॉलिड है मतलब क्या होगा सॉलिड है मतलब कुछ ना कुछ ज्यादा होगा राइट right, कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा ये हॉलो है हॉलो मतलब कुछ ना कुछ कम होगा होलो मतलब खालीपन सॉलिड मतलब भरापन यूज करना है ऑड नंबर्स का ऑड नंबर अगर मैं वन डालता हूं डिनोमिनेटर में कुछ मतलब ही नहीं है तो कौन सा ऑड नंबर बचता है थ्री सो थ्री डालूंगा यहाँ पर

जिनको थिन रॉड नहीं समझता है इसको कार्बन की चेन समझो क्या समझो उसको समझो ये तुम्हारे कार्बन की चेन है बोलो कार्बन के वेट का डेफिनेशन याद है क्या ऑन कार्बन के वेट का डेफिनेशन याद है क्या सो कार्बन का अगर एटॉमिक वेट कैलकुलेट करते हैं सो वन बाय ट्वेल्थ ऑफ जो एटॉमिक वेट की डेफिनेशन है वो कार्बन से निकलती है वन बाय ट्वेल्थ ऑफ अ कार्बन सो बेसिकली यहां पर रेडियस तो नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर लेंथ है, सो बट यहां पर हो जाएगा एम एल होता है और कार्बन का यूनिट का डेफिनेशन क्या होता है वन बाय ट्वेल्थ ऑफ अ कार्बन एटम सो यहाँ पर वो वन बाय ट्वेल्व का आंकड़ा इस कार्बन के रूप में आपको इस रॉड रूपी कार्बन के रूप में आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ थिन रॉड अगर आप सेंट्रल एक्सिस से जा रहे हैं उसी प्रकार से रॉड यहाँ से भी जाती है सो so यहाँ पर फॉर्मूला सिंपली हो जाता है एम एल स्क्वायर बाय यहाँ पे थ्री के बराबर ओके okay. चलिए कितना हो जाता है फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है एम एल स्क्वायर बाय थ्री के बराबर ये थ्री में याद आ जाता है यूजली ठीक है याद आ जाता है ऐसा हाँ, कंसीडर कर सकते हो कि तीन जगह से रॉड को अपन डिवाइड कर सकते हैं ओके कितने जगह से तीन जगह से कर सकते हैं एक सेंटर से तो फॉर्मूला बन गई है बरोबर। और साइड में थ्री ही आएगा इधर से करो या उधर से करो शेप्स मतलब साइड तो थ्री ही रहे मतलब साइड में तो एक्सेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा ठीक है पासिंग थ्रू वन एंड कोई भी एक एंड से यहां से पास होगा सॉलिड कोन की बात करें सो so, दो प्रकार के कोन है एक सॉलिड कोन है एक होलो कोन है वापस से कोन में हमारा रेडियस का आंकड़ा आ जाता है तो यहां पर एम आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा एम आर स्क्वायर यहां पर भी रहेगा एम आर स्क्वायर यहां पर भी रहेगा सो so, जब हम बचपन में बर्थडे मनाते थे मस्त दोस्त लोग के लिए टोपी वोपी लाते थे है ना और मेरा बर्थडे आता है थर्ड दिसंबर को बिकॉज मेरा बर्थडे आता है थर्ड दिसंबर को यहां पर थ्री तो आएगा ही आएगा अब बर्थडे है ट्रे में मस्त हम देते थे एक गुलाब जामुन रहता था एक हैप्पी बर्थडे का ऐसा चॉकलेट रहता था थोड़ा सा केक रहता था और बाकी चिप्स रहती थी तो अब वो सब के लिए कम से कम दस लोग तो रहते ही थे राइट कम से कम दस लोगों को तो हम बुलाते ही बुलाते थे सो थर्ड डिसम्बर मेरा बर्थडे टोपिया ऐसे में देता था सबको दस लोगों को देता था सो थ्री बाय टेन टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर हो जाएगी सॉलिड कोन की फॉर्मूला आज हम जिंदगी के उस दस्तूर पे आके पहुंचे हैं कि जिंदगी में सबके दिलों में खालीपन हो गया है आजकल कोई बर्थडे पार्टी भी मांगता है तो मेरा फिलोसॉफिकल आंसर आता है कि हर बर्थडे आपको आपके मौत के नजदीक लेके जा रहा है <laughs> मैंने कुछ गलत नहीं बोला सच बोल रहा हूं हर दिन हमारी जिंदगी छोटी होती जा रही है सो तो आजकल जिंदगी में सबके जिंदगी में दुख दर्द पीड़ा खालीपन इतना हो गया है जिंदगी आधी होती जा रही है ऐसे ही लोगों को हार्ट अटैक्स आते जा रहे हैं स्टूडेंट्स को हार्ट अटैक्स आते जा रहे हैं नाचते नाचते लोग चल बस रहे हैं तो जिंदगी आधी होती जा रही है तो जो टोपी बचपन में खुशियों से भरी होती थी आज वो जिंदगी में ना तो कोई टोपी पहनता है बट खालीपन शायद ज्यादा दुखी हो गया क्या मैं <laughs> सॉरी ज्यादा ही दुखी बोल दिया मैंने सो बेसिकली कहने का मतलब आधा होते जा रहे, सब कम कम होते जा रहे, है सो बेसिकली हाफ एमार्स कर हो जाती है यहाँ पर फॉर्मूला

ओके okay, इसी को क्या दे देता हूं इसी को ब्रेथ दे देता हूं तो ये वाला शेप आपका एग्जैक्टली वही है ओके okay, ये वाला शेप आपका एग्जैक्टली वही है तो वही फॉर्मूला होगी एम डिवाइडेड बाय ट्वेल्व पर लेंथ के साथ ब्रेथ भी है सो हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहां से आपका ब्रेथ का भी स्क्वायर ओके okay. So, मेरे हिसाब से आपको सारी फॉर्मूलाज याद होती जा रही होंगी यही वीडियो दो बार देख लोगे ना तो कुछ प्रॉब्लम आएगा तो नहीं जितना मैं गैस कर सकता हूँ फाइनली डिस्कस करते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना फाइनली डिस्कस करते हैं यहां से हम द लास्ट फॉर्मूला चलिए यूनिफॉर्म सिमेट्रिक स्फेरिकल शेल इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग होता है इसमें बेसिकली क्या है इसमें एक बड़ा सा स्फियर है ओके okay? उसके अंदर वापस से एक स्फीयर आता है तो कंसीडर करते, है करते हैं इसका रेडियस है यहां से आर टू के बराबर सो so, यहाँ पे मोमेंट ऑफ एनर्जी अपना सॉलिड वाला ही लग जाता है सो टू डिवाइडेड बाय फाइव ऊपर अभी क्या हो जाता है ऊपर हो जाता है यहां से आर टू रेस टू फाइव माइनस हो जाता है आर वन रेस टू फाइव और नीचे यहाँ पर हो जाता है आर वन का क्यूब माइनस हो जाता है यहाँ से और सॉरी वही अगर आर टू लिया है सो नीचे भी यहाँ पर आर टू ही लेना पड़ता है सो आर टू का यहाँ से क्यूब और यहाँ पर आर वन का यहाँ से क्यूब ओके सो ये हो जाती है हमारी बेसिक सी फॉर्मूला ठीक है सो so, हो जाता है ये भी याद कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बड़े में से कभी भी छोटा माइनस होता है सो आर टू माइनस आर वन उसके वजह से नीचे भी आर टू माइनस आर वन उसके वजह से टू बाई फाइव आता है हमारे सॉलिड के पार्ट के वजह से और फाइव और थ्री का रेशियो कुछ आप ऐसा समझ सकते हो मैं ये फॉर्मुला जब लेवेंथ स्टैंडर्ड या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में याद कर रहा था तो मैं तारक मेहता देख रहा था तो तारक मेहता में पांच मेन बच्चे थे ना टप्पू गोली गोगी पिंकू और सोनू राइट तो पांच उसके वजह से पांच बच्चे थे उसमें से मेन कैरेक्टर तीन ही थे पिंकू किसी भी एंगल से मेन कैरेक्टर नहीं था उस जमाने की बात बता रहा हूं वो तो पता ही नहीं है किसका है <laughs> पता ही नहीं सो सो बेसिकली और तीन लोग फिट हैं उसमें राइट so एक, फिट है, एक सोनू फिट है हैोगी गो, गो, फिट है सो so बेसिकली उस टाइम मैंने कुछ ऐसा याद किया था सो so पांच कैरेक्टर हैं जिसमें से तीन लोग यहाँ पर फिट हैं ओके चलिए सो so इसी प्रकार से यहाँ पर हमारी अ सारी फॉर्मूलाज हो जाती हैं यस yes, यहाँ पर हमारी सारी फॉर्मूलाज हो जाती हैं हमारी समाप्त इसी प्रकार से हमारा पहला पहला वन शॉट भी हो जाता है यहाँ से समाप्त दो टॉपिक्स बाकी हैं वो तो आ जाएंगे वीडियोस में उसका तो बिल्कुल भी टेंशन यहाँ पर है नहीं सो so, इसी प्रकार से हमारा वन शॉट लेक्चर यहाँ पर होता है समाप्त तो आप पिज्ज़ा खाना चाहो पिज़्ज़ा खाने जा सकते हो पेड़े खाना चाहो पेड़े खाने जा सकते हो क्योंकि मैं जा रहा हूँ मेदू वड़ा खाने तो आप लोगों को भी ऑफर करूँगा आप जो खाना चाहो खा सकते हो पहला पहला, पहला वन शॉट था डिजिटल डिजिटल बोर्ड पे एक्चुअली फिजिक्स का पहला लेक्चर था कुछ गलतियां हो तो माफ कर सकते हो सजेशन हो तो दे सकते हो एंड यहां पर मैं कह सकता हूं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स गिवन है टेलीग्राम ग्रुप की डिटेल्स गिवन है आरजी लेक्चर्स ऐप की डिटेल्स आरजी लेक्चर्स वेबसाइट की डिटेल्स गिवन है इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए शेयर करने से कॉन्फिडेंस आता है कि जो हम इतना मेहनत करके कंटेंट बना रहे हैं वो ज्यादा लोग देख रहे हैं ऑलरेडी ये सब चीजें मैं 2019 से YouTube पे बहुत बार करा चुका हूं ये मेरा सिक्स या सेवेंथ ईयर होने वाला है ओके okay, मतलब एम एच टी सी ई टी कराते हुए यूट्यूब से तो टू थाउजेंड एटीन पे हूँ मैं टू थाउजेंड एटीन में मैं पहले इलेवेंथ ही कराया था सो टू थाउजेंड नाइनटीन से ये सब मैंने स्टार्ट किया था ट्वेल्थ कराना ओके okay, सो शेयर कीजिए ताकि समझे कि हाँ चलो भाई इतना मेहनत करे तो कुछ फर्क ऐस पड़ रहा है ओके okay, एंड बाकी आपका प्यार तो कमेंट्स में नजर आता ही है मिलते हैं चैप्टर नंबर टू में प्ले लिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जय श्री राम